हाँ ये अपना सिलेबस है, और सिलेबस में वही चीजें चार तो है शुरू में, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल माउंटेन्स प्लेटोज प्लेन्स और डेजर्ट, उसके अलावा फिर है नदियां और झीलें रिवर्स लेक्स, और एक लास्ट में कृषि औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन, जहां से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है इंडस्ट्रियल रीजन से, ठीक है। और एक चैप्टर है लास्ट में कृषि के प्रकार टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहां से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या आपने इकोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो पर्वत पठार हम उनको ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज ना पढ़ के ऐसे पढ़ेंगे जैसे सिलेबस में दे रखा है, पहले माउंटेन्स एक साथ पढ़ लेते हैं सारे, फिर पठार एक साथ पढ़ लेते हैं प्लेटोस, फिर मैदान और फिर मरुस्थल, फिर नदियां झीले और इंडस्ट्रीज, तो वन बाय वन पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में ये आपको पीडीएफ सेव करके मिल जाएगी वहां टेलीग्राम में, तो कभी और बाय चांस कभी एक बार और रिवाइज करना हो आपको तो जल्दी से देख लेना। चलो माउंटेन्स पढ़ते हैं पूरी विश्व के, पहले एक बार नाम नाम बताना सबके, फिर वन बाय वन एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हम, जैसे पहले नॉर्थ अमेरिका के पर्वत, फिर साउथ अमेरिका के, और फिर आगे इस तरीके से पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स बताना देखे एक बार कौन कौन से हैं, कौन सा था पहले, अलास्का, ब्रूक्स मैकेंजी, अलास्का ब्रूक्स मैकेंजी, अलास्का ब्रूक्स, प्रशांत तटीय श्रेणिया पैसिफिक कोस्ट रेंज, प्रशांत तटीय श्रेणिया, फिर उसके साथ में एक या छोटी सी कैस्केड, एक रॉकी माउंटेन, क्या नाम है, रॉकी माउंटेन, फिर यहाँ सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ट्रांस मेक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट, और ये कौन सा है, अपलेशियन माउंटेन, क्या नाम है इसका। एक बार कौन कौन से माउंटेन्स देख लिए हमने, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले अलास्का, फिर एक ब्रूक्स मैकेंजी, अलास्का ब्रूक्स मैकेंजी, अलास्का ब्रूक्स, इस तरफ एक प्रशांत तटीय श्रेणियां पैसिफिक कोस्ट रेंज, और एक कैस्केड, फिर रॉकी माउंटेन, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, और ये अपलेशियन माउंटेन, कौन सा, अपलेशियन, एक ट्रांस मेक्सिकन ज्वालामुखी। फिर साउथ अमेरिका में हमने एक माउंटेन देखा केवल, क्या नाम है उसका, एंडीज माउंटेन रेंज, क्या नाम है, एंडीज माउंटेन। चलो अफ्रीका में बताओ मेरे को जल्दी जल्दी क्या क्या नाम है, एक का नाम एटलस, एटलस लोमा ड्रेकेंसबर्ग, एटलस लोमा ड्रेकेंसबर्ग, एटलस लोमा, किलिमंजारो केन्या रुवेंजोरी, किलिमंजारो केन्या रुवेंजोरी, किलिमंजारो केन्या, और फिर यहाँ मेन मेन देखें छोटा सा ही मैप एक बार, यहाँ एक मेन तो एक माउंटेन है आल्प्स पर्वत, यूरोप में कौन सा है, ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में कोकेसस माउंटेन, क्या नाम है उसका, कोकेसस, और एक बाउंड्री बनाने वाला यूराल, कौन सा पर्वत है, और कुछ माउंटेन्स यहाँ यूरोप में इसमें एशिया में वो भी देखते हैं साथ साथ अभी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या नाम है, और फिर ये न्यूजीलैंड वाले माउंटेन का नाम क्या है, दक्षिणी आल्प्स या सदर्न आल्प्स, क्या नाम है, दक्षिणी आल्प्स सदर्न आल्प्स। अब एक एक हम कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम माउंटेन्स देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स में देखा हमने सबसे पहले अलास्का रेंज, तो बताओ अलास्का पहले तो इस तरीके के सारे माउंटेन्स किसका पार्ट है, पश्चिमी कोडिलेरा, वेस्टर्न कोडिलेरा का पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कोडिलेरा का पार्ट है सारे के सारे, कैसे हैं ये, नवीन वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन, जैसे हम इसकी बात करें अलास्का रेंज की, तो सबसे पहले तो क्या है ये, यंग फोल्ड माउंटेन, एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, फिर उसके साथ में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ मेरे को, क्या नाम है, माउंट मैकिनले, माउंट, ये माउंट मैकिनले क्या है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, इसका एक नाम और है, क्या नाम है, देनाली, क्या नाम है इसका, देनाली, तो ये माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है जो कहाँ देखने को मिलती है हमें, अलास्का रेंज में। फिर ये प्रशांत तटीय श्रेणियां, यहाँ पे भी हमें एक ऊंची चोटी मिलती है, क्या नाम है उसका, लोगान, क्या नाम है, लोगान की खास बात बताओ, ये कनाडा की तो हाईएस्ट पीक है, कनाडा की तो हाईएस्ट पीक है, और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका, लोगान,
तो लोगन यहाँ देखने को मिलती है हमें। उसके बाद में फिर हम आगे चले तो एक मिलती है हमें कैस्केड श्रेणी। कैस्केड में कुछ खास बातें नहीं है, हम केवल मेन मेन बातें करेंगे जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट हो, बाकी बातें इससे ज्यादा काम की नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, बस काम काम की बातें कर रहे हैं। कैस्केड, कैस्केड में हुड रेनियर सास्ता, हुड रेनियर। फिर उसके बाद में एक इंपोर्टेंट माउंटेन आता है रोकी पर्वत, रोकी माउंटेन। रोकी की खास बात बताओ कहाँ कहाँ है, कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, ये भी एक नवीन वलित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन ही है। इसकी खास बात क्या है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ इसके, क्या नाम है, इधर की तरफ है, क्या नाम है, एल्बर्ट, एल्बर्ट माउंट एल्बर्ट। और एक और लगभग इधर कनाडा की तरफ, उसका नाम क्या है, रोबसन, तो क्या क्या नाम है, एल्बर्ट रोबसन, एल्बर्ट रोबसन, एल्बर्ट। कोलंबिया, कोलोराडो जैसी नदियों का उद्गम कहां से होता है, रोकी माउंटेन से होता है, ठीक है, इस रोकी पर्वत में लगभग इतनी बातें काम की है। फिर आगे चलते हैं तो आगे अपना माउंटेन आता है कौन सा, सियेरा नेवादा। ये भी कैसा, एक नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन नहीं, ये एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। कैसा ये, ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ मेरे को, विटनी, क्या नाम है, विटनी, सियेरा नेवादा। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, विटनी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे सबसे ऊंची एक अल्पाइन झील मिलती है हमें, उसका क्या नाम है, ताहो। अल्पाइन झील का नाम क्या है, ताहो नाम की एक अल्पाइन लेक मिलती है। वृक्ष वगैरह सिकोया वगैरह इतने काम के नहीं है, ठीक है। सियेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल, बस नाम ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज और है, सबसे लास्ट लास्ट में देखते हैं तो यहाँ में मिलते हैं क्या, ट्रांस मेक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, ट्रांस मेक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट, नाम से पता चल रहा है कहाँ है वो, मेक्सिको में। यहाँ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम बताओ क्या नाम है, सिटल लटे पेटल, सिटल लटे पेटल, सिटल लटे पिकोडी ओरिजाबा, पिकोडी ओरिजाबा, पिकोडी। ये मेक्सिको की तो हाईएस्ट और नॉर्थ अमेरिका की थर्ड हाईएस्ट, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या नाम है इसका, सिटल लटे पेटल या पिकोडी, एक बार इस नाम से इसको पूछा हुआ है, पिकोडी ओरिजाबा नाम से। दूसरी ऊंची चोटी वगैरह इतनी काम की नहीं है। अब हम सबसे लास्ट में चलते हैं यहाँ पे, ये पर्वत, इस पर्वत का क्या नाम है, अपलेशियन पर्वत, क्या नाम है ये, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन माउंटेन। तो अपलेशियन माउंटेन की बात करें तो ये किस टाइप का है, नवीन वलित पर्वत नहीं, यह है प्राचीन वलित पर्वत। किस टाइप का है, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कैसा ये, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अपलेशियन पर्वत के बारे में देखा हमने, किस साइड है, कनाडा और यूएसए में, और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। खूब सारे पर्वत है छोटे मोटे, उनको इतना ध्यान नहीं रखना, बस आप इतना सा ध्यान रखो इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मिसेल, माउंट मिसेल, माउंट मिसेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, अपलेशियन पर्वत की। उसके बाद में अपलेशियन पर्वत के इधर इधर दो तीन चीजें हैं, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसके पूर्वी भाग में एक पठार है, उसका क्या नाम है, पीडमोंट पठार, क्या नाम है, पीडमोंट पठार। नदियां जब गिरते समय यहाँ पे जलप्रपात वॉटरफॉल बनाती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फॉल लाइन रीजन, क्या कहा जाता है, फॉल लाइन रीजन। और फिर इधर देखें, इधर एक पठार है, उसका एक नाम है एलेगेनी और कम्बरलैंड, आप इसका नाम ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, कम्बरलैंड पठार, क्या नाम है, कम्बरलैंड। बाई चांस आपसे पूछे कि ये पीडमोंट पठार कहाँ स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, आपसे पूछे कम्बरलैंड पठार कहाँ स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, तो इतनी बातें यहाँ नॉर्थ अमेरिका के पर्वतों के बारे में ध्यान रखना है बस। अपलेशियन माउंटेन कैसा है, प्राचीन वलित पर्वत, सबसे हाईएस्ट पीक मिसेल, और इसमें एक पठार मिलता है कम्बरलैंड का पठार, और एक पठार क्या मिलता है, पीडमोंट का पठार, बस इतनी सी बातें ध्यान रखना। सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, माउंट मिसेल, माउंट मिसेल नहीं, यहाँ की पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट मैकिनले, क्या नाम, जिसका भी नया नाम क्या है, देनाली। और फिर इस रॉकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक एल्बर्ट, और एक कौन सी, रोबसन, एल्बर्ट और रोबसन, बस ये नॉर्थ अमेरिका के लिए। फिर उसके बाद में अगला माउंटेन हमारा साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत, कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, किस भाग में, पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। किस टाइप का पर्वत है, ये भी एक नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसे कैसे बना है, एक प्लेट तो है नाजका प्लेट और एक साउथ अमेरिकन प्लेट। नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट दोनों का क्या हुआ है, कन्वर्जेंस या अभिसरण हुआ है, इसलिए हमें कौन सा माउंटेन देखने को मिल रहा है, एंडीज पर्वत। इसकी खास बात क्या थी,
विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, क्या नाम है उसका? एंडीज पर्वत श्रेणी। और इसकी खास बात बताओ मेरे को, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ एंडीज पर्वत की, हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अकोंकगुआ। क्या नाम? अकोंकगुआ। अकोंकगुआ इसकी हाईएस्ट पीक है, अर्जेंटीना की तरफ देखने को मिलती है अकोंकगुआ। सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए यही है, पिछली बार लास्ट टाइम भी एग्जाम में ही पूछा था, सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अकोंकगुआ। और दो तीन चोटियां थी, एक बार नाम नाम बता दो, ओजस डेल सलादो चिम्बराजो कोटोपेक्सी, ओजस डेल सलादो चिम्बराजो। एक नदी इस तरफ चली गई उसका नाम है अमेजन, और एक नदी लगभग इस तरफ आती है कोलोराडो, अमेजन और कोलोराडो, और बीच बीच में कुछ पठार वगैरह वो देखते हैं साथ के साथ, ठीक है। कुछ पशु वगैरह भी मिलते हैं क्या एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में? क्या क्या नाम है? लामा अल्पाका चिंचिला, लामा अल्पाका चिंचिला। बस एंडीज पर्वत में 30 बार ध्यान रखो, नवीन वलित पर्वत है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अकोंकगुआ। सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अकोंकगुआ। फिर हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं, तो वहां हमें माउंटेन्स मिलते हैं, देखिए नाम बताओ। सबसे पहला कौन सा है? एटलस पर्वत। क्या नाम है? एटलस। तो एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटीएम। कहाँ स्थित है? एटीएम। तो एटलस तो कल पढ़ेंगे, एटीएम से अल्जीरिया ट्यूनिशिया मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनिशिया। और ये भी एक कैसा है? नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन है एटलस पर्वत। फिर इसके हाईएस्ट पीक याद की थी हमने, एटलस तो कल पढ़ेंगे, टोपकल। एटलस तो कल, टोपकल, टोपकल इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है, एटलस तो कल, टोपकल। उसके बाद में बताओ यहाँ अगला माउंटेन है लोमा पर्वत, कौन सा पर्वत है? कुछ नहीं याद आए तो बस आप इतना सा ध्यान रखना, गिनी, गिनी में स्थित है, सियेरा लियोन और गिनी, आप तो इतना ध्यान रखो बस, गिनी में स्थित है। कौन सा पर्वत है? लोमा पर्वत। और लोमा पर्वत, लोमा तुनी मानी बिंतुमानी, लोमा तुनी मानी बिंतुमानी, अरे याद है क्या सारी चीजें? हाँ, तो लोमा तुनी मानी बिंतुमानी। तो बिंतुमानी ईस्ट पीक, एक नदी देखेंगे लास्ट में, देखेंगे तब नाइजर नाम की नदी का उद्गम होता है यहाँ से। फिर ड्रेकेंसबर्ग, ये कहाँ देखने को मिल रहा है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में स्थित है ड्रेगन्सबर्ग। अरे एक काम करना, ड्रैगन लेकर आना, लेनी आना, ड्रैगन लेकर आना, लेनी आना, ड्रैगन लेकर आना, तो लेनी आना। हाईएस्ट पीक किसकी है? ड्रेगन्सबर्ग की। और हम देखा इधर से एक नदी जाएगी, ऑरेंज नाम की नदी। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, कौन सा है? किलिमंजारो। दूसरा सबसे ऊंचा केन्या, तीसरा सबसे ऊंचा रुवेंजोरी पर्वत। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तंजानिया। कहाँ स्थित है? तंजानिया। केन्या पर्वत तो केन्या में स्थित है। ये रुवेंजोरी, ये एक तो डीआरसी और उसके साथ साथ युगंडा, डीआरसी और युगंडा में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत, ये भी ज्वालामुखी, और ये खंड पर्वत है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। फिर उसके बाद बताओ किलिमंजारो की सबसे हाईएस्ट पीक क्या नाम है? ऊरू। किलिमंजारो की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? ऊरू। बस ये चीज याद है आपको, और कुछ नहीं याद है। किलिमंजारो की सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? हाँ, ऊरू। क्या नाम? ऊरू। केन्या, केन्या पर्वत की बतियान, केन्या बातें करती है तो बतियान। सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? बतियान, ध्यान रखना। और रुवेंजोरी, रुवेंजोरी की सबसे हाईएस्ट पीक मार्गरीटा। क्या नाम? मार्गरीटा, मार्ग में पीटा, मार्गरीटा, मार्ग में पीटा, मार्गरीटा। तो रुवेंजोरी, तो रुवेंजोरी की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम मार्गरीटा। इसके दो अलग अलग नाम है इसके, रुवेंजोरी के। एक तो क्या है? चंद्रमा के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ द मून, और अफ्रीका का आल्स पर्वत। क्या नाम? अफ्रीका का आल्स पर्वत, आल्स माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, आल्स माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। दो अलग अलग नाम है, कॉपर कोबाल्ट के भंडार मिलते हैं, बस इतनी सी बातें ध्यान रखना। एटलस अफ्रीका में स्थित है, एटीएम अल्जीरिया ट्यूनिशिया मोरक्को, नवीन वलित पर्वत हाईएस्ट पीक टोपकल, लोमा ये कहाँ है? ये गिनी में स्थित है, हाईएस्ट पीक बिंतुमानी, लोमा तुनी मानी बिंतुमानी। फिर यहाँ कौन सा है? ड्रेकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका में स्थित है, और ये हाईएस्ट पीक है लेनियाना। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, हाईएस्ट पीक उहुरू, किलिमंजारो उहुरू। केन्या, केन्या में बतियान, और रुवेंजोरी डीआरसी युगांडा, हाईएस्ट पीक का नाम मार्गरीटा, और चंद्रमा के पर्वत अफ्रीका का आल्स पर्वत। फिर अफ्रीका के बाद में हम आगे चले तो यूरोप, यूरोप के माउंटेन्स देखते हैं। देखो यूरोप के माउंटेन्स में देखा, सबसे मेन एक माउंटेन हमें देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? आल्स पर्वत। क्या नाम है? आल्स।
लोकेशन प्री के हिसाब से हमारे लिए इतने काम के नहीं है, सेफ से याद किया था हमने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, आप तो ध्यान रखो ये कहाँ है, यूरोप में स्थित है, आल्स पर्वत। ये सारे के सारे इस तरफ वाले माउंटेन्स कैसे हैं, ये नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। ये किस टाइप का है यूराल, ये प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये चार कैसे है यहाँ पे, ये ब्लॉक माउंटेन्स, खंड पर्वत है, ठीक है। चलो एक बार आल्स पर्वत के बारे में देखें, तो ये यूरोप में स्थित है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस में स्थित नवीन वलित। अब ध्यान रखना इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका क्या नाम है, आल्स। ब्लॉक कर दिया सेफलीगान को, ब्लॉक, तो ब्लॉक से याद किया था हमने माउंट ब्लांक, क्या नाम, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, मैटरहॉर्न भी एक, माउंट ब्लांक, मैटरहॉर्न, माउंट ब्लांक। नदियां, एक नदी ऊपर की तरफ राइन, एक इस तरफ रोन, इस तरफ पो, राइन रोन पो, राइन रोन पो, राइन रोन, तो राइन रोन और पो नाम की नदियों का उद्गम, दो इंपोर्टेंट बातें ध्यान रखना किस माउंटेन के लिए, आल्स पर्वत। फिर इधर चलो, एक माउंटेन है कोकेसस, कोकेसस कहाँ है, ये ब्लैक सी, काला सागर और ये कैस्पियन सी दोनों के बीच में स्थित है, क्या नाम है इसका, कोकेसस पर्वत। ये भी नया है, इधर यूरोप है इधर एशिया, दोनों के बीच में बाउंड्री है, सीमा का निर्माण करता है कोकेसस माउंटेन। कोकेसस की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, काका जी सबसे ऊंचे हैं, और एलब्रूस, एलब्रूस क्या नाम, एलब्रूस, एलब्रूस, एलब्रूस नाम की इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि पूरे यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा, एक दो बार पूछा हुआ तो इसको ही पूछा है, एलब्रूस, एलब्रूस, एलब्रूस सबसे हाईएस्ट पीक इसके कोकेसस माउंटेन की, ठीक है, ये पूरे यूरोप की सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद में फिर हम देखा यूराल पर्वत, यूराल पर्वत भी यूरोप एशिया के बीच बाउंड्री बनाता है, रूस में स्थित है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसा है, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक प्राचीन वलित पर्वत है। अगर आपसे पूछेगा तो वो इस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा मिला, अपलेशियन माउंटेन, कौन सा, अपलेशियन, और यूरोप में कौन सा है, जुराल, जुराल पर्वत एक प्राचीन वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो, नरोदनाया, जुराल नदी में रोजनाया, नरोदनाया, तो नरोदनाया हाईएस्ट पीक किसकी है, जुराल पर्वत की, एक नदी का उद्गम जुराल नदी, कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है। फिर इधर आओ कैंटाब्राइन, कैंटाब्राइन कांटा लगा एब्रो पेन हुआ, स्पेन, स्पेन में स्थित है कैंटाब्राइन, कहाँ स्थित है, स्पेन, स्पेन में, और एक नदी एब्रो, एब्रो, एब्रो नाम की नदी का उद्गम होता है कहाँ से, कैंटाब्राइन से। पिरेनीज, तो बस इतना सा ध्यान रखो ये स्पेन है और ये फ्रांस, फ्रांस स्पेन के बॉर्डर रीजन पे, कौन सा माउंटेन, पिरेनीज, एंडोरा देश, थोड़ी कम बातें थी काम की वो मैंने हटा दी यहाँ से। एपिनाइंस, एपिनाइंस कहाँ स्थित है, एपी, एपी पी लेते हैं आजकल के टाबर, टाबर से कौन सी नदी है, टिबेर नाम की नदी है। और फिर इटला, इटला के चलते हैं, तो इटला से हमने याद किया था इटली, कहाँ स्थित है एपिनाइंस, तो एपिनाइंस माउंटेन इटली में स्थित है और एक नदी टिबेर या टाइबर रिवर का यहाँ से ओरिजिन होता है। पिंडस, पिंडस कहाँ स्थित है, ग्रीस, पिंडस कहाँ है, ग्रीस में स्थित है। फिर चार हमने पढ़े थे ब्लॉक माउंटेन्स, खंड पर्वत, नाम बताओ देखे, वोसजीस, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, होर्ज, वोसजीस, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, होर्ज, वोसजीस, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, वोसजीस, जूरा, ये दोनों तो किस तरफ है, फ्रांस, फ्रांस की तरफ है, और ये लगभग ब्लैक फॉरेस्ट और रोड्स ये जर्मनी की तरफ देखने को मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें, जर्मनी की तरफ। तो यूरोप में इतना से ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, तो सबसे ऊंची चोटी इधर बताओ, इधर कोकेसस में सबसे हाईएस्ट पीक मिलती है एल्ब्रूस, एल्ब्रूस तो पूरे यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है, और यूराल पर्वत ये किस टाइप का है, ये प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, आल्स पर्वत, माउंट ब्लांक, नदियां राइन, रोन, पो, इधर कैंटाब्राइन, पिरेनीज, एपिनाइंस, एपिनाइंस कहाँ है, इटली, इटली में स्थित है, और एपिनाइंस से कौन सी, टिबेर नदी। बस इतनी सी बातें यूरोप में इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे चले हम, तो फिर एशिया, एशिया में देखें तो माउंटेन्स पहले स्टार्ट करते हैं तुर्की की तरफ से, तुर्की बोलते हैं आजकल उसको, तुर्की या तुर्की या तुर्की, तुर्की की तरफ माउंटेन मिलते हैं, उसका नाम क्या है, पोंटिन टोरस, क्या नाम है, पोंटिन टोरस, एल्बुर्ज जाग्रोस, एल्बुर्ज जाग्रोस कहाँ है, ईरान, एल्बुर्ज और जाग्रोस तो ईरान में स्थित है, और तुर्की में कौन कौन से पर्वत है, पोंटिन टोरस, पोंटिन, तो क्या क्या नाम, पोंटिन टोरस एल्बुर्ज जाग्रोस, पोंटिन टोरस एल्बुर्ज जाग्रोस। फिर इधर अफगानिस्तान की तरफ आते हैं, तो यहाँ एक पर्वत है, उसका क्या नाम है, हिंदुकुश, क्या नाम, हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत, पाकिस्तान, सुलेमान, सुलेमान पाकिस्तान,
सुलेमान पाकिस्तान, सुलेमान सोल्ट रेंज भी पाकिस्तान की तरफ थी, एक हिमालय, फिर इधर चाइना की तरफ कौन सा है, कुलुनशान, क्या नाम है, कुलुनशान, एक ये तियनशान और फिर अल्ताई, ये श्यान खिंगन, बस इनके नाम इतने इंपोर्टेंट नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट हमारे लिए कौन, पामीर, क्या नाम है, और पामीर को क्या बोलते हैं, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं इसको, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि चार पांच देशों के बॉर्डर रीजन पे स्थित है, कौन, पामीर, और ये सारे माउंटेन यहाँ जंक्शन पर स्थित है, आकर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इसलिए एक तरीके से जंक्शन है, पामीर को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। और फिर यहाँ म्यांमार, म्यांमार में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, उसका क्या नाम है, अराकान योमा, क्या नाम है, अराकान योमा, क्या नाम, अराकान योमा, कहाँ स्थित है पहले तो बताओ, म्यांमार, कहाँ स्थित है, कैसा है ये यंग फोल्ड माउंटेन, एक नवीन वलित पर्वत है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, माउंट विक्टोरिया, क्या नाम है, माउंट विक्टोरिया, अराकान योमा की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट विक्टोरिया। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, पुंचक जाया, क्या नाम है, पुंचक जाया, इंडोनेशिया की सबसे हाईएस्ट पीक। फिर जापान, जापान की सबसे ऊंचा जो माउंट फ्यूजी, क्या नाम है, माउंट फ्यूजी नाम से जापान में सबसे ऊंचा पर्वत है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, बस एक बार देखिए वापस समराइज करो इसको। इधर तुर्की में कौन कौन सा है, पोंटीन टोरस, पोंटीन टोरस एल्बुर्स जाग्रोस, पोंटीन टोरस एल्बुर्स, तुर्की में टोरस से दो नदियां आएगी, तिग्रिस यूफ्रेट्स, एल्बुर्स जाग्रोस ईरान में स्थित है। तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत हमें देखने को मिलता है माउंट अरारात, क्या नाम है उसका, अरारात, और इस एल्बुर्ज में स्थित एक चोटी है, उसका क्या नाम है, देमावंद, देमावंद पूरे पश्चिम एशिया की, वेस्ट एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका, माउंट देमावंद। और बाद में हिंदुकुश, अफगानिस्तान, सुलेमान, बाकी इसमें कोई काम का नहीं है। अराकान योमा को देख लिया हमने, नवीन वलित पर्वत है, म्यांमार में स्थित है, और हाईएस्ट पीक का नाम विक्टोरिया, क्या नाम है, विक्टोरिया, और फ्यूजी जापान, और इंडोनेशिया की तरफ क्या है, पुंचक जाया। तो सबसे इंपोर्टेंट बस हमारे लिए यही है। इधर एशिया में हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका में एकोंकगुआ, नॉर्थ अमेरिका में देनाली या फिर माउंट मैकिल्ले, अफ्रीका किलिमंजारो और एल्ब्रुस, यूरोप माउंट विंसन मेसिफ, ये अंटार्कटिका में देखेंगे, अंटार्कटिका में सबसे हाईएस्ट क्या है, माउंट विंसन मेसिफ, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया, इनको सबसे लास्ट में एक एक साथ ही पढ़ लेंगे, छोटे छोटे तो है वो। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में सबसे ऊंची चोटी कोस्क्विस्को, क्या नाम थे, न्यूजीलैंड वाला पर्वत क्या है, न्यूजीलैंड, दक्षिणी आल्प्स या साउथ आल्प्स, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, क्या नाम है, और ऑस्ट्रेलिया वाली का क्या नाम है, कोस्क्विस्को, क्या नाम है, कोस्क्विस्को। सबसे लास्ट में जब एक एक साथ देखेंगे तब भी इसको दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। देखो छोटे से सिंपल से आपको क्लास में बताए हुए क्वेश्चन आते हैं आपके, सिंपल से प्री 2016, और इसमें माउंटेन को मैच करना है, कोस्क्विस्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट मैकिनले ये नॉर्थ अमेरिका, एल्ब्रुस, एल्ब्रुस यूरोप, और किलिमंजारो अफ्रीका, खत्म। पूरे आपको आने भी जरूरी नहीं है, कोई इनमें से कोई दो आएंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो 16 में उन्होंने पूछा केवल माउंटेन, फिर 18, फिर वापस सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बस एक क्वेश्चन को इन्होंने, एक ऑप्शन को इन्होंने, एल्ब्रुस ये रूस में स्थित है, किलिमंजारो अफ्रीका में तंजानिया, माउंट कुक न्यूजीलैंड, मैकिनले नॉर्थ अमेरिका, फिर वापस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूछा क्या है, मेनली जो सबसे हाईएस्ट पीक्स है वो पूछी है, तो इतना ज्यादा पढ़ना नहीं होता, वैसे ही अब कम चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये आपके हो गए पर्वत। एक बार पानी पी लेते हैं, पानी लाओगे, नहीं ले, चलो आप भी पी लो, एक बार पानी पी लो, दो मिनट के लिए रेस्ट दो, देखो इसे बट। ये थे माउंटेन्स पूरे एक साथ देखे हमने, फिर उसके बाद पठार पढ़ते हैं एक बार, प्लेटोस। पहले तो एक बार नाम बताओ, फिर वापस एक एक कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे हम एक साथ। नाम देखें तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में यहां से हमने पठार पढ़े थे कौन कौन से, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, और एक मेक्सिको, फिर एक एडवर्ड, फिर एक ओजार, और यहां लास्ट में कौन सा था,
कैनेडियन सील्ड, क्या नाम है उसका? कैनेडियन सील्ड। तो नाम बताओ देखिए कौन कौन से हैं। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मेक्सिको। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, एडवर्ड ओजार्क कैनेडियन सील्ड, एडवर्ड ओजार्क कैनेडियन सील्ड, एडवर्ड ओजार्क। साउथ अमेरिका में देखें, साउथ अमेरिका में यहां एक पठार था, उसका नाम था गुयाना पठार, क्या नाम? और फिर यहाँ एक ब्राजील का पठार, क्या नाम है? ब्राजील के बाद में एक बोलिविया का पठार, कौन सा? बोलिविया। और फिर एक है पेटागोनिया, लास्ट में कौन सा? तो गुयाना, ब्राजील, बोलिविया, पेटागोनिया। गुयाना, ब्राजील, पेटागोनिया। फिर अफ्रीका, अफ्रीका के पठारों के नाम बताओ। सबसे पहले गिनी के आसपास कौन सा देखा हमने? गिनी हाईलैंड या गिनी उच्च भूमि, और वहीं एक था फाउटाजलोन, क्या नाम? फाउटाजलोन। फिर ये कौन सा है? जोस का पठार, क्या नाम है? फिर यहाँ एक कतंगा, क्या नाम है? कतंगा के बाद में बी, बी का पठार। फिर ये ग्रेट कारू या वृत्त कारू, क्या नाम? ग्रेट कारू या वृत्त कारू। इसका नाम याद नहीं करना क्योंकि नाम में अफ्रीका आ रहा है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, क्या नाम है? ईस्ट अफ्रीकन। और ये कौन सा है? इथोपिया का पठार, क्या नाम है? वापस से बताओ कौन कौन सा है? गिनी का पठार या गिनी उच्च भूमि फाउटाजलोन, जोस का पठार, कतंगा, बी का पठार, ग्रेट कारू, वृत्त कारू, ईस्ट अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीकी, और ये कौन सा है? इथोपिया का पठार। यूरोप में देखा तो हमने यहाँ पे एक नाम था मेसेटा, एक मेसेटा, एक मैसिव, मेसेटा, मैसिव, मेसेटा, एक था बवेरियन और एक ऐसा नाम था बोहेमियन, बवेरियन, बोहेमियन, बवेरियन, एक था फिनो स्कैंडिनेवियन, कौन सा था? फिनो स्कैंडिनेवियन। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखा हमने एशिया, एशिया में इधर तुर्की की तरफ एक पठार था हमारा एनातोलिया, क्या नाम? एनातोलिया। और फिर इधर ईरान की तरफ ईरान का पठार, इधर मध्य एशिया में कौन सा था? उस्त यूर्त का पठार, कौन सा याद आ रहा? कौन सा था? उस्त यूर्त, मध्य एशिया में कौन सा? उस्त यूर्त। फिर पाकिस्तान में पोटवार का पठार, पाकिस्तान में। फिर इधर इंपोर्टेंट एक तिब्बत का पठार, कौन सा? तिब्बत का पठार। इधर एक सान, म्यांमार में सान का पठार। चाइना में कौन सा? लोइस, लोइस का पठार। चाइना में कौन सा है? लोइस का पठार है। यहाँ पे कुछ खास चीज है नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये यहाँ पे पश्चिमी पठारी प्रदेश है, प्लेटो रीजन। तो पहले तो ये पठारों के सारों के इनके नाम ध्यान रखना। उसके बाद में फिर हम अगर एक एक चले कॉन्टिनेंट वाइज, तो सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के पठार। तो नॉर्थ अमेरिका के पठारों में सारे नाम देखे हमने। सबसे पहले कौन सा है? कोलंबिया, कोलंबिया पठार है। इसमें कोलंबिया और उसकी एक सहायक नदी स्नेक नदी बहती है, इसलिए इसका एक नाम और है, क्या नाम है? कोलंबिया स्नेक। अरे कोलंबिया पठार से कौन सी नदी बहती है? कोलंबिया नदी और उसकी सहायक स्नेक नदी। अरे यही नाम पठार को है, यही नाम नदी को है क्या यहाँ पे? हाँ है तो है। तो कोलंबिया और स्नेक, ये इस नाम की यहाँ पे ये एक नाम और है इस पठार का, कोलंबिया स्नेक पठार। अगर हम देखें किस किस के बीच में स्थित है, यहाँ पे कौन है? कैस्केड। और ये कौन सा माउंटेन है? रॉकी माउंटेन। दोनों के बीच में तो कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो। बस आप तो इतना सा ध्यान रखो, ये कैस्केड रॉकी के बीच में, इसका एक नाम है कोलंबिया स्नेक पठार। कौन सी झाड़ियां? सेजब्रस झाड़ियां, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। कौन सी फार्मिंग की जाती है यहाँ पे? सूटकेस फार्मिंग। कौन सी? सूटकेस फार्मिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए बस ये नाम ध्यान रखना। आपसे पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, ओजार्क पठार, और फिर आपसे पूछेगा वो नाम बताओ कहाँ स्थित है, बस इतना से पूछेगा। ये अंदर की बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं मेन मेन एक दो बातें हम कर लेते हैं। कोलंबिया स्नेक पठार सूटकेस फार्मिंग के लिए विख्यात है। ग्रेट बेसिन का पठार है यहाँ पे, और ये किस किस के बीच में? सियरा नेवादा, सियरा नेवादा और रॉकी, रॉकी पर्वत, उसके बीच में कौन सा? ग्रेट बेसिन का पठार स्थित है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लवणीय झीलें मिलती है, सलाइन लेक्स, जैसे ग्रेट सोल्ट लेक। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एक घाटी मिलती है, उसका क्या नाम है? मृत घाटी या डेथ वैली। कौन सी घाटी? मृत घाटी या डेथ वैली। डेथ वैली कौन से डेजर्ट का पार्ट है? मोहावे या मोजावे डेजर्ट का पार्ट है। खास बात वहां मिलता है हमें एक तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, विश्व का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड यहाँ किया गया है, और नॉर्थ अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट यही देखने को मिलता है, बेडवाटर बेसिन, क्या नाम है उसका?
तो आप ध्यान रखना ग्रेट बेसिन के पठारी क्षेत्र में साउथ पार्ट में डेथ वैली या मृत घाटी मिलती है, उसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु मिलता है। एक पठार है कोलोराडो, कोलोराडो पठार है, कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, कोलोराडो नाम की नदी, कोलोराडो पठार पर कोलोराडो, तो कोलोराडो नदी यहाँ से बहते हुए किसका निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन, किसका निर्माण, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। सबसे इंपोर्टेंट बात बस इसकी यही है कि ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी, कौन से पठार पर, कोलोराडो पठार पर बनाती है यहाँ पे। और फिर इसके बारे में हमने यहाँ पे एक चीज और देखी, किस किसके बीच में, ये रॉकी पर्वत की दो श्रेणियां है, रॉकी पर्वत की दो श्रेणियां उनके बीच में ग्रैंड कैनियन नाम से हमें यहाँ पे एक घाटी का निर्माण होता हुआ दिखता है। मेक्सिको पठार, बस इतना सा ध्यान रखना मेक्सिको पठार है, अभी आने वाला है, यहाँ पे एक डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है, चिहुआहुआ, अरे क्या नाम है, हाँ बस ये याद है आपको, तो क्या नाम है, चिहुआहुआ, क्या नाम, चिहुआ, तो चिहुआहुआ ये डेजर्ट कहाँ देखने को मिलता है, मेक्सिको पठार। ये दो केवल नाम ध्यान रखने, एडवर्ड ओचार, एडवर्ड, एडवर्ड, और ये कौन सा है, कैनेडियन सील, कैनेडियन सील का एक नाम और है, वो नाम बताओ, लोरेंसिया का पठार, क्या नाम है, लोरेंसिया का पठार, क्या नाम है इसका, लोरेंसिया का पठार, कैनेडियन सील का एक नाम लोरेंसिया का पठार है। ये किसका एग्जाम्पल है, सील्ड का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सील्ड का एग्जाम्पल, मतलब पुराना है, ओल्ड है, स्टेबल है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, खनिज वगैरह कुछ मिनरल्स मिलते हैं, सील्ड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कैनेडियन सील्ड की तरफ एक निकल उत्पादक स्थान है सडबरी, वो लास्ट में देख लेंगे, और यहाँ पे कुछ मीठे पानी की झीलें मिलती है ग्लेशियर्स के कारण, क्या मिलती है, मीठे पानी की झीलें, बस इतनी सी इंपॉर्टेंट चीजें, ये काम काम की चीजें मैंने एक साथ समराइज कर दी, सारे पठारों में ध्यान रखना, बस एक एक दो दो बात काम की है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले पठारों के नाम हमने देख लिए थे, कौन सा है, गुयाना पठार, ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार और पैटागोनिया पठार, बताओ देखिए दोनों के दोनों लोकेशन तो हमें पता ही लग रही है यहाँ से, दोनों के दोनों ये गुयाना और ये ब्राजील वाला पठार, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सील्ड का एग्जाम्पल है, दोनों के दोनों किसका एग्जाम्पल, सील्ड का एग्जाम्पल, मतलब ओल्ड है, स्टेबल है, पुराना स्थिर है, और मिनरल्स खनिज मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से ध्यान रखना, सील्ड का एग्जाम्पल है दोनों, गुयाना और ब्राजील। गुयाना पठार है, यहां से एक नदी जाती है, उसका क्या नाम है, ओरिनोको नाम की नदी, कौन सी नदी है, ओरिनोको, ओरिनोको, ओरिनोको नाम की नदी, ओरिनोको नाम की नदी कौन से पठार से जाती है, गुयाना पठार से उद्गम होता है। इधर ब्राजील का पठार, एक नदी तो लगभग इस तरफ जाती है और एक नदी इस तरफ आ जाती है, इसका नाम क्या है, साउ फ्रांसिस्को, क्या नाम है, साउ फ्रांसिस्को, साउ फ्रांसिस्को, साउ फ्रांसिस्को, साउ फ्रांसिस्को नाम की नदी यहां से, और एक नदी जा रही है कौन सी, पराना, क्या नाम है, तो साउ फ्रांसिस्को और पराना नाम की रिवर्स, उसका उद्गम कहां से होता है, ब्राजील के पठार से, बस इतनी सी बातें बस। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक पठार है जो इसी का पार्ट है, ब्राजील वाले पठार में, उसका क्या नाम है, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, माटो, माटो ग्रासो पठार भी इसी का पार्ट है, बस इतनी सी बातें इसमें ब्राजील के पठार में ध्यान रखना। फिर आगे इधर आ जाता है बोलिविया का पठार, ये कहाँ है, एंडीज पर्वत की श्रेणियों के बीच में स्थित है, अरे कौन सा माउंटेन है ये, एंडीज, तो एंडीज माउंटेन की श्रेणियों के बीच में किस टाइप का ये, अंतः पर्वतीय पठार, एक इंटर माउंटेन प्लेटो, कैसा है ये, इंटर माउंटेन प्लेटो स्थित है यहाँ पे। फिर इसके बारे में और बातें देखें तो बोलिविया का पठार है, यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां मिलेगी, इसलिए लवणीय झीलें मिलेगी, सलाइन लेक्स मिलेगी, लवणीय झीलें, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ, एक पुपो या पोपो नाम की झील, पुपो या पोपो नाम की झील, पानी है कि इसमें नहीं, ये वर्तमान में सूख चुकी है। एक हमें सोल्ट पेन मिलता है यहाँ पे, सोल्ट पेन, क्या नाम है उसका, सलार दी यूनी, क्या नाम, सलार दी यूनी, सलार दी। फिर उसके साथ साथ यहाँ हमें मीठे पानी की झीलें भी मिलती है, मीठे पानी की झीली, जैसे इंपोर्टेंट झील है टिटिकाका, कौन सी, टिटिकाका नाम की झील है, और एक राजधानी मिलती है लापास, बोलिविया की राजधानी लापास, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, कहाँ पे, बोलिविया, बोलिविया की राजधानी लापास, बोलिविया के पठार पर। पैटागोनिया पठार, ये कहाँ स्थित है, मेनली तो अर्जेंटीना और थोड़ा सा कहाँ स्थित है, चिली, अर्जेंटीना चिली में स्थित है।
और ये एंडीज माउंटेन उसके वृष्टि छाया क्षेत्र, इधर एंडीज पर्वत आ गया तो उसके रेन शेड रीजन में लोकेटेड, एक ज्वालामुखी टाइप का है, बस इतनी सी बातें ध्यान रखना। एक यहाँ पे डेजर्ट मिलता है, उसका क्या नाम है? पटागोनिया। पटागोनिया पठार है, इसी नाम का क्या है? मरुस्थल। वो जब डेजर्ट पड़ेंगे तब देख लेंगे, बस इतनी सी बातें यहाँ पे। एक इधर नदी का ध्यान रखना है ओरिनोको, इधर एक साउ फ्रांसिस्को पराना, और इधर देखें तो एक पठार है, एक इस ब्राजील के पठार पे क्या नाम उसका? माटो ग्रासो। एक चीज और ध्यान रखो तो ब्राजील के पठार पे किसके भंडार मिलते हैं? लोयस आयरन ओर के जर्स मिलते हैं। इधर देखा हमने तो लवणीय झीलें, सलाइन लेक्स जैसे पुपो या पोपो झील, एक सोल्ट पेन, सलार्दी यूनी, मीठे पानी की झील टिटिकाका, और सबसे ऊंची राजधानी लापाज यहाँ देखने को मिलती है। फिर चलते हैं अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका में कुछ पठार इनके नाम हमने देख लिए तभी। गिनी उच्च भूमि, गिनी हाईलैंड, नाम से पता चल रहा कहाँ स्थित है? गिनी में स्थित है मेनली। एक यहाँ पे पर्वत देखा था हमने लोमा पर्वत, कौन सा? तो लोमा पर्वत भी इसी का पार्ट है, और एक पठार है जो लगभग वो भी इसी का पार्ट है, क्या नाम उसका? फाउटेजलोन। क्या नाम? फाउटेजलोन। और कुछ नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, गिनी उच्च भूमि से, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया। क्या नाम? नाइजर सेनेगल गैम्बिया। ये ऐसी कुछ नदियां गिनी उच्च भूमि वाले पार्ट से ही इनका ओरिजिन होता है। फिर फाउटेजलोन भी कहाँ मेनली? गिनी में स्थित है ये। फाउटेजलोन से हमने याद किया था फाउंटा से फाउंटेन, फाउंटेन से जल, जल से रिलेटेड दो बातें याद करना आप, कौन कौन सी? जल विभाजक और जल स्तंभ। एक तो क्या? जल विभाजक, वाटर डिवाइड या वाटर शेड का काम करता है। क्या? वाटर डिवाइड या वाटर शेड, जल विभाजक, और एक जल स्तंभ। किसका? जल स्तंभ का निर्माण करता है, जल विभाजक और जल स्तंभ, वाटर टावर का निर्माण फाउटेजलोन। जोस का पठार, बस नाम ध्यान रखो आप, तो अफ्रीका में कौन सा पठार है? जोस। नाइजीरिया। और अबूजा राजधानी स्थित है यहाँ पे नाइजीरिया की, कौन सी? अबूजा। और टिन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कतंगा, इधर तो एक कंट्री है उसका नाम डीआरसी, और इधर जाम्बिया। डीआरसी और जाम्बिया में स्थित है कतंगा। कैसे कतंगा? और एक नदी, कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांगो नाम की नदी, लुआलाबा नाम की धारा है, वो कौन सी नदी का निर्माण करती है? कांगो। और यहाँ पे वही कॉपर कोबाल्ट मिलता है, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं। बी का पठार, ये कहाँ स्थित है? अंगोला। बी का पठार कहाँ स्थित है? अंगोला। कहाँ स्थित है? अंगोला। और बॉक्साइट, किसके भंडार? बॉक्साइट रिजर्व। आप नदी बताओ बस यहाँ से इंपोर्टेंट। जाम्बेजी, कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है कहां से? बी का पठार से। ग्रेट कारू, वृत्त कारू, बस आप इतना सा ध्यान रखो। इसका नाम कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीकी, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। यहाँ ये सबसे बड़ा पठार है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लेटो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन किलिमंजारो यही स्थित है, और सबसे बड़ी झील विक्टोरिया वो भी यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जनजाति निवास करती है यहाँ पे, मैसाई, और चाय वगैरह कहती है। आप इतनी बातें ध्यान रखो, बस ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है यहाँ पे, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ पे इथोपिया का पठार है, यहाँ पे इसका एक नाम और है, वो बताओ? अबेसिनियन। क्या नाम है उसका? अबेसिनियन। क्या नाम है? अबेसिनियन, इथोपिया के पठार का। और यहाँ पे कैसी कैसी झीलें मिलती है? असल में तो लवणीय, अरे चाय कैसी थी? असल में तो लवणीय, तो असल झील तो कैसी? सलाइन या लवणीय झील है। और साथ में यहाँ पे मीठे पानी की झील कौन सी है? ताना मीठे पानी की झील है। इस ताना से किस नदी का उद्गम होता है? ब्लू नील नदी का। कौन सी नदी? ब्लू नील नदी का उद्गम किससे होता है? ताना से होता है। बस इतनी सी बातें काम की है। कौन सी बातें देखी हमने? गिनी उच्च भूमि, गिनी वाले पार्ट में स्थित है। लोमा पर्वत इसी का पार्ट है, फाउटेजलोन इसी का पार्ट है, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया नदी। फाउटेजलोन जल विभाजक, जल स्तंभ। जो उसका पठार नाइजर, नाइजीरिया, और राजधानी अबूजा। कतंगा डीआरसी और जाम्बिया। नदी कांगो नाम की नदी। बी का पठार ये कहाँ है? अंगोला। नदी जाम्बेजी नदी उद्गम होता है। इसमें बस इतना सा ध्यान रखो, साउथ अफ्रीका में स्थित है, कौन सा? ग्रेट कारू। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, छोड़ो। इथोपिया का पठार, इसका एक नाम और है, अबेसिनियन। ये अबेसिनियन नाम से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस नाम को ध्यान रखना, अबेसिनियन पठार। लवणीय झीलें, सलाइन लेक्स, असल, मीठे पानी की झील ताना, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? इथोपियन उच्च भूमि वाले पार्ट में। अफ्रीका के बाद में यूरोप,
यूरोप के जो पठार है उनमें कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं, नाम बताओ। मेसेटा, मैसिफ, मेसेटा, बवेरियन, बोहेमियन और एक फिनो स्कैंडिनेवियन, बताओ। देखिए मेसेटा, मेसेटा सेंट्रल कहाँ स्थित है ये, स्पेन। तो मेनली तो यही था इसका, स्पेन में स्थित है ये, कहाँ स्थित है, स्पेन, स्पेन में स्थित है, थोड़ा सा पार्ट पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा सेंट्रल। और यहां से कौन सी नदी बहती है, टेगस, टेगस नाम की नदी इसके ऊपर से बहते हुए जाती है, टेगस नदी बहती है यहाँ पे। इसका एक नाम और है, आइबेरिया का पठार, क्या नाम है, आइबेरिया का पठार है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड यहाँ स्थित है। दो चार बातें ध्यान रखना, पिछली बार अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में एक ऑप्शन में जो पठार था वहां मेसेटा का नाम दिया हुआ था, तो मेसेटा कहाँ है, स्पेन में। नदी कौन सी बहती है, टेगस, इसका एक नाम और है आइबेरिया का पठार और राजधानी मैड्रिड। मैसिफ, मैसिफ ये कहाँ स्थित है, फ्रांस, मैसिफ कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है। बस दो नदियां उद्गम होती है, कौन कौन सी, लोअर और सीन, कौन कौन सी नदियां, लोअर और सीन नदियों का उद्गम कौन से पठार से होता है, मैसिफ के पठार से। बवेरियन, बोहेमियन, बवेरियन बस इतना सा ध्यान रखना, बवेरियन इस कहाँ स्थित है, जर्मनी, जर्मनी में, बोहेमियन में, तो वो भी नहीं ध्यान रखना। फिर उसके बाद फिनो स्कैंडिनेवियन, ये कहाँ स्थित है, नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग है, लगभग उस तरफ देखने को मिलता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिल्ड का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सिल्ड का एग्जाम्पल है, मतलब पुराना है, स्थिर है, ओल्ड स्टेबल है, कुछ खनिज मिलते हैं, कुछ खास बातें नहीं है यहाँ पे भी फिनो स्कैंडिनेवियन में। नॉर्वे के जो आसपास का तट है वहां क्या मिलते हैं हमें, कुछ जलमग्न हिमनद घाटियां मिलती है, क्या बोलते हैं, फ्योर्ड, फ्योर्ड बोलते हैं उनको, ग्लेशियर्स, सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैलीज, फ्योर्ड मिलते हैं हमें। और हजार झीलों का देश किसको कहा था हमने, यहाँ पे जो फिनलैंड, फिनलैंड को हमने कहा हजार झीलों का देश, आरएस में पुराने टाइम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ ये हजार झीलों का देश, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स किसको बोला जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों का देश, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स, ठीक है। तो ये यूरोप, यूरोप का पठार हो गया। उसके बाद एशिया, यहाँ कुछ नहीं है बस इंपोर्टेंट बातें, मेसेटा सेंट्रल आइबेरिया का पठार बोलते हैं, मैसिफ फ्रांस में, लोअर सी नदियां बवेरियन जर्मनी में, और फिनो स्कैंडिनेवियन ये यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग, सिल का एग्जांपल, फ्योर्ड वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद एशिया, एशिया में जो पठार है उसमें देखें तो पहले एनातोलिया, पोंटीन और टोरस पर्वतों के बीच में क्या नाम है, एनातोलिया नाम का एक पठार है। एल्बुर्ज जाग्रोस के बीच में ईरान, ईरान का पठार है। फिर देखो बताओ एनातोलिया नाम का जो पठार है कहाँ गए, क्या एनातोलिया, एनातोलिया नाम का जो पठार है ये कहाँ मिलता है हमें, तुर्की, तुर्की में देखने को मिलता है, पोंटीन और टोरस, इस टोरस के बीच में। अंतर पर्वतीय एक इंटरमाउंटेन पठार है, इंटरमाउंटेन प्लेटो है, और यहाँ पे तुर्की की राजधानी कौन सी स्थित है, अंकारा, और इस क्षेत्र को कहा जाता है एशिया माइनर, क्या बोलते हैं इसको, एशिया माइनर। फिर एल्बुर्ज जाग्रोस के बीच में कौन सा है, ईरान का पठार, ईरान में स्थित है, और यहाँ पे दो डेजर्ट मिलते हैं, क्या क्या नाम है उनका, दस्त ए लूट, दस्त ए काविर, दस्त ए लूट, दस्त ए काविर, दस्त ए लूट, दस्त ए काविर नाम के डेजर्ट, तो मरुस्थल ध्यान रखना ईरान की तरफ। फिर मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में एक पठार है उसका नाम क्या है, उस्त यूर्त का पठार, क्या नाम, उस्त यूर्त, क्या नाम, उस्त यूर्त, क्या नाम है, उस्त यूर्त, क्या नाम, उस तीर्थ का पठार कहाँ देखने को मिलता है, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में मिलता है। फिर पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा है, पोटवार का पठार, क्या नाम है, पोटवार का पठार है। फिर हिमालय और कुनलुन शान के बीच सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना तिब्बत का पठार, कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, और विश्व का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट प्लेटो है, क्या नाम है उसका, तिब्बत का पठार है, ठीक है। और फिर इसके बारे में भी देखा कुछ ग्लेशियर्स बनते हैं तो नदियों का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, चाइना में देखने को मिलता है। लोइस का पठार कहाँ है, चीन, चीन में, बस नाम ध्यान रखना क्या नाम है, लोइस, लोइस प्लेटो। शान का पठार म्यांमार, कहाँ स्थित है, इस पर से एक नदी बहती है उसका नाम क्या है, सालविन, क्या नाम है उसका, सालविन नाम की नदी, और सीसा रिश्ता चांदी वगैरह ऐसी चीजें। एनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की, तुर्की में स्थित है, पोंटीन टोरस के बीच में, अंकारा राजधानी, एशिया माइनर उसको क्षेत्र को कहा जाता है इस एरिया को, ठीक है। ईरान का पठार ईरान में, एल्बुर्ज जाग्रोस के बीच, दस्ते लूट, दस्ते काविर नाम के डेजर्ट है।
उस तीव्रत का पठार कहाँ है? मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया में है, और तिब्बत का पठार हिमालय और कुलुनशान के बीच में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में पोटवार का पठार है। बस इतना सा नाम ध्यान रखो, अंदर की बातें नहीं। शान का पठार म्यांमार, नदी सालविन, लोइस का पठार चीन, चीन में स्थित है लोइस का पठार। तो ये हो गए, ये पठार हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है। एक मिनट और पानी पी लो, देखे लो, देखे पानी लिया, बिलो बिलो। आप भी एक एक मिनट का गैप चाहिए, वरना दिमाग इतना एक साथ नहीं चल सकता। बिलो बिलो, एक मिनट का दूंगा गैप, लेकिन ज्यादा नहीं, एक मिनट का। हो गया क्या ब्रेक? इतना इतना ही होगा, दिमाग को ऐसे थोड़ा रेस्ट दे लिया करो एक मिनट के लिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, है ना। वरना अब मैं तो पता नहीं, यहाँ पे मेरे को तो लगातार बोलना ही पड़ता है। आप तो क्या पता दो चार मिनट इधर उधर जाते होंगे कि हाँ दो चार मिनट इधर उधर हुए, इतनी देर में यूरोप गया फिर दो मिनट इधर गया, एशिया भी गया। तो थोड़ा ज्यादा भी मत जाया करो, जाओ तो ऐसे थोड़ा सा वापस जाते आ जाया करो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक दो लोगों को सीट नहीं मिली क्या? बैठ जाओ पीछे, वो खड़े हैं यार, कहीं ना कहीं बैठ जाओ यार, थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ। चलो इधर आओ, देखो मैदान, प्लेन्स। प्लेन्स छोटा सा ही है बहुत, मतलब जितना हमने पर्वत पठार पढ़े उतने है ही नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं इंपोर्टेंट है थोड़े से। मैदान, प्लेन्स, मैदानों के नाम बताओ सबसे पहले, इंपोर्टेंट नाम। इधर पहले हम देख रहे हैं इधर, चलो पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम लिखता हूं मैं, यहां बताओ। प्रेरीज नामक घास के मैदान है, क्या नाम है? ये नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, और इधर कौन से मिलते हैं? पंपास। प्रेरीज, पंपास साउथ अमेरिका में, ये क्या नाम है? वेल्ड, वेल्ड नाम के घास के मैदान, ये कहां मिलते हैं हमें? साउथ अफ्रीका में। फिर इधर कौन से मिलते हैं? स्टेपी, यूरोप और एशिया में, क्या नाम है उनका? स्टेपी नामक ग्रासलैंड्स है। और फिर इधर इधर भी मिलते हैं कुछ, जैसे एक तो यहाँ मिलते हैं हमें, कौन से हैं ये? मेसोपोटामिया के मैदान है, कौन से? मेसोपोटामिया के मैदान है यहाँ पे, कौन से? मेसोपोटामिया, यहाँ पे इराक वाले पार्ट की तरफ। फिर इधर यहाँ पे मध्य एशिया, मध्य एशिया में कौन से हैं? तुरान के मैदान, तुरान प्लेन्स है, तुरान प्लेन्स। अब इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण नहीं, आप एक साथ यहाँ पे इसके एशिया के देख लो मैदान। फिर इधर चीन के वृत्त मैदान इतने इंपोर्टेंट नहीं है। एक मैदान थे यहाँ पे, कौन से? मंचूरिया के मैदान, कौन से? और फिर ये शीतोष्ण से भी ऊपर टेम्परेट क्लाइमेट वे अलग ही, इसमें टुंड्रा टाइप की जलवायु में चले जाते हैं, कौन से? साइबेरिया के मैदान, कौन से? ऑस्ट्रेलिया में जो मैदान है उनका नाम क्या है? डाउन्स, क्या नाम है? न्यूजीलैंड में उनका नाम कैंटरबरी, उनका क्या नाम है? कैंटरबरी नाम के मैदान, कैंटरबरी नाम के प्लेन्स है। ये तो है देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फिर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के नाम देखें, तो एक तो हमने साउथ अमेरिका में देखा था हमने लानोस, अरे कौन सी नदी थी? ओरिनोको, कौन सी? ओरिनोको, ओरिनोको लानोस, अरे याद आ रहा है कि कुछ? ओरिनोको, ओरिनोको लानोट्स, लानोट्स थे वो भाई हमारे। फिर उसके बाद में अमेजन, अमेजन नाम की कंपनी, तो वो क्या बनाती है? कैंपस, तो कैंपस से क्या याद है यहाँ पे? ये दो तीन मैदान मिलते हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं? कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस, कैंपोस सेराडोस कटिंगस। फिर उसके बाद में क्या था यहाँ पे, कौन सी नदी थी? पराना, आप सब तो प्राय हो,
चलो अपने अपने ग्रान चालो, पराना, पराना में कौन सा था, ग्रान चको, क्या नाम, ग्रान चको, पराना में कौन सा, ग्रान चको, तो पराना बेसिन की तरफ ग्रान चको, और एक एम्पोसेराडोस कटिंगस, ये कौन सी अमेजन नाम की नदी है उसकी तरफ हमें देखने को मिलते हैं। और फिर अगर हम वर्षावन भी बताएं एक साथ ही यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से वर्षावन है, सेल्वास, ये कौन सी नदी के बेसिन में, अमेजन नदी के बेसिन क्षेत्र में, इनको कहा जाता है विश्व के फेफड़े, मतलब मैदान नहीं है, प्लेन्स नहीं है, लेकिन साथ साथ इनको भी पढ़ लिया हमने, विश्व के फेफड़े और लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इनको कहा जाता है। और एक हल्की लकड़ी बाल्सा, बाल्सा नामक हल्की लकड़ी के वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कहां पर, इस तरफ, ठीक है। फिर एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहाँ मिलता है अफ्रीका में, उसका क्या नाम है, सवाना, सवाना नामक घास के मैदान, क्या नाम, सवाना नामक घास के मैदान, ये हमें कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा तंजानिया वाले पार्ट की तरफ, इन्हीं का एक पार्ट है, उसको कहा जाता है सेरेनगेटी मैदान, कौन से मैदान है, सेरेनगेटी मैदान, सेरेनगेटी प्लेन्स तंजानिया की तरफ है, इसी का एक पार्ट है, उनको कहा जाता है। तो इतने नाम आपको ध्यान रखना है, क्या क्या कहा हमने कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनका अगर एक साथ नाम देखें हम, टेम्परेट ग्रासलैंड्स का, दो तरह के मैदान, एक शीतोष्ण एक उष्ण, तो हमने यहां से याद किया था प्रेसे, तो कौन सा हो गया, प्रेरीज घास के मैदान, पैसे पंपास, प्रेप वेस्ट हो गई, वैसे वेल्ड, वेल्ड कहाँ है, साउथ अफ्रीका, ईस्ट से स्टेपी, स्टेपी कहाँ है, यूरेशिया, डाउन से डाउन्स, डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, पुष्टी से पुष्टाज, क्या नाम है, पुष्टाज कहाँ है, हंगरी और उसके आसपास के देशों में, किसका नाम है ये, इसका, स्टेपी का ये एक दूसरा नाम है, मंजूरी से मंचूरिया के मैदान, चीन में कौन से मैदान मिलते हैं, मंचूरिया के मैदान, केट से कैंटरबरी मैदान या कैंटरबरी प्लेन्स, क्या नाम है, कैंटरबरी प्लेन्स, ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में, ये ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में देखने को मिल ही रहे हैं, ये यूरोप एशिया, पंपास साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में कौन से हैं, प्रेरीज नामक घास के मैदान, ठीक है। तो ये सारे अभी अभी बताए हमने, ये तो कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट, और ये जो रेड पेन से यहाँ पे लिखे हुए हैं ये किस टाइप के हैं, मेनली उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से, ठीक है, क्या क्या नाम, लानोस ओरिनोको और कैंपोस सेराडोस कटिंगस, और यहाँ पे पराना परायो अपने अपने ग्रांचालो, तो ग्रांचाको, और इधर कौन सा, सवाना, और यहाँ पे सेरेनगेटी प्लेन्स, इसी का पार्ट है तंजानिया में, सवाना घास के मैदान, यहाँ पे शीतोष, ये शीत ग्रीष्म ऋतु का स्पष्ट रूप से निर्माण होता है, बारिश वरिश ज्यादा नहीं होती, पुराने जमाने में इनको शिकार के लिए प्रयोग करने के कारण इनको कहा जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स, लैंड ऑफ बिग गेम्स, बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। एक दो के बारे में कुछ अलग अलग बात करें तो पहले हम देख लेते हैं प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा में मिलते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय देख लिया हमने, एक सोइल बता दो यहाँ पे, मिट्टी कौन सी मिलती है, कौन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जितने भी उनमें मिट्टी का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, चरणोजम टाइप की मृदा, कौन सी, चरणोजम, चरणोजम टाइप की सोइल वहां देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर और देखा हमने यूज किसमें करते हैं, कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग, फिर हमने देखा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, कृषि से दो तीन बातें थी हमारी, कौन कौन सी, कौन कौन सी खेती करते हैं, गेहूं और मक्का, गेहूं के लिए इंपोर्टेंट है यहाँ पे क्या, विनिपेग, विनिपेग नामक विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, कौन सी है, विनिपेग, ये कनाडा में स्थित है, और मक्का, मक्का के लिए यूएसए की मक्का पेटी, क्या स्थित है यहाँ पे, यूएसए की मक्का पेटी, कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए, प्लस पशुपालन, पशुपालन से एक चीज थी यहाँ पे शिकागो, शिकागो तो किसके लिए था, मांस प्रसंस्करण, मीट प्रोसेसिंग के लिए तो शिकागो जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बड़े बड़े मवेशी फार्म, बड़े बड़े मवेशी फार्म क्या कहा जाता है उनको, रेंच, क्या बोलते हैं, रेंच, बड़े बड़े मवेशी फार्म, कैटल फार्म, और देखरेख करने वाले को क्या बोलते हैं, काउबॉयज, देखरेख करने वाले को क्या बोलते हैं, काउबॉयज, पशुओं की देखरेख करते हैं, कौन से घास के मैदानों में, प्रेरीज, बाकी वाली चीजें इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार बता दो, देखिए पशुओं के नाम बताओ कौन कौन से हैं, बाइसन कोयोट गोफर प्रेरीज कुत्ता, बाइसन कोयोट गोफर, फिर यहाँ पे पशु कौन कौन से हैं, वो जनजातियां कौन सी है,
अपाचे क्रो क्री होनी, अपाचे क्रो क्री, और यहाँ पे फिर वो पेड़ बताओ कौन कौन से हैं, ओल्डर पॉपुलर विल्लो, ओल्डर पॉपुलर, मेन चीज यही है मिट्टी चरणोजम। आपको बस पूछेगा तो इतनी सी बात पूछेगा कि कहाँ स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, किस टाइप का है, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट। अंदर वाली बातें बाई चांस इनमें से कोई एक दो फैक्ट पूछे तो देख लेना, बाकी और चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पंपास, पंपास कहाँ स्थित है, ये साउथ अमेरिका, कहाँ स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है, और याद कर लेना करो तो पपास बुआ बुआजी, तो ब्राजील उरुग्वे और अर्जेंटीना में स्थित है, पंपास पपास बुआजी ब्राजील उरुग्वे अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका में, पंपास घास के मैदान, मिट्टी विट्टी वही मिलती है यहाँ पे भी, कौन सी चरणोजम मिट्टी, और यूज इसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, क्या नाम है उसका, अल्फा अल्फा घास, क्या नाम है, अल्फा अल्फा घास यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके साथ में वही यूज कृषि और पशुपालन, कृषि से बताओ देखे एक बार क्या क्या चीजें, गेहूं मेनली किसकी खेती, गेहूं, गेहूं के बाद में एक और खेती होती है किसकी, अंगूर, और जहां पे अंगूर होगा वहां सोमरस बनेगी, वाइन का प्रोडक्शन होगा, और अर्जेंटीना का मेंडोसा शहर, कौन सा, मेंडोसा शहर, अर्जेंटीना अर्जेंट मेंडोसा, मेंडोसा मेरे को दोसा अभी के अभी, ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना का कौन सा शहर, मेंडोसा, किसके लिए फेमस है ये, वाइन, वाइन के लिए फेमस है। फिर उसके बाद में पशुपालन से बड़े बड़े मवेशी फार्म, उसको क्या बोला, एस्टेंसिया, बड़े बड़े मवेशी फार्म एस्टेंसिया, क्या बोला उनको, एस्टेंसिया, और देखरेख करने वाले ग्वाचो, देखरेख करने वालों को कहा जाता है ग्वाचो कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े मवेशी फार्म एस्टेंसिया और देखरेख करने वाले क्वाचो बोलते हैं, ये पंपास घास के मैदान, इतनी सी बात इनमें ध्यान रखना। फिर उसके बाद में डेजर्ट, इतने से हो गया आपके ये मैदान, छोटे से ही है, चलो एक मिनट पानी और पी लो, पियोगे क्या, नहीं पी रहे, नहीं मैं तो ऐसे ही नहीं कह रहा, चलो मत पियो, रहने दो पानी वानी मत पियो, फालतू में इधर उधर जाओगे फिर। देखो डेजर्ट्स, मरुस्थल देखते हैं, है ना, क्या क्या पढ़ लिया हमने, माउंटेन्स पढ़ लिए, पर्वत, फिर पठार और मैदान, अब डेजर्ट्स, मरुस्थल, मरुस्थल भी छोटी से ही है, नाम इंपोर्टेंट है, सबसे पहले एक बार नाम ही देख लेते हैं हम, सबसे पहले कौन कौन से नाम है उनके, तो देखो नाम बताओ, सबसे पहले यहाँ पे एक मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसका क्या नाम है, ग्रेट बेसिन का डेजर्ट, क्या नाम है, ग्रेट बेसिन, दूसरा एक है मोजावे या मोहावे, मोजावे या ग्रेट बेसिन और मोजावे या मोहावे, एक डेजर्ट है उसका नाम सोनोरन डेजर्ट, क्या नाम है, सोनोरन डेजर्ट, और फिर एक है यहाँ पे चीवावा, क्या नाम, हाँ ची वाह वाह, इधर बताओ देखिए साउथ अमेरिका में यहाँ पे इस डेजर्ट का नाम बताओ, अटाकामा, क्या नाम है इसका, अटाकामा नाम का डेजर्ट, ये कौन सा है, पेटागोनिया, क्या नाम है इसका, पेटागोनिया ये डेजर्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे इंपोर्टेंट सहारा, क्या नाम है, सहारा डेजर्ट, यहाँ पे बोत्सवाना, बोत्सवाना में क्या नाम है, कालाहारी नाम का डेजर्ट है, क्या नाम, कालाहारी, नामिब में कौन सा है, नामिब डेजर्ट, नामिब में कौन सा, इधर कोई खास डेजर्ट नहीं मिलते हमें यूरोप में, इधर चलो एशिया की तरफ, तो एशिया की तरफ दो तीन डेजर्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक तो यहाँ मिलता है सऊदी अरब की तरफ रूब अल खली, क्या नाम, रूब अल खली या रूब अल खली, इधर चाइना, चाइना की तरफ तकला मकान या टकला मकान, टकला मकान या चकला मकान, ये कहाँ मिलते हैं, चाइना की तरफ, और फिर एक क्या है, गोभी, गोभी मंगोलिया और चाइना, यहाँ कौन सा है, गोभी, गोभी टाइप का ये डेजर्ट यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद और देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्टेंट है कुछ डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया वाले डेजर्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक वो अपने दो डेजर्ट वहां छोड़ दिए, तुरान का मैदान था, तुरान प्लेन्स, तो तुरान के मैदानों में बताओ देखिए कौन कौन से डेजर्ट थे, ईरान के पठार पे तो थे, ईरान के पठार के तो वो थे दस्ते लूट दस्ते, तुरान प्लेन्स मैदानों में वहां किजिलकुम काराकुम, किजिलकुम किजिलकुम काराकुम, किजिलकुम किजिलकुम
काराकुम। तो ऐसे आपको कहीं से भी कोई से भी चीज थोड़ी थोड़ी याद आनी चाहिए। वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीजें आसान होती है, वहां पे देखते ही दूर दूर ऑप्शन आते हैं, याद आ जाएगी। गोबी डेजर्ट यहाँ मिलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ डेजर्ट इंपोर्टेंट, उनके नाम बताओ देखे एक बार। ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, तनामी, सिम्पसन, तनामी, सिम्पसन नाम का डेजर्ट, ये कहाँ मिलते हैं हमें? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी, सिम्पसन। तो पहले तो डेजर्ट के नाम इंपोर्टेंट, नाम नाम देख लिए और पूरे पूरे चांस रहते हैं आपके क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बस वो नाम से क्वेश्चन बनाता है। जैसे पिछली बार था, गिब्सन उठा लिया उसने और इतना सा पूछा आपसे, है कहाँ पे, इतना सा बता दो आप तो लोकेशन, बाकी अंदर की चीजें नहीं पूछ रहा। फिर भी हम देखते हैं एक एक। नॉर्थ अमेरिका कौन से डेजर्ट? ग्रेट बेसिन और मोहावे, सोनोरन और चिहुआहुआ। मेरे को तो आप इतना बताओ, देखो इसमें लोकेशन ग्रेट बेसिन के ऊपर है नॉर्थ में, तो ये तो कैसा है? ठंडा, ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। बाकी ये तीनों कैसे हैं? गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। चिहुआहुआ ये भी हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल, और सोनोरन ये भी कैसा है? हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल है। फिर उसके बाद में बताओ जो ग्रेट बेसिन का डेजर्ट है, इसमें यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर की तरफ है डेथ वैली, इसमें साउथ की तरफ है और किसका पार्ट है वो? मोजावे, मोजावे डेजर्ट का पार्ट है। यहाँ पे कौन सी? डेथ वैली, डेथ वैली इसी का पार्ट है। फिर मृत घाटी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चिहुआहुआ। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा या लार्जेस्ट? सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे मोजावे डेजर्ट है सबसे छोटा। यहाँ पे पेड़ मिलते हैं जोसवार और इसमें वो कैक्टस वाले ट्रीज, इतने कोई इंपोर्टेंट नहीं है आपके प्री के हिसाब से, बस आप ध्यान रखना नाम। और ऊपर ऊपर वाला ग्रेट बेसिन ठंडा मरुस्थल है, उसके बाद ये तीनों कैसे हैं? गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका, दो डेजर्ट है सिंपल से छोटे से। सबसे इंपोर्टेंट है नाम, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क्या है? ये पेरू और चिली, दो कंट्री यहाँ पे, कौन कौन सा है? पेरू, पेरू का साउथ है और चिली, पेरू और चिली में स्थित है यहाँ पे, पेरू और चिली, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट की खास बात बताओ, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्कतम। और एक स्थान है अरिका, अरिका नामक स्थान, अरिका नामक प्लेस है जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता है अरिका प्लेस को। फिर यहाँ पे एक डेजर्ट मिलता है, कौन सा? पेटागोनिया। क्या नाम है? पेटागोनिया डेजर्ट। ये कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना। और ये कहाँ? चिली, अर्जेंटीना और चिली। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? ये पेटागोनिया नाम का डेजर्ट है। और पेटागोनिया डेजर्ट गर्म है, देखो ये तो गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है, और ये कैसा है? कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल है। और एरिया वाइज विश्व इसका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? पेटागोनिया, पेटागोनिया नाम का ये डेजर्ट है। और उधर कौन सा है? अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट। बस आपको इतना सा बात ध्यान रखना, अटाकामा कहाँ है? साउथ अमेरिका में, और पेटागोनिया भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। खत्म, इतनी सी बात आएगी आएगी। तो आगे चलते हैं अफ्रीका, अफ्रीका के डेजर्ट क्या क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के बारे में देखें हम, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सहारा कहाँ स्थित है? पहले तो सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में, पूरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है सहारा नाम का डेजर्ट, ठीक है। और कलाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, कंट्री वाइज लोकेशन बताएं तो बोत्सवाना में स्थित है, बोत्सवाना। और फिर नामीब डेजर्ट कहाँ है? नामीबिया। तो इसमें तो नाम बताना नहीं है, वैसा इंपोर्टेंट है। सहारा हमने देखा था मेटल की जैसे मजबूत, ज्यादा कंट्रीज याद नहीं करनी है, वो मेंस के लिए काम की चीजें, अभी काम की नहीं है। फिर हम देखें गर्म ठंडे के हिसाब से, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो तीनों मरुस्थल कैसे हैं? ये गर्म मरुस्थल है, ये हॉट डेजर्ट है, ये भी हॉट डेजर्ट, ये भी हॉट डेजर्ट गर्म मरुस्थल, और ये भी गर्म मरुस्थल। सहारा डेजर्ट की खास बात, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कैसे बनाओगा ये हमादा? पहले उसमें बताओ अर्ग के हिसाब से, मेटल की जैसे मजबूत, तो मजबूत है तो ये तो किसका एग्जाम्पल है? हमादा का एग्जाम्पल है। ये किसका? अर्ग, रेतीला। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? अर्ग का एग्जाम्पल है, यहाँ पे रेतीला टाइप में ही है, ठीक है। ये कैसे बनाओगे? यहाँ पे ठंडी कैनरी धारा, कौन सी करंट है?
कोल्ड केनेरी करंट प्लस STHPB इतनी काम की चीजें नहीं अभी आपके, यहाँ पे बेंगुला करंट है प्लस यहाँ पे मिड में वेस्ट में, अब छोड़ो इतनी बातें, अभी बस आप इतना ध्यान रखो सहारा कौन सी यहाँ पे जनजातियां थी, तुअरेग और बेदुइन, कौन कौन सी तुअरेग और बेदुइन नाम की जनजातियां यहाँ निवास करती है। कालाहारी डेजर्ट यहाँ कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति निवास करती है, कौन सी बुशमैन ट्राइब या निवास करती है। एक यहाँ पे वो मिलता है हमें एक नदी, नदी का डेल्टा क्षेत्र है कौन सा, अकोवांगो, क्या नाम, अकोवांगो नदी का डेल्टा क्षेत्र, जहां पे अकोवांगो नदी का डेल्टा क्षेत्र इधर बोत्सवाना में, और फिर उसके साथ में साल्ट पेन मिलता है हमें कौन सा, माक गाड़ी क गाड़ी, माक गाड़ी, माक गाड़ी, माक गाड़ी क गाड़ी नाम से एक साल्ट पेन मिलता है हमें। नामीब का तो नाम है, क्यों नाम है, कोरे से डखे बालू का स्तूप मिलते हैं यहाँ पे, कौन से कोरे से डखे बालू का स्तूप, फोक कवर्ड सेंड्यून्स, क्या मिलते हैं यहाँ पे, फोक कवर्ड सेंड्यून्स, कहाँ पे नामीब डेजर्ट की तरफ देखने को मिलते हैं। बस इतनी सी बातें, मेन चीज तो नाम ध्यान रखना, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट यहाँ देखने को मिलता है। कैसे है, तीनों के तीनों ही गर्म मरुस्थल है, विश्व में जितने भी गर्म मरुस्थल है उनमें सबसे लार्जेस्ट है ये, सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा। और ये जनजातियां तुअरेग बेदुइन, यहाँ जनजाति कौन सी है, बुशमैन जनजाति, कंट्री इसके ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बोत्सवाना, मेनली बोत्सवाना ही ध्यान रखना, अकोवांगो नदी का डेल्टा है, एक सोल्ट पेन का नाम माक कगाड़ी, कगाड़ी, और कोरे से देखे बालू का स्तूप यहाँ देखने को मिलते हैं। यूरोप में कुछ डेजर्ट नाम की चीज हमें थी नहीं, फिर उसके बाद एशिया की तरफ चलते हैं, एशिया में मेनली ये डेजर्ट कौन सा, एक तो रुबल खाली, यहाँ पे एक नाम और ध्यान रखना, नूबियन, नूबियन और सोमाली प्लेट थी, एक नूबियन नाम का भी डेजर्ट है एक अफ्रीका की तरफ, सूडान में मिलता है ये में, कहाँ पे सूडान, क्या नाम, नूबियन नाम का डेजर्ट, ठीक है। फिर रुबल खली नाम का डेजर्ट, नाम बताओ देख लोकेशन कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है, कहाँ स्थित है, सऊदी अरब, ये तकला मकान है, ये कहाँ स्थित है, नाम में छुपा हुआ देखो पहले यहां से, तैसे तियनसान, कैसे कुल्लुनसान, ये कुल्लुनसान है और ये कौन है, तियनसान, तियनसान और कुल्लुनसान के बीच में स्थित है, तकला मकान कहाँ है, चाइना में स्थित है। तैसे एक नदी है छोटी सी, उसका एक बेसिन है, कौन सी नदी है, तारीम बेसिन, कौन सी नदी, तारीम बेसिन या तारीम द्रोणी, वहां देखने को मिलता है कौन सा डेजर्ट, तकला मकान डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट, तो इधर तो क्या मिलता है, मंगोलिया, इधर तो मंगोलिया और इधर चाइना, तो मंगोलिया का साउथ, चाइना का नॉर्थ, आप तो लोकेशन ध्यान रखो ये कौन सा डेजर्ट कहाँ स्थित है, मंगोलिया और चाइना में। फिर गर्म ठंडे के हिसाब से यहां से लगभग कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये तो किस टाइप का हो गया, गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट हो गया, ये तो गर्म मरुस्थल है, ये दोनों डेजर्ट कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है और ये भी कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल। हमादा अर्घ के हिसाब से बताओ कौन सा पथरीला रेतीला, हमने कहा था गोभी को फेंक के मारते हैं तो चोट लगेगी, मतलब वो मजबूत है, तो वो तो कैसा है, हमादा, गोभी तो किसका एग्जाम्पल, हमादा, हमादा का एग्जाम्पल है, ये तो पथरीला डेजर्ट है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, अर्घ के एग्जाम्पल, ये भी किसका एग्जाम्पल, अर्घ, दुनिया में जितने भी अर्घ के एग्जाम्पल है उनमें सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, रुबल खाली, दूसरा ये इतनी कोई काम की बात नहीं है। फिर यहाँ पे एक झील मिलती है हमें, कौन सी, लोपनूर झील, कौन सी, वहां चाइना परमाणु परीक्षण करता है, वहां पे लोपनूर लेक एरिया है, वहां चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है, वो कौन से डेजर्ट की तरफ मिलता है, तकलम का। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना, यहाँ रुबल खली, एक तकला मकान और एक गोभी, और रुबल खली डेजर्ट सऊदी अरब में मिलता है, ठीक है। एक यहाँ पे सऊदी अरब की तरफ ही एक डेजर्ट का नाम और ध्यान रखना आप, नाफूद, क्या नाम, नाफूद नाम भी ध्यान रख लेना, नाफूद, अभी एक तो बताया नूबियन और एक नाफूद, ये भी कहाँ है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब में ये डेजर्ट है, सऊदी अरब, ठीक है। तो ये आपके डेजर्ट है कहाँ के, एशिया के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले डेजर्ट के नाम देख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ ले जाते हैं कई बार, क्या क्या नाम, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी,
ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन, ग्रेट सिंडी, ग्रेट विक्टोरिया, और दो डेजर्ट और इधर, तनामी और सिंपसन। क्या नाम? तनामी सिंपसन, तनामी सिंपसन नाम के डेजर्ट। ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। बस नाम ध्यान रखना, सिंपल सी, ज्यादा बड़ी अंदर की बातें है ही नहीं। ठीक, तो ये हो गए डेजर्ट्स। एक बार अब देखे, इस बार जो क्वेश्चन आया 2016 और 18 में क्वेश्चन आए, वो केवल किससे थे? माउंटेन से थे। इस बार क्वेश्चन में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, सरे दे दिए। तो देखो सिंपल सा, ये अकोंकगुआ कहाँ मिल रही थी? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कौन सा पर्वत था? एंडीज, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये चली गई साउथ अमेरिका। मेसेटा यूरोप, पठार है मेसेटा, मैसिफ, तो मेसेटा कहाँ है? यूरोप की तरफ है। सेरेनगेटी मैदान, जो सवाना घास के मैदान है उन्हीं का एक पार्ट है। कहाँ मिलते हैं? तंजानिया की तरफ, तो अफ्रीका। और गिब्सन डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने को मिलता है। तो कोई जरूरी नहीं आपको चारों आए, इनमें से कोई से दो आते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। पहली बात तो चीजें बहुत आसान, क्योंकि अंदर की बातें नहीं आती, केवल आपको इतना समझ करना कि कोई सी चीज है कहाँ। दूसरी बात, उसमें भी सारी बातें नहीं आए तो भी चलेगा, केवल ऊपर ऊपर से आपको थोड़ी सी बात आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या पढ़ लिया हमने? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। अब पी लो एक बार, एक मिनट के लिए पानी, है ना? देखो देखो देखो, ज्यादा मत पीना, थोड़ा सा चाय मंगे। ये आगे चाय वाले हैं, जान गया मैं इनको। हाँ? कितना टाइम हो गया? 10:30 हो गया क्या? अरे इतना भी पानी मत पियो रे, सारे के सारे, ऐसे तो फिर क्लास को डिस्टर्ब करोगे तुम। अब नहीं रोकूंगा मैं क्लास को, बाहर नहीं जाना वैसे बीच बीच में। अरे एक मिनट का रेस्ट माइंड को देना, ऐसे इतना भी नहीं पढ़ने। कमेंट भी पढ़ने हैं क्या? दे दो देखे। अरे नहीं सर, कौन से रूम में कोई बताएगा? आप क्या करोगे रूम में? 19 नंबर, यो ही नाम नदी को है, यो ही नाम पठार को है, अब है तो है। सही है भाई, कौन से रूम में होगी? यो ही नाम नदी को, यो ही नाम पर्वत को, 18। विकास भाई कहाँ हो? यही है विकास भाई। ये तो टाइम मिल जाता है कि इनको प्री का एग्जाम आ रहा है, अरे कमेंट करने का है। राम राम सा, श्री गंगानगर, श्रीनगर से प्रणाम। और चाय मंगवा लो सर, चाय चाय और सही। अरे 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 अरे, आप ही लग गए होंगे सारे के सारे हैं, इतनी कहीं जल्दी है, कहाँ है प्रिया, कहाँ है सर? मेरे को ये कमेंट वाले ऐसे वाले सबसे शानदार लगते हैं ये। तो पता नहीं पढ़ते हैं क्या करते हैं, ये सबसे शानदार होते हैं वास्तव में। अब वो ऊपर वाला बोल रहा है इसको पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ ले, मतलब ज्ञान भी बहुत गजब देते हैं कमेंट वाले, इनसे कुछ ही करा लो चाहे आप बात। सर आज सज धज के आए हो? अरे ऐसा मैं तो कुछ नहीं, शर्त लगा लो, बात तो क्लास में हुई नहीं। अरे रे रे, आप तो सारे लग गए मेरे को लग रहा है कमेंट करने का। चलो ये कमेंट मेंट में क्या ध्यान देते हो, है कर लेते हो क्या कमेंट आप भी, जैसे कोई ऐसे क्लास व्लास देखते हो तब? मुझे तो कई बार ऐसे एंटरटेन करते टाइम मजा आता है ऐसे पढ़ते टाइम कमेंट वालों को, है जैसे मान लो कोई ऐसे कई बार देखते हैं ऋतिक रोशन, उनका कोई डांस आ गया यार, कोई है कि अब कोई एक आएगा बड़ा ज्ञान देने वाला कि ये ऐसे है वो वैसे है, कमेंट में पता नहीं मजे लेते हो। चलो इधर आ जाओ, हो गया रेस्ट। झीले, लेक्स, हाँ ऐसी नहीं चल रही, कम करवाए थोड़ा सा, एक बार देख लो देखे क्या बोल रहे हैं। चलो इधर आओ, लेक्स और झीलें आ जाओ, चार चीजें हो गई।
अब सिंपल सी तीन चीजें हैं, जिले तो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, नदियां थोड़ी सी है, और फिर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो लगभग एक घंटे डेढ़ घंटे में हो जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आ जाओ देखो जिले, लेक्स, पहले नाम बताओ, देखिए नॉर्थ अमेरिका में नाम इंपोर्टेंट, फिर अंदर की बातें दोबारा से करेंगे वापस से। यहां बताओ कौन कौन सी है, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, और रेंडियर, विनिपेग, रेंडियर, रेंडियर और विनिपेग नाम के जिले। यहाँ कौन से जिले, महान जिले, यहाँ महान जिले, ग्रेट लेक्स यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। फिर एक झील यहाँ पे मिलती है, कौन सी, ग्रेट सोल्ट लेक, क्या नाम उसका, ग्रेट सोल्ट लेक। यहाँ पे वेनेजुएला, वेनेजुएला नाम का देश साउथ अमेरिका में, वहां कौन सी झील है, मराकाइबो, क्या नाम है उसका, मराकाइबो नाम की झील है। और फिर बोलिविया और पेरू, बीपी, बोलिविया पेरू, वहां पे कौन सी है, टिटिकाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, टिटिकाका। फिर यहाँ पे एक और झील है, उसका नाम पोपो, पोपो या पोपो नाम की झील है, ठीक है। फिर इधर आओ अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ एक झील मिलती है, उसका क्या नाम है, विक्टोरिया, जिससे ये इक्वेटर पास होती है, क्या नाम है उसका, विक्टोरिया नाम की झील है। और फिर इधर एक झील है, उसका क्या नाम है, टेंगनाइका, क्या नाम है, टेंगनाइका। और फिर इधर नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चार्ड, वहां कौन सी है, चार्ड नाम की झील यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, चार्ड नाम की झील। और इधर यूरोप और एशिया, ये खूब सारी जिले हैं, यहाँ पे एक एक की बात करेंगे, यहाँ एक साथ पता नहीं चलेगी कौन कौन सी है। चलो एक बार वहां चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो झीलों के नाम वही, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, और फिर एक महान झीलें, ठीक है। चलो एक एक काम की बात है, ग्रेट बेयर झील पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है, कनाडा की सबसे बड़ी झील है, पूरे विश्व की नहीं, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और ग्रेट बेयर, बस एक सिटी का नाम बता दो यहाँ पे, कौन सी, पोर्ट रेडियम सिटी है इसके किनारे, कौन सी सिटी, इसमें अंदर क्या क्या मिलता है, इतनी कोई काम की चीजें नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कौन सी सिटी है, पोर्ट रेडियम नाम का शहर। ग्रेट स्लेव, स्लेव बना लिया कैसे, पीला चाकू, येल्लो नाइफ, कौन सा शहर है, येल्लो नाइफ नाम का शहर है, कौन सा, येल्लो नाइफ। पीला चाकू दिखाया किसको, मंकी, मंकी से था, मैकेंजी, कौन सी, मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव से। फिर अथाबास्का, इसके किनारे यूरेनियम नाम की सिटी है, कौन सी सिटी है, यूरेनियम नाम की सिटी, अथाबास्का में कौन सी है, यूरेनियम सिटी है। फिर उसके बाद में रेंडियर, रेंडियर से यहाँ पे एक नदी है वो जाती है, चर्चा है उसकी खूब, चर्चिल नाम की नदी, कौन सी, चर्चिल नदी। फिर यहाँ से विनिपेग से भी एक नदी जाती है, कौन सी, नेल्सन, हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन में जाकर गिरती है, हडसन की खाड़ी या बे ऑफ हडसन। फिर महान झील है, इनकी बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। ग्रेट सोल्ट लेक, ये भी कहाँ स्थित है, ग्रेट बेसिन के पठार पे, और कैसी है ये, लवणीय है, सलाइन लेक है, कैसी है, सलाइन लेक से लवणीय है, और कहाँ पे, ग्रेट बेसिन का पठार। ये यहाँ वाली सारी जिले कैसी है, ये मीठे पानी की जिले है, फ्रेश वाटर लेक्स है। ये यहाँ पे कनाडा में स्थित, ये कनाडा यूएस के बॉर्डर रीजन पे स्थित है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ये इतनी झीले। और ग्रेट बेयर झील, इसके बारे में बस इतनी सी बात। अब बताओ देखिए महान झीलें, इनके नाम क्या क्या नाम, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो नाम की यहाँ पे झीलें। ऑन्टेरियो नाम की जो झील है उससे एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी, सेंट लॉरेंस नाम की नदी, कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नाम की नदी का उद्गम होता है। सुपीरियर और ह्यूरॉन इनके बीच में एक नहर है, कौन सी, सू नहर, कौन सी नहर, सू नहर, सू कैनाल, सू कैनाल यहाँ पे। इरी ऑन्टेरियो के बीच में वेलेंड नहर, कौन सी, वेलेंड नाम की नहर देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा नाम से वॉटरफॉल देखने को मिलता है हमें, कहाँ, इरी और ऑन्टेरियो के बीच में। मिशिगन जाम की जो झील है वो यूएस कनाडा के बॉर्डर रीजन पे नहीं, पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, पूर्ण रूप से यूएसए में, कौन सी,
मिशिगन नाम की झील है। फिर उसके बाद में कुछ और चीजें देखी हमने, सुपीरियर के किनारे कुछ आयरन रेंजेज है, कौन कौन सी, मैसाबी और मार्क्वेट, मैसाबी मार्क्वेट, मैसाबी मैसाबी लोह एस्क मिलता है यहाँ पे, आयरन ओर के रिजर्व्स मिलते हैं, किसके, लोह एस्क या आयरन ओर के रिजर्व्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ शहर थे, जैसे इरी के किनारे एक शहर था डेट्रॉइट, वो जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो आप इतनी सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। और खास बात, सुपीरियर नाम की झील की खास बात क्या है, क्षेत्रफल के आधार पे एरिया वाइज विश्व की सबसे बड़ी झील है, एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पे मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर। इनमें देखें तो पहले तो नाम बताओ, देखिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ये वेस्ट से ईस्ट हो गया। फिर उसके बाद साइज की बात करें तो सुपीरियर, उसके बाद में ह्यूरोन, फिर मिशिगन, फिर इरी और फिर ओंटेरियो, ये इनकी साइज का क्रम हो गया, ठीक है। और सारी की सारी अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जुड़ी हुई होने के कारण यहाँ पे किसका निर्माण करती है, ये मजबूत नेविगेशन बनाती है। फिर उसके साथ में हमें यहाँ पे फिंगर लेक्स देखने को मिलती है, फिंगर लेक्स कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क में देखने को मिलती है हमें, कौन सी, फिंगर लेक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन कौन सी झीलें, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेयर, ये कनाडा की सबसे बड़ी है, और पोर्ट रेडियम नाम का शहर है, ग्रेट स्लेव, येलो नाइफ, मैकेंजी नदी, और यहाँ पे अथाबास्का, यूरेनियम, यूरेनियम नाम का शहर, और रेंडियर, चर्चिल नदी, विनिपेग, नेल्सन नदी, ये और ये ग्रेट सेल्ट लेक लवणीय झील है, सबसे बड़ी लवणीय झील है यहाँ की। उसके बाद में हम चले साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मराकाइबो, मराकाइबो नाम की झील है, ये कहाँ स्थित है, इतना सा बता दो आप, तो वेनेजुएला में स्थित है, कहाँ पे, कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है जस्ट यहाँ पे, इसलिए कैसी है ये, लवणीय, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय या फिर सलाइन लेक है ये। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बारे में कि क्या चीज है, एक यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह के रिजर्व्स मिलते हैं हमें, किसके रिजर्व्स मिलते हैं, पेट्रोलियम के रिजर्व्स, वो तबला जो जलसंधि से जुड़ी हुई है, वो काम की बात नहीं है। टिटिकाका, आप बताओ इधर कौन है, बोलिविया, और इधर कौन है, पेरू, बोलिविया और पेरू के सीमा क्षेत्र पे स्थित है, कैसी है ये, मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और खास बात, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन उपयुक्त झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन उपयुक्त झील है, नेविगेशन इस झील में कर सकते हैं, कौन सी, टिटिकाका। फिर उसके बाद में कौन सी झील है, पोपो, ये कहाँ स्थित है, बोलिविया के पठार पे स्थित है, और कैसी झील है, लवणीय सलाइन, और सलाइन झील होने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें वर्तमान में पानी वगैरह नहीं है, ये साउथ अमेरिका में इतनी सी है। फिर उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका की झीलों में सबसे बड़ी झील देखने को मिलती है हमें विक्टोरिया, विक्ट्री हासिल किया आपने दुश्मन को कूट कूट कर, अगर आप ध्यान रखो तो, वैसे इतना अंदर जाके आपसे नहीं पूछेगा लोकेशन, फिर भी आइडिया रखो तो, केन्या, युगांडा और तंजानिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया में स्थित है। टेंग नाइका, नाइका डांस करती है कहां पे, डीजे, डीजे पे डांस करती है, अफसोस टीबी हो गया, डीआरसी, जाम्बिया, तंजानिया और बुरुंडी, चार देशों के सीमा क्षेत्र पे स्थित है, कहां कहां, डीआरसी, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी देश के सीमा क्षेत्र पे स्थित है। चाड नाम की झील, ये कहां कहां है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड। विक्टोरिया नाम की झील है, इसके ऊपर से क्या गुजर रहा है यहाँ पे, इक्वेटर, विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा इक्वेटर विक्टोरिया नाम की झील से गुजरती है। विक्टोरिया नाम की झील की खास बात, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्षेत्रफल के आधार पे सुपीरियर, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, सेकेंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया नाम की झील। ये रिफ्ट वैली में ब्रंस घाटी में स्थित है या नहीं है, नहीं है, ब्रंस घाटी रिफ्ट वैली में स्थित नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ पे टेंगनाई का स्थित है, ठीक है, उधर तो है ही नहीं, रिफ्ट वैली लगभग इस पार्ट से गुजर रही है, तो रिफ्ट वैली में देखने को मिलती है कौन सी, विक्टोरिया, टेंगनाई का झील नहीं है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी, ताना, ताना से तो ब्लू नाइल और इससे व्हाइट नाइल या श्वेत नील नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाकर किस नदी का निर्माण करेगी, नील नदी का निर्माण करेगी। इधर भी कुछ खास बातें नहीं है, बस इधर तो सिंपल सी है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड में स्थित है ये चाड नाम की झील। इधर एक नदी आकर गिरती है, चाड, चारी, कौन सी नदी,
चारी नाम की रिवर है, अंत स्थलीय वो इतनी बातें काम की नहीं, रामसर सूची में शामिल है, ये रामसर लिस्ट में ये इंक्लूडेड है, चार्ड नाम की झील। फिर उसके बाद में जिबूती के पठार की तरफ एक झील है, उसका क्या नाम है, असल, असल नाम की झील। खास बात लवणीय सलाइन है और वहां पे हमें देखने को मिलता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सबसे निम्नतम बिंदु देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, कहाँ का, अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहाँ मिलता है, कौन सी झील में, असल, असल नाम की झील है वहां देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर एक झील थी जो सूख कर मरुस्थल बन गई, वहां पे कौन सी, फागुबिन, अफ्रीका की कौन सी झील थी जो सूख कर मरुस्थल बन गई, फागुबिन नाम की झील, कहाँ स्थित है, माली। ये बताया था मैंने यूपीएससी में, इस बार क्वेश्चन आया था लास्ट से लास्ट टाइम, टिम्बकटू नाम के शहर के पास में ही थी, ठीक है। एक थी ओगुटा, ओगुटा नाम की झील कहाँ है, नाइजीरिया, ओगुटा झील कहाँ पे, नाइजीरिया में, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना, ओगुटा नाइजीरिया, फागुबिन माली, असल ये जिबूती में स्थित है, कहाँ पे, जिबूती में स्थित है और लवणीय सलाइन है और सबसे निम्नतम, सबसे लोवेस्ट पॉइंट वहां देखने को मिलता है। विक्टोरिया झील केन्या युगांडा तंजानिया और मीठे पानी की रिफ्ट वैली में स्थित नहीं है। और नदी कौन सी, व्हाइट नाइल, टेंगनाइका, DJTB, DRC, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, और चाड कहाँ, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड। और नदी कौन सी, चारी, चारी नाम की नदी आकर उसमें गिरती है। अफ्रीका की महान जिले किसको कहा था, पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड जिलों को अफ्रीका की महान जिले। फिर जो महान अफ्रीकी ब्रंज काटी है उसमें कौन कौन सी जिले स्थित थी, उसमें स्थित थी देखो, एक तो तुर्काना, एक थी एल्बर्ट, एक थी एडवर्ड, एक किवू, एक न्यासा जिसको मलावी झील भी बोलते हैं, न्यासा, और एक टेंगनाइका, एक झील थी ये रुकवा और असल, याद आ रही है कुछ, रुकवा और असल झीले, ये सारी की सारी झीलें किसमें स्थित है, रिफ्ट वैली में स्थित है। तुर्काना एल्बर्ट एडवर्ड, तुर्काना एल्बर्ट, किवू न्यासा टेंगनाइका, किवू न्यासा और रुकवा या असल, असल नाम की झील भी, ये सारी झीलें किसमें स्थित है, महान अफ्रीकी ब्रंज घाटी रिफ्ट वैली में स्थित है, जो कि नूबियन और सोमाली प्लेट के डाइवर्जेंस या अपसरण से बनी हुई देखने को मिलती है हमें, कहां पर, अफ्रीका के पूर्वी भाग में। यूरोप, यूरोप में भी सिंपल सी छोटी सी कुछ झीलें बताओ दे कौन कौन सी है। पहले हमें सबसे बड़ी झील मिलती है लाडोगा, दूसरी बड़ी ओनेगा, सबसे बड़ी लाडोगा, दूसरी बड़ी ओनेगा, दोनों के दोनों रूस, रशिया में स्थित है और मीठे पानी की झीलें। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा और दूसरी बड़ी ओनेगा, ये तो लार्जेस्ट है और ये कैसी है, ओनेगा सेकंड लार्जेस्ट है। लाडोगा, लाडोगा कौन सी नदी, नेवा, नेवा नदी का उद्गम होता है। ओनेगा, ओनेगा से कौन सी, स्वीर, स्वीर नाम की रिवर है, वो यहां से ओरिजिन होती है जो इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। मछलियों की प्रजातियां वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके आसपास मिलती है। आप तो बताओ मेरे को यहाँ पे सही, मा, माफी, माफी याद आ रहा है क्या कुछ, फिनलैंड, सही मा, माफी फिनलैंड, तो माफी, मा से हमें माफी मिल जाती है तो उसे याद करना, फिनलैंड में स्थित है। वानर, वानर खाते हैं स्वीट्स, वानर खाते हैं स्वीट्स, स्वीडन, स्वीडन में स्थित है, वहां पे कौन सी, वनन झील, वनन स्वीडन। फिर होर्निन, होर्न, होर्न बजाओ, वे खाली करवाओ, वे, 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 नॉर्वे, वे खाली करवाओ, नॉर्वे, तो होर्न बजाओ तो नॉर्वे। होर्निन डल स्वातनेट, क्या नाम, होर्निन डल स्वातनेट, इतना सा ध्यान रखना, होर्न से वे खाली कराओ तो नॉर्वे, और स्वीडन, वानर, वानन से स्वीडन, और साइमा, माफी फिनलैंड में स्थित है। रूस में स्थित है कौन सी, लाडोगा और इधर आओ देखे कॉन्स्टांस से, 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 तो यहां से क्या बताया था, ऐसे जी साग से याद कर लेना, या तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, वैसे मुझे नहीं लगता इतना अंदर तक आपसे जाके नहीं पूछवाएगा, जिनेवा, जिना है फंसना नहीं है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में स्थित है। बस एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाली झील का निर्माण तो कौन सी नदी से होता है, जिनेवा, जिना है रोना नहीं है, तो रोना से रोन, रोन नदी तो किसका निर्माण करती है, जिनेवा, और कॉन्स्टांस ये राइन, राइन से इसका निर्माण होता है, ठीक है, कॉन्स्टांस राइन से इसका निर्माण होता है, और रोन, रोन से किसका निर्माण होता है, जिनेवा, जिनेवा नाम की जो झील है उसका निर्माण।
तो यूरोप की छोटी सी झीलें साइमा, लाडोगा, ओनेगा, वर्नन, कॉन्स्टांस और जिनेवा। अब उसके बाद देखे एशिया की झीलें बताओ, कुछ झीलें थी यहाँ पे, क्या क्या नाम है उनके। पहले पहले तो देखने को मिलता है हमें मृत सागर, डेड सी। डेड सी की लोकेशन बताओ, बताओ देखे, इसराइल और जॉर्डन, इसराइल और जॉर्डन के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। और लवणीयता भी ठीक ठाक मिलती है इसमें, सेलिनिटी, लवणीयता ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसमें पार्टिकल्स पास पास में होंगे और इसका घनत्व डेंसिटी भी क्या हो जाती है ज्यादा, इसलिए आप अगर इसमें डुबकी लगाते हैं तो आप डूबते ही नहीं है, आप आसानी से तैर सकते हैं। किसमें? मृत सागर में। जॉर्डन नाम का देश है तो उससे एक चीज ध्यान रखो, कौन सी नदी आकर गिरती है इसमें? जॉर्डन नाम की नदी, जॉर्डन नाम की रिवर आकर गिरती है किसमें? डेड सी में। तो आजकल इसमें पानी की थोड़ी सी कमी भी देखी जा रही है, ठीक है। अब लोकेशन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, इसराइल और जॉर्डन के सीमा क्षेत्र पे, क्या नाम है? मृत सागर। फिर अराल सी, इसकी लोकेशन बताएं तो ऊपर की तरफ तो एक देश है इधर, कौन सा? कजाकिस्तान। और एक कहूं से ध्यान रख लेना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान नाम के जो देश है उनके सीमा क्षेत्र पे अरल सागर है। दो नदियां आती है इसमें सी में, तुवसी से आ रही थी, अमुदरिया और सिरदरिया, अमुदरिया और सिरदरिया रिवर्स, अमुदरिया। और वर्तमान में क्लाइमेट चेंज की समस्याओं का सामना कर रहा है अरल सागर, बहुत कम पानी बचा है इसमें, अराल सी, अरल सागर में बहुत कम पानी है। कैस्पियन सागर, इसको बोला जाता है विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, किसको? अराल, इस कैस्पियन सी को, कैस्पियन सागर को, कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी। किस टाइप का है ये? अगर पानी देखा जाए तो लवणीय सलाइन टाइप की, खारे पानी की झील टाइप का ये कैस्पियन सागर। लोकेशन बताओ इसकी, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली जज साहब, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिला, तो नहीं मिला तो दिला देते इंसाफ। तीसरे बताओ, तुर्कमेनिस्तान, कहां पे? तुर्कमेनिस्तान। ऐसे अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और कैसे? कजाकिस्तान। बताओ देखे एक बार कैस्पियन सागर की लोकेशन बताओ, टी से तुर्कमेनिस्तान, ऐसे अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, कैसे? कैस्पियन सागर में दो इंपोर्टेंट नदियां आती हैं यूरोप से, कौन कौन सी? यूराल और वोल्गा, यूराल और वोल्गा नाम की नदियां आती है। और अजरबैजान का एक शहर है, यहाँ पे राजधानी बाकू, कौन सा? जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है यहाँ पे, कौन सा? बाकू नाम का शहर है। फिर उसके बाद बताओ देखिए बेकाल, बेकाल रसिया, बेकाल रसिया, बेकाल रूस में स्थित सबसे बड़ी आयतन के आधार पे मीठे पानी की झीलें हैं, उनमें क्षेत्रफल के आधार पे तो कौन सी है? सुपीरियर। और वॉल्यूम वाइज आयतन के आधार पे मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेकाल, बेकाल झील। और उसके बाद बताओ एक खास बात और थी, विश्व की सबसे गहरी झील है ये, डीपेस्ट लेक है, कौन सी? बेकाल, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील। उसके बाद बताओ देखे तोनले सेप, तोनले सेप कंबोडिया, तोनले सेप कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है कंबोडिया में, इससे एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम भी क्या है? तोनले सेप ही नदी आती है इससे, और जो कि किस नदी में जाकर मिल जाती है? मेकोंग। तो मेकोंग की सहायक नदी तोनले सेप, उसका उद्गम भी यही होता है। और विश्व के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में, ये भी देखो, तो बस आप इतनी सी ध्यान रखना, एक एक बातें उधर, उसकी लोकेशन मृत सागर इसराइल जॉर्डन, अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, तोनले सेप कंबोडिया, तोनले सेप कंबोडिया, और बेकाल रसिया, आयतन के आधार पे सबसे बड़ी और विश्व की सबसे गहरी झील है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये केवल नाम नाम इंपोर्टेंट है इनके, ज्यादा कुछ अंदर काम की बातें नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुर्की, तुर्की की तरफ कौन सी है? वानगोल, वानगोल तुर्की या टर्की में स्थित है, ठीक है, वानगोल तुर्की या टर्की में स्थित है। और लवणीय है, सलाइन है, मेनली ये सारी की सारी सलाइन है, एक दो को छोड़ के बलकास वगैरह को, ठीक है, मोस्ट सलाइन है। उर्मिया ईरान, उर्मिया ईरान, उर्मिया ईरान, उर्मिया बलकास, कास में कजाकिस्तान में होती, कास में मीठे पानी की झील होती, अरे याद आ रही की बातें, हाँ तो बताओ देखिए बलकास, कास में कजाकिस्तान में होती, कास में मीठे पानी की झील होती, चलो इच्छाएं पूरी कर दी। इसी कुल किर्गिस्तान,
इसिकुल किर्गिस्तान, इसिकुल किर्गिस्तान, इसिकुल किर्गिस्तान, ये भी लवणीय सिलेंट टाइप के। उसनूर मंगोलिया, उसनूर मंगोलिया, उसनूर मंगोलिया, उसनूर मंगोलिया। किंघई संघई, किंघई संघई तो याद करने के लिए किया था, लेकिन कहां स्थित है ये? चीन। किंघई संघई चीन में स्थित है, किंघई नाम की झील। तोबा तोबा इंडोनेशिया में भी एक झील है, तोबा तोबा इंडोनेशिया में भी एक झील है, हमें तो पता ही नहीं था, तोबा तोबा है इंडोनेशिया। कैसी कालडेरा, विश्व की सबसे बड़ी कालडेरा लेक है ये कालडेरा। बीवा जापान, बीवा बीवा जापान, मीठे पानी की झील है। बीवा कैसी है? मीठे पानी की, ठीक है। तो वानगोल तुर्की, उर्मिया ईरान, बलकास कास में कजाकिस्तान में होती, कास में मीठे पानी की झील होती। इसिकुल किर्गिस्तान, इसिकुल उसनूर मंगोलिया, उसनूर किंघई संघई मतलब चाइना, बीवा जापान और तोबा तोबा इंडोनेशिया और कालडेरा, कालडेरा लेक है एक टाइप की, ठीक है। ये इस बार क्वेश्चन आया था झीलों से रिलेटेड, इस बार के एग्जाम में, क्लास में भी देखा होगा आपने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलकास कास में कजाकिस्तान में होती, कास मीठे पानी की। टिटिकाका झील साउथ अमेरिका में बीपी बोलिविया और पेरू देश के सीमा क्षेत्र पे है। इरी झील पांच महान झीलों में से एक यूएस कनाडा के बॉर्डर रीजन पे, ये सिंपल सा क्वेश्चन। बेकाल रसिया यूक्रेन, तो सबको पता है इसमें आंसर ये, लेकिन मैंने क्लास में बताया था इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी चाल थी, माना कि आपका ऑप्शन एक होता तो आप जल्दी से टिक करके ये चले जाते। तो अब जो लास्ट टाइम है, थोड़ा दिमाग को शांत रखना और थोड़ा सा रेस्ट पूरा करना, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताई होगी, ये इस बार का प्रीलिम्स दिया था तब मैंने थोड़ा रेस्ट पूरा प्रॉपर लिया नहीं था, ठीक है। करंट या इकोनॉमिक सर्वे के लिए लास्ट के दो दिन रखे थे मैंने कि मैं पढ़ के जाऊंगा जल्दी जल्दी, हुआ नहीं। लास्ट में फिर वो 7 बज गए, सेंटर भी देते हैं दूसरे जिले में, जोधपुर दे दिया सेंटर, 8 बज गए, फिर 12 बज गए, मैंने कहा और कर लेंगे। बीटेक में भी तो एक रात पढ़ के पास होते थे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो 12 बज गए, 2 बजे के आसपास सोया, 3-4 घंटे सोकर उठा, तो एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे झटके लग रहे थे बार बार, और ऐसे ऑप्शन और थे इस बार, एक में बी नहीं था दूसरे में सी था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, और अभी भी मैं रात को 3:30 बजे तक आपकी स्लाइड बना रहा था कि आपको सही से रिवाइज हो जाए, तो एक दो बार सुबह से जब से उठ के आया हूं तब से अभी भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मेरे को, तो अरे रुको तो सही, तो काम की बात बताने दो। काम की बात यही है कि लास्ट टाइम जब अपने ऊपर प्रेशर आता है, जैसे पता था मेरे को आज क्लास है, अब काम करना ही पड़ेगा, मन में और भी थी खूब सारा और काम कर लेता, लेकिन लेकिन फिर मैंने सोचा 3-3.5 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो क्लास होगी नहीं कल। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, अब लास्ट के जो 10-15 दिन है तो आपके मन में आएगी और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें, क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हो तो लास्ट में फिर मन करता ही है कि थोड़ा चीजों को समराइज करें। तो कोशिश करना नींद पूरी लेके जाओ, कम से कम 6 घंटे की नींद, 7-8 घंटे की नींद तो कम से कम लेना, और रोजाना 6-6 घंटे तो सोना ही है, कई लोग कर लेते हैं 4-4 घंटे का गैप, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी में फर्क पड़ सकता है। हो सकता है मैं भी मान लो 8-10 घंटे सो के आता तो थोड़ा और एनर्जेटिक फील करता, लेकिन वो आपको देख के एनर्जी मिल रही है, मेरे को तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वहां एनर्जी देने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, तो पेपर में जितनी भी एनर्जी वगैरह सारी है आपको खुद अंदर से ही लानी पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्ट प्रॉपर रहना, मेरे को अभी भी लग रहा है, अभी मैं ऐसे सोच रहा था कि अभी मैं लिख दूंगा आज जाकर कि कुछ भी हो जाए नींद अब पूरी लेनी है आगे से, चाहे काम को कैसे मैनेज करना मेरे को नहीं पता, लेकिन रेस्ट पूरा प्रॉपर करना है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना, कम से कम 6 घंटे की नींद रखना, अदरवाइज एफिशिएंसी में आपके कमी आ जाएगी। और इस टाइप के ऑप्शन आएंगे या और भी कई सारी चीजें आएगी, तो उनको मैनेज आप तभी कर पाओगे जब प्रॉपर रेस्ट रहेगा, अदरवाइज पढ़ खूब लिया और हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसी ही कुछ गलतियों की वजह से गलत हो जाए। हालांकि कई लोगों के तो शतक लगाओगे आराम से 100 से ऊपर आएंगे तो उनके 2-4 गलत हो जाते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिली मिस्टेक सबसे हो ही जाती है, मेरे साथ ही सबसे हो जाती है, लेकिन वो शतक लगाने के बाद डर नहीं लगता, कोई बात नहीं, तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए। लेकिन कुछ लोग जो बॉर्डर पर रहेंगे उनके लिए चित्त का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। चलो जिले हो गए क्या, अब आओ देखे एक बार नदियां, उत्तरी अमेरिका की नदियां, रिवर्स है। एक बार देखे चाय मंगा देते एक बार, तो अभी नहीं नदियों के बाद में मंगाना, आप मंगा के रख लो थर्मस, नदियां तो कर लेते हैं। ब्राइटनेस कम किया जाए, बोर्ड को देखा नहीं जा रहा, ऐसा हो रहा है क्या? थोड़ा सा सही है क्या? देख लो फिर, सही है सही है सही, सही। नदियां रिवर्स, फिर देखो उठ जाइए, इनको थोड़ा सा गैप मिलते हैं, दो चार जने तो हिलते हैं इधर उधर। नदियां देखते हैं रिवर्स। अब दो ही चीजें अपने पास, एक तो नदियां और इंडस्ट्रीज, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है, फिर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर तो वैसे ही छोटा सा ही है, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, बड़ा बड़ा मतलब थोड़ा छोटा, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक ठाक। खाना वाना लाए हो क्या? बिस्किट खा लेना 5 रुपए वाला जल्दी से, इधर आओ। अच्छा समोसे, अरे वाह, हाँ चलो आओ। देखो इधर नॉर्थ अमेरिका में उत्तरी अमेरिका की नदियां रिवर्स देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं मैकेंजी, मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से होता है, नाम बताओ। देखिए पहले कौन कौन सी नदियां, एक तो मैकेंजी, एक यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो। मैकेंजी, यूकॉन, कोलंबिया और फिर ये कौन सी, रियो ग्रैंड, ये मिसिसिपी, मिसोरी, मिसिसिपी, ये हडसन, सेंट लोरेंस, हडसन और सेंट लोरेंस नाम की नदी। अब बताओ देखे कौन सी कहां से आती है, क्या क्या काम की बातें। मैकेंजी नाम की नदी ये कहां से आती है, यहाँ पे ग्रेट स्लेव नाम की झील है, कौन सी झील, ग्रेट स्लेव झील। फिर कौन सी जगह जाती है, ब्यूफोर्ट सागर, कौन सा सागर है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। कौन सी नदी, मैकेंजी, कनाडा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट रिवर है और पेट्रोलियम मिलता है यहाँ पे इसके आसपास वाले क्षेत्र में, बेसिन क्षेत्र में, वो कोई इतनी बड़ी काम की बात नहीं है। यूकॉन, यूकॉन नदी कहां से आती है, ये यूकॉन नदी इसका उद्गम होता है मैकेंजी पर्वत, कौन से पर्वत से, तो ध्यान रखना मैकेंजी पर्वत से, मैकेंजी नदी का उद्गम नहीं होता है, ठीक है, इसका अलग से होता है। तो मैकेंजी पर्वत से यूकॉन और एक कहां पे, बेरिंग, बेरिंग सागर में जाकर गिरती है, कौन सी, यूकॉन। और यूकॉन तुम कौन, मैं सोना है, तो सोने के प्लेसर निकसे, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, ये कहां देखने को मिलते हैं हमें, यूकॉन, यूकॉन नदी वाले पार्ट में सोने के प्लेसर निक्षेप भी देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है, कोई बड़ी बात नहीं। कोलंबिया, ये कोलोराडो, रियो ग्रैंड, मिसूरी, ये सब नदियां ये कहां से आती है, ये रॉकी पर्वत, ये रॉकी माउंटेन से उद्गम होता है इन सब का, यहाँ पे कहां से उद्गम होता है इनका, रॉकी माउंटेन से। कोलंबिया नदी रॉकी से आ रही है और कहां पे चली गई, प्रशांत महासागर। कोलंबिया नदी कौन से पठार से बहती है, कोलंबिया पठार से बहती है और कोलंबिया, इसकी सहायक नदी का नाम क्या है, स्नेक रिवर। कौन से राज्य की प्रमुख नदी है, वॉशिंगटन, अरे यूएसए का कौन सा राज्य है, वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है और उसके साथ साथ कोलंबिया, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है कोलंबिया के ऊपर, क्या नाम है, ग्रैंड कुली बांध, क्या नाम है उसका, ग्रैंड कुली बांध। और उसके ऊपर रूजवेल्ट, रूजवेल्ट जलाशय, कौन सा जलाशय, रूजवेल्ट जलाशय यहाँ पे बना हुआ है, कौन सी, कोलंबिया नाम की नदी है वहां पर। कोलोराडो, कोलोराडो नाम की नदी, तो कोलोराडो नदी है उस पार्ट में, देखते हैं कहां से आती है, रॉकी माउंटेन, और कहां पे गिरती है, इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी नदी जाकर गिर रही है, कोलोराडो। इसकी खास बात, एक तो क्या बनाती है, ग्रैंड कैनियन, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है, कोलोराडो। उसके बाद कोलोराडो नदी के ऊपर डैम है, उसका नाम है हूवर बांध, कौन सा, और कौन सा जलाशय, मीड जलाशय, कौन सा, मीड जलाशय यहाँ पे देखने को मिलता है। रियो ग्रैंड नदी, रियो ग्रैंड नदी किस किस के बीच में सीमा बनाती है, इधर है यूएसए और उधर है मेक्सिको, यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है, रॉकी पर्वत से आती है और इधर कहां पे, गल्फ ऑफ मेक्सिको में आकर गिर जाती है, कौन सी नदी, रियो ग्रैंड। पेकोस एक नदी इतनी इंपोर्टेंट नहीं, आप तो ध्यान रखना, यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है और कहां के गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी में, कौन सी नदी, रियो ग्रैंड। फिर मिसूरी कहां से आती है, रॉकी पर्वत से। मिसिसिपी, मिसिसिपी कहां से आती है, मिनेसोटा राज्य, इटस्का झील, ध्यान रखना आप, कौन सी झील है,
इटस्का झील, वहां से कौन सी आती है? मिसिसिपी, दोनों की दोनों मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी तंत्र है, ये नॉर्थ अमेरिका में तो सबसे लंबी नदी है, विश्व में चौथी है, इतनी कोई काम की बात नहीं है हमारे लिए। मिसिसिपी मिसौरी, इसके कुछ सहायक नदियां कौन कौन सी है? टेनेसी, ओहियो, अरकानसास रेड, टेनेसी ओहियो अरकानसास रेड, टेनेसी ओहियो अरकानसास रेड नाम की सहायक नदियां, और वहीं मेक्सिको की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। फिर उसके बाद में एक खास बात, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, पंजे के आकार का डेल्टा निर्माण, बर्ड्स फुट शेप्ड डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी नदी? मिसिसिपी। और एक सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। हडसन नदी कहां से आती है? हेंडरसन झील। हडसन कहां से? हेंडरसन झील, ध्यान रखना, आप तो पर्वत छोड़ो, वो हेंडरसन लेक। और फिर कहां गिर रही है? इधर अटलांटिक ओशियन में। इसके किनारे एक शहर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क नाम का शहर, कौन सा? हडसन की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? मोहाक। हडसन की सहायक नदी का नाम क्या है? मोहाक। इसकी सहायक नदी है हडसन, मोहाक जहां मिलती है वहां एल्बनी शहर, और वहां आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। कौन सी नहर से जोड़ा गया है इसको? इरी नाम की झील से, इरी नाम की झील से इरी नहर से जोड़ा गया है। आप तो इतना सा ध्यान रखना, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर, और इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? मोहाक। क्या नाम? तो हडसन, मोहाक, ये दो इंपोर्टेंट है, एल्बनी। वहां सेंट लोरेंस कहां से आती है? ओंटेरियो झील से। सेंट लोरेंस कहां से आती है? ओंटेरियो झील से, यहां पे जाकर गिर जाती है। सेंट लोरेंस किस किस के बीच में सीमा बनाती है? इधर तो कनाडा, और इधर कौन है? यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाती है, और सेंट लोरेंस की खाड़ी गल्फ ऑफ सेंट लोरेंस में जाकर गिर जाती है, और सबसे बड़ा नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, मेरे को तो आप बताओ, यूएसए की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। वो किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी, उसके किनारे क्या नाम है? यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। क्या नाम? वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन डीसी किसके किनारे लोकेटेड है? पोटोमैक, पोटोमैक नाम की नदी है, उसके किनारे वॉशिंगटन डीसी। ये इतनी सी सिंपल सिंपल सी बातें ध्यान रखना सारी नदियों के बारे में। ठीक है, उसके बाद में देखें हम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में नदी कौन सी है? ओरिनोको। ओरिनोको नाम की नदी, बताओ देखिए ओरिनोको कहां से आती है? यहां से गुयाना पठार से आती है, और लगभग कहां पे चली जाती है? गुयाना पठार से अटलांटिक ओशियन की तरफ चली जाती है। ओरिनोको की बातें लगभग आप जानते हैं सारी की सारी, बताओ देखे ओरिनोको घास के मैदान, ओरिनोको लानोस। क्या नाम? लानोस नामक घास के मैदान है। और फिर बताओ इसकी वो पेट्रोलियम मिलता है, वेनेजुएला देश की प्रमुख नदी है ये भी, और यहाँ पे क्या मिलता है आसपास? पेट्रोलियम। ये कोई इतनी इंपोर्टेंट नहीं, आप इसकी सहायक नदी का नाम बताओ। एरोनिक ओरिनोको की सहायक नदी केरोनी। क्या नाम है? जिस पर कौन सा डैम बना हुआ है? गुरी नाम से बांध बना हुआ है, कौन सा? और फिर एक दूसरी और सहायक नदी है, एक तो केरोनी, और एक इसकी केरोनी की सहायक नदी चुरून। केरोनी की सहायक, खास बात, एंजिल नाम से जलप्रपात, एंजिल वॉटरफॉल। कौन सा वॉटरफॉल? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा या हाईएस्ट वॉटरफॉल कौन सा है? एंजिल नाम से जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? ओरिनोको। ओरिनोको नदी की सहायक केरोनी, केरोनी की सहायक चुरून, चुरून पे बना हुआ है। दूसरी नदी है अमेजन। अमेजन कहां से आती है बताओ? ये एंडीज पर्वत, अमेजन आती है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत से आती है, इधर अटलांटिक ओशियन की तरफ जाती है, कौन सी? अमेजन। खास बात, विश्व की सबसे, दूसरी सबसे लंबी, सेकंड लॉन्गेस्ट, और विश्व की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, मतलब पानी सबसे अधिक है इसके पास, सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। और अमेजन में घास के मैदान देखे थे हमने, कैंपो सेराडोस कटिंगस, कैंपो सेराडोस। वर्षा वन कौन से? सेल्वास। कौन से? सहायक नदियां निग्रो और मेडिरा। क्या नाम है? निग्रो और मेडिरा, निग्रो और मेडिरा। फिर उसके बाद साउ फ्रांसिस्को। साउ फ्रांसिस्को कहां से आती है? इधर ब्राजील का पठार है, कौन सा पठार है? ब्राजील पठार, उधर से साउ फ्रांसिस्को आती है और इधर जाती है। खास बात थी, राष्ट्रीय एकता की नदी, क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय एकता की नदी, रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। फिर आती है पराना।
पराना बताओ देगा एक बार मेरे को कहां से आती है, वहीं ब्राजील के पठार से और इधर आकर गिर जाती है रियो डी ला प्लाटा। कहां करती है? रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा। सहायक नदियों के नाम, इधर तो प्रागवे और इधर रुग्वे। पराना की सहायक नदियों के नाम प्रागवे, और अगर हम एक साथ बोलें प्रागवे प्लस उरुग्वे प्लस पराना, क्या बोलते हैं इनको? प्लाटा नदियां। कौन सी नदियां? प्लाटा नदियां कहा जाता है इनको। और इसके बारे में फिर हमने देखा पराना अप्रायो अपने अपने ग्रांचालो, घास के मैदान कौन से? ग्रांचाको। और फिर पराना के ऊपर एक डैम बना हुआ है ग्रांचाको, ग्रांचालो। ऐसा कौन बोलती है हमें? ताइजी। इताइपू नाम का डैम बना हुआ, कौन सा? इताइपू नाम का डैम बना हुआ, इताइपू नाम का डैम। और इताइपू नाम का डैम विश्व में जल विद्युत उत्पादन करने के मामले में, विद्युत उत्पादन करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा डैम है। कई लोगों के दूसरा लिखा हुआ है जिनके पहले नोट्स थे, आजकल चाइना ने एक और बना लिया, वो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तब, ये तब तीसरा हो गया। आपसे कोई नहीं पूछेगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। आप तो इतना सा ध्यान रखो इताइपू नाम से डैम है वो किस नदी पर है? पराना, ठीक है, जो कि अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डैम है। पुराने बच्चों में तीसरा दूसरा लिखा होगा, तीसरा कर लेना उसको। फिर आगे चले कोलोराडो, कुछ भी काम की नहीं है, वर्जिन नदी है। इधर से आती है कहां से? लगभग ये यहाँ पे एंडीज पर्वत से, और इधर कहां जाती है? अटलांटिक की तरफ। इधर तो हमें मिलता है पेटागोनिया डेजर्ट, और इधर मिलते हैं पंपास घास के मैदान, ठीक है। एक पराना नदी है, इसकी एक सहायक नदी है इग्वाजू, तो वहां पे हमें जलप्रपात मिलते हैं, उनका नाम क्या है? इग्वाजू, ब्राजील अर्जेंटीना बॉर्डर पर इग्वाजू नाम से जलप्रपात, या इग्वाजू नाम से फॉल्स। किस नाम से? इग्वाजू, ठीक बात। तो ये साउथ अमेरिका की नदियां। चलो अफ्रीका की नदियां बताओ एक बार मेरे को कौन कौन सी है। अफ्रीका की नदियों में एक आती है वोल्टा, कौन सी? वोल्टा कहां से आती है? वोल्टा इधर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो नाम का एक रीजन है, लगभग उस रीजन से आती है, वो इंपोर्टेंट नहीं है। अपने तो ज्यादा मेन चीज ध्यान रखो कि ये कहां जाकर गिर रही है, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी वाले पार्ट में। कौन से देश की प्रमुख नदी है? घाना, घाना देश की प्रमुख नदी है। कौन सा देश है? घाना, घाना देश में प्रमुखता बहती है। और यहाँ पे इस नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम ध्यान रखो मैं तो अकोसोम्बो, क्या नाम है? अकोसोम्बो, अकोसोम्बो नाम से डैम है, और अकोसोम्बो डैम पर एक झील बनी हुई है, उसका नाम है वोल्टा, क्या नाम है? वी से वोल्टा, वी से वॉल्यूम वाइज नहीं है, वी से वोल्टा, वी से वॉल्यूम वाइज एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कौन सी? वोल्टा। किस नदी पर है? वोल्टा नाम का जो झील है मानव निर्मित है वो अकोसोम्बो डैम पे, अकोसोम्बो डैम किस पे? वोल्टा, वोल्टा नदी पर है। फिर अगली नदी आती है नाइजर, कौन सी नदी है? कहां से उद्गम होता है? लोमा पर्वत, लोमा पर्वत से गल्फ ऑफ गिनी वाले पार्ट में आकर गिरती है। कहां से उद्गम? लोमा, लोमा पर्वत से उद्गम होता है इसका, नाइजर का। फिर यहाँ पे माली का एक शहर देखने को मिलता है हमें, कौन सा? टिम्बकटू। कौन सा शहर है? टिम्बकटू। और एक तरीके से घुमाव ले रही है, मोड़ लेती है, तो घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी। यहाँ ऑयल मिलता है इसलिए इसको कहा जाता है तेल नदी या ऑयल रिवर। ऑयल रिवर किसको कहा जाता है? नाइजर नदी को। ये एक बात और ध्यान रखना, और घुमाव लेती है, मोड़ लेती है, इसलिए घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी किसको? नाइजर नदी को। कंगो इंपोर्टेंट रिवर है, कंगो नदी। तो कंगो नदी बताओ देखे कहां से आती है? कतंगा, कतंगा पठार से आती है, इक्वेटर को दो बार काटती है, और फिर इधर प्रशांत महासागर गल्फ ऑफ गिनी वाले पार्ट में आकर गिरती है। कौन सी नदी? कंगो नाम की नदी। ये इक्वेटर को दो बार काटती है, सबसे बड़ी बात इसकी एक ही है, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर को दो बार काटती है। फिर उसके बाद में और बातें इसकी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, इक्वेटर को दो बार काटती है, और बातें इंपोर्टेंट नहीं है। फिर भी देखें तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन थी, तो उसके बाद में अमेजन के बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। आप तो इसमें बताओ जनजाति निवास करती है यहाँ पे, कौन सी? पिग्मी नाम की जनजाति निवास करती है। स्टेनली लिविंग स्टोन जलप्रपात वो भी इतने नहीं है, बस आप ध्यान रखो। कंगो नदी कहाँ से आती है? कतंगा, कौन सा पठार है? कतंगा पठार है, कतंगा पठार से आती है और इधर जाकर गिर जाती है कंगो नदी। उसके बाद में अगली नदी है जम्बेजी, जम्बेजी कहां से आती है?
बी के पठार से आती है, जम्बेजी नदी बी के पठार से उद्गम होता है उसका और लगभग यहाँ आकर गिर जाती है। बी का पठार मोजाम्बिक चैनल में, या हिंद महासागर ध्यान रख लो आप, तो बी के पठार से उद्गम और मोजाम्बिक चैनल में गिर गई। ये जो जम्बेजी नदी है इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया नाम से जलप्रपात। विक्टोरिया नाम की झील थी क्या? तो यही नाम झील को है, यही नाम जलप्रपात। तो वाटरफॉल कौन सा है? विक्टोरिया। एक यहाँ पे इस नदी के ऊपर एक डैम बनता है, उसका नाम है करीबा। करीबा नाम का डैम है, झील का नाम भी क्या है? करीबा। और इधर वोल्टा के बारे में तो कहा कि वो एरिया वाइज है, और तो ये कैसा है? वॉल्यूम वाइज। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम वाइज, ये कैसी है? क्षेत्रफल। तो आयतन के आधार पर सबसे बड़ी है करीबा। फिर अगली नदी कौन सी है? ऑरेंज लिम्पोपो। लिम्पोपो तो बस सिंपल सी है, एक बात ध्यान रखनी है, कहां से आती है? साउथ अमेरिका से आती है, बस आप इतना सा ध्यान रखो, साउथ अफ्रीका वाले पार्ट से आती है, आप इतना सा ध्यान रखना लिम्पोपो के बारे में। तो कि मकर रेखा, मकर रेखा को दो बार काटती है, किसको? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार। ऑरेंज नदी में इतना सा ध्यान रखना, लगभग कहां से आती है? ड्रेकेंसबर्ग से इधर यहां पे आके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है वोल, क्या नाम है? वोल, ड्रेकेंसबर्ग से। अब सबसे बड़ी नदी है नील, नील नदी, नाइल रिवर। तो नाइल रिवर के बारे में बताओ, देखिए नील नदी कहां से उद्गम? विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से तो व्हाइट नाइल, यहां से ताना से ब्लू नाइल। सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम में मिलती है, और फिर ये कहां चली जाती है? विश्व की सबसे लंबी नदी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो पहले तो बताओ ये कौन सी झील है? विक्टोरिया। और ये कौन सी है? ताना। ताना से तो यहाँ पे ब्लू नाइल, और यहां से कौन सी? व्हाइट नाइल। दोनों की दोनों कहां मिली? सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम में मिलती है, और खार्तूम में मिलने के बाद विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहां जाकर गिरती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद में हमने कहा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ कुछ शहर है मिस्र के, जैसे काहिरा, सिकंदरिया और अलेक्जेंड्रिया। कौन कौन सा? काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, इस टाइप के कुछ शहर हमें देखने को मिलते हैं। और साथ साथ हमें यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिलती है। क्या चीज? कि यहाँ पे डैम मिलता है एक मिस्र में, आसवान नाम का डैम। कौन सा? आसवान डैम मिलता है हमें। और फिर उसके साथ साथ हमें एक डैम मिलता है ब्लू नाइल पे, ग्रैंड इथोपियन रेनेसान प्रोजेक्ट। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नाम में इथोपिया आ गया, आप जान जाओगे उसको। और मिस्र के किसानों को अगर आप एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के लिहाज से देखो तो क्या बोला जाता है उनको? फिल्ला। क्या बोलते हैं? कॉटन टेक्सटाइल भी देखने को मिलती है हमें यहाँ पे काहिरा सिकंदरिया की तरफ। तो अफ्रीका की नदियां एक बार ध्यान रखना, हो सकता है कई बार आपको ये नाम सुने हुए दिखे और इनसे आपका काम हो जाए, इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जैसे मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो, कांगो काटती है इक्वेटर को दो बार, कर्क रेखा को दो बार काटती है राजस्थान वाली माही नदी। ठीक है, यूरोप, यूरोप में भी नदियां खूब सारी है, तो एक बार इनकी बातें सुनना देखे क्या क्या बातें पहले तो। ठीक है, पहले नदी है टेगस, टेगस नाम की नदी। बताओ टेगस कहां से आती है? इतना इंपोर्टेंट नहीं है, केंद्रीय कोर्डिलेरा से अटलांटिक की तरफ जाती है। टेग तभी लगेगा आपके जब आपका नाम किस में आएगा? लिस्ट में नाम आएगा। तो लिस्बन, लिस्बन नाम की पुर्तगाल की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? टेगस, टेगस के किनारे क्या स्थित है? लिस्बन, लिस्बन नाम की राजधानी है। फिर एब्रो, एब्रो के किनारे स्पेन का एक शहर है जारागोजा। क्या नाम है? जारागोजा नाम का शहर है एब्रो नदी के किनारे। आप ध्यान रखना, देखिए लोअर और सीन नदियां, ये कहां से उद्गम होता है इनका? मैसिव, कौन सा पठार है? मैसिव पठार है, वहां से उद्गम होता है लोअर सीन। सीन तो कौन सा चैनल देखते हो? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल हॉलीवुड की फिल्म है, तो सीन तो इंग्लिश चैनल में चली गई। और लोअर, लोअर कहां जा रही है? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी में कौन सी? लोअर नदी। सीन तो आप के किनारे क्या है? पेरिस। सीन के किनारे तो क्या देखने को मिलता है? पेरिस। और लोअर तो लॉन्गेस्ट है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी। थेम्स के किनारे लंदन, ऑक्सफोर्ड, रीडिंग नाम के शहर है, यहाँ पे ध्यान रखना, लंदन, ऑक्सफोर्ड, रीडिंग। ठीक है, फिर आती है इंपोर्टेंट नदी एक राइन। राइन नदी कहाँ से आती है? ये आल्स पर्वत से आती है। कौन सा पर्वत है? आल्स, आल्स पर्वत से उद्गम होता है इसका, आल्स पर्वत से उद्गम। फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा क्षेत्र पे बहती है। इधर एक पर्वत है वोसेजीस,
इधर एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, दोनों के बीच से बहती 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 राइन नदी कहां जाकर गिरती है, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी में, रोटरडम के पास में डेल्टा बनाती हुई नीदरलैंड में, यहाँ पे उसके पास में नॉर्थ सी उत्तरी सागर में गिर जाती है। आप इंपोर्टेंट बात बताओ, राइन की सहायक नदी का नाम रूर, क्या नाम है? राइन की सहायक नदी का नाम क्या है? रूर। रूर के बेसिन में मिलता है कोयला, इसलिए नदी घाटियों को इस रूर के नाम से जानते हैं। उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है? राइन, इसलिए राइन को कहा जाता है कोल नदी, कोयला नदी, या इसमें कोल रिवर या ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। किसको? राइन को कहा जाता है। इतनी बात राइन के लिए ध्यान रखना। फिर आती है रोन। रोन भी कहां से? आल्स पर्वत। आल्स पर्वत से लायंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ लायंस में। रोना नहीं है, जीना है। जीना कैसे? लाइन, शेर की तरह जीना है। तो रोन, रोन नदी कहां पे जाकर गिर रही है? गल्फ ऑफ लाइन, लाइन की खाड़ी में। और एक शहर स्थित है ल्योंस, ल्योंस नाम का शहर इसके किनारे स्थित है। पो नदी का उद्गम आल्स पर्वत, कौन सी जगह जाकर गिर रही है? एड्रेटिक सी, एड्रेटिक सागर में जाकर गिर रही है। कौन सी नदी? पो। कहां की नदी है? इटली, इटली की गंगा। अरे इटली की गंगा कहा जाता है किसको? पो नदी को, इटली की गंगा। मैदान कौन से मिलते हैं? लोम्बार्डी मैदान। पो नदी के बेसिन क्षेत्र में कौन से मैदान मिलते हैं? लोम्बार्डी प्लेन्स, लोम्बार्डी मैदान। और यहाँ पे शहर कौन से हैं पो नदी में? एक तो ट्यूरिन और एक मिलान। ट्यूरिन, मिलान, ट्यूरिन, ट्यूरिन तो टायर मतलब ऑटोमोबाइल, इसको विंडसर कहा जाता है। और मिलान तो फैशन, फैशन, फैशन उद्योग के लिए मिलान जाना जाता है। आप तो इतना ध्यान रखना कि पो नदी कहाँ की है? इटली, इटली की गंगा कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद में अगली नदी आती है डेन्यूब। डेन्यूब कहां से आती है? ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से आती है। कौन से पर्वत? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से आती है डेन्यूब। और कहां जाती है? ब्लैक सी, काला सागर में जाती है। और इसमें कितने देशों से गुजरती है? दस, दस देशों से। चार देशों की राजधानियां स्थित है, कोई तो बीवी बोलता है, कोई बीबी बोलता है, बीवी बीबी बताओ देखे एक बार। वी से तो क्या है? वियना ऑस्ट्रिया। वी से तो वियना ऑस्ट्रिया। और बी से ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा। और बी से बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हंगरी। और बी से बेलग्रेड सर्बिया। चार देशों की राजधानियां डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर इधर से चले तो हम एल्ब, एल्ब के किनारे चेक गणराज्य की राजधानी स्थित है प्राग। कौन सी? स्प्री, 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 बल, बल, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्प्री के किनारे। वी से विस्तुला, वी से वोर्सा। कौन सी? वोर्सा। वी से विस्तुला, वी से वोर्सा, पोलैंड की राजधानी वोर्सा। और फिर ये बताओ डी, 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 ये सारे डी कहां जाते हैं? ब्लैक सी में, निस्तर, निपर, निपर के किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की राजधानी कीव। और एक वो काखोवका नाम से एक डैम था, अरबी डैम तोड़ दिया था रशिया वालों ने, वो इस नदी के किनारे ही था, इस नीपर नदी के किनारे, काखोवका नाम से डैम। क्या नाम? काखोवका, काखोवका नाम से एक डैम है, जो डैम को तोड़ दिया था इन्होंने। और उसके बाद में डोन, डोन तो डोनेट करता है, इसलिए अजर अमर, अजोव सी में आकर गिरती है। कौन सी नदी? डोन। डोन में आकर मिल जाती है कौन सी? डोनेट्स, डोनेट्स नाम की नदी इसमें आकर मिल जाती है डोन में, ठीक है। और डोन, डोनेट, इसको डोन को कनेक्ट किया गया वोल्गा से। अब उसमें आगे ध्यान रखना, वी से वोल्गा, ये कहां से आ रही है? वल्दाई पहाड़ियां, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वोल्गा की खास बातें क्या है? यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी है, कौन सी? वोल्गा। कहां जाकर गिर रही है? कैस्पियन सागर में। और वहीं कैस्पियन सागर में यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से आने वाली यूराल नदी भी कैस्पियन सागर में गिर रही है। वोल्गा, वोल्गा नदी के बारे में देखें तो सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे, यहाँ इसकी बस इतनी बातें, ये बहती कहाँ से है? रूस। कौन से कंट्री से बहती है? रूस से। और यूराल, यूराल रूस के साथ साथ ये लास्ट में जाती जाती थोड़ी सी कहाँ से बहती है? कजाकिस्तान, एशिया का पार्ट है कजाकिस्तान। और एक इंपॉर्टेंट बात वो क्या थी? काम की, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, बर्ड्स फुट शेप डेल्टा। कौन सी नदी बना रही थी अभी? मिसिसिपी, मिसौरी। तो मिसिसिपी भी वो वहां पे पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बना रही थी। और यहां से कौन सी नदी बनाती है? यूराल, यूराल नदी भी क्या बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, बर्ड्स फुट शेप्ड डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ज्यादा चीजें नहीं है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं,
थोड़ा सा आइडिया रखना, ज्यादा चीजें हैं नहीं, मतलब ज्यादा चीजें हैं लेकिन काम की चीजें इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी चीजें आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एशिया की तरफ आओ एक बार, एशिया की नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? तिग्रिस यूफ्रेट्स नदियां, यहां से स्टार्ट करते हैं। तिग्रिस यूफ्रेट्स कहां से आती है? तुर्की। तुर्की की तरफ कौन सा पर्वत है? टोरस माउंटेन से आती है। कौन सी खाड़ी में गिरती है? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया या फारस की जो खाड़ी है वहां जाकर गिरती है तिग्रिस यूफ्रेट्स नदियां। तिग्रिस यूफ्रेट्स को पुराने जमाने में किस नाम से जानते थे? दजला और फरात। किस नाम से? ये तिग्रिस तो दजला और यूफ्रेट्स किस नाम से? फरात। तिग्रिस के किनारे इराक की राजधानी बगदाद और यूफ्रेट्स तो फर्स्ट आती है, मतलब यहाँ पे पश्चिम एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट। ये जब मिल जाती है, मिल जाने के बाद में क्या बोलते हैं इनको, ये बता दो आप। ये दोनों मिल जाती है तब इनको कहा जाता है सत अल अरब। सत अल अरब, अरब की नदियां, रिवर्स ऑफ अरब कहा जाता है। हेलमंद नदी कहाँ की इंपोर्टेंट रिवर है ये बताओ? हेलमंद नदी कहाँ की? ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यहां से कहां से आती है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत से आने के बाद कौन सी झील में जाती है? हामुनपो नाम की एक झील है उसमें जाकर गिरती है। हेलमंद नाम की नदी है, इसके बारे में आप तो ये बताओ मेरे को कि वो क्या मिलता है यहाँ पे? स्वर्णिम। और क्या मिलता है यहाँ पे? गोल्डन हाफून। गोल्डन स्वर्णिम अर्धचंद्रमा मिलता है कहां पे? पई। पई बोले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान में देखने को मिलता है। कौन सी नदी है वो? हेलमंद। अमुदरिया सिरदरिया कहां से आती है? पामीर। कहां से उद्गम होता है इनका? पामीर से उद्गम होता है अमुदरिया सिरदरिया। और कहां पे? अरालसी। अरालसी, अरालसी में जाकर गिर जाती है सिरदरिया और अमुदरिया नाम की रिवर्स, मध्य एशिया से बहती हुई। फिर रूस की नदियां, रूस की तीन नदियां हैं, क्या क्या नाम है? ओब येनेसी लीना, ओब येनेसी लीना। बताओ देखिए कहां से आती है ओब? कहां से आती है? अल्ताई। कौन सा पर्वत? जाती कहां? ओब की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब में जाती है ये। यहां पे येनेसी कहां से आती है? शान। शान से कहां जाती है? येनेसी की खाड़ी, गल्फ ऑफ येनेसी। लीना कहां से? बेकाल। बेकाल नाम से पर्वत है, वहां से आती है और वहीं पे जाकर लीना कहां जाती है? एल से लीना, एल से लेप्टेउ सागर। कौन सा सागर है? लेप्टेउ सागर में जाती है लीना। तो कहां की लॉन्गेस्ट है? रूस। रूस की सबसे लंबी नदी है। और लीना क्या पहनती है? सोने की ज्वेलरी, सोने के प्लेसनिक से। अरे कहां मिल रहे थे और? यूकॉन। तुम कौन? मैं सोना। तो सोने के प्लेसनिक से वहां भी और लीना नदी वाले पार्ट में भी। येनेसी ओब की एक सहायक नदी है, उसका नाम है इर्तिस। क्या नाम है? इर्तिस नाम से सहायक नदी। और येनेसी की भी सहायक नदियां अंगारा और तुंगस का नाम से, याद रहे तो कर लेना अदरवाइज इतना लोड नहीं लेना। रूस की तीन नदियों के नाम क्या क्या है? ओब येनेसी लीना, ओब येनेसी, इसकी सहायक नदी का नाम इर्तिस, और ये लीना नदी सोने के प्लेसनिक से और रूस की सबसे लंबी नदी। कहां जाके गिरती है? लेप्टेउ सागर में। इधर रूस, अब इधर चाइना स्टार्ट होगा। दोनों के सीमा क्षेत्र पे, बॉर्डर रीजन पे एक नदी बहती है, उसका क्या नाम है? आमूर नाम की नदी। कौन सी? आमूर नाम की नदी, ये बॉर्डर रीजन से बहती है। उसके बाद बताओ मेरे को चीन की तीन नदियां हैं, कौन कौन सी? वांगही, यांगसी, सिकियांग। वांगही, यांगसी, वांगी कहां से आती है? किंघाई प्रांत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहां जाती है? बोहाई की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोहाई, बोहाई की खाड़ी, वहां कौन सी नदी जाकर गिरती है? वांगही नाम की नदी, ठीक है। इसकी खास बात बताओ, ये यहाँ पे वांगी नाम की नदी ये बाढ़ की समस्या क्रिएट करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चीन का सोक, सोर ऑफ चाइना, चीन का सोक कहा जाता है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको चीन का सोक बोलते हैं। और किस रंग के अवसाद लाती है? पीले रंग के अवसाद, इसलिए इसको कहा जाता है पीली नदी या फिर येल्लो रिवर, सोर ऑफ चाइना और येल्लो रिवर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद बताओ यांगसी नदी, ये कहां से आती है? तिब्बत के पठार से। कौन से पठार से? तिब्बत के पठार से। यांगसी तो जाती है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। और सिकियांग, ये भी कहां से? तिब्बत के पठार से, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है।
यांगसी नदी ये एशिया की तो सबसे लंबी नदी, चीन की भी सबसे लंबी नदी, एशिया की भी सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। यांगसी नदी एशिया की तो फर्स्ट है और वर्ल्ड वाइड विश्व की थर्ड है। सबसे लंबी नदी नील नदी, दूसरी अमेजन और तीसरी नदी कौन सी है? यांगसी। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, क्या नाम है उसका? थ्री गॉर्जेस डैम। क्या नाम है उसका? थ्री गॉर्जेस नाम का डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस डैम जो बिजली बनाने के मामले में, जल विद्युत के मामले में विश्व का सबसे बड़ा डैम है, ये लार्जेस्ट डैम है। क्या नाम है उसका? थ्री गॉर्जेस डैम। और उसके बाद में हमने शहर देखे, एक तो कौन सा? संघाई और वुहान, ये लगभग यहाँ वुहान है और यहाँ पे संघाई नाम का शहर है। थ्री गॉर्जेस डैम ये तो सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद में फिर हम और देखें तो दूसरा एक डैम कौन सा है, अभी चाइना ने आजकल बनाया, उसका नाम है बेहतन बांध। क्या नाम है? ये बेहतन नाम का बांध और बनाया है, बेहतन डैम, बेहतन डैम, ठीक है, चीन में ही है। और बेहतन नाम का डैम कौन सी नदी पर बनाया है? यांगसी। यांगसी के एक सहायक है जिनसा नदी। कौन सी नदी? जिनसा, जिनसा रिवर, जिनसा रिवर पर एक डैम बना है बेहतन नाम से डैम ऑन जिनसा रिवर। किसके सहायक है ये? यांगसी की सहायक नदी है। खास बात क्या है इस डैम की? ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वाला डैम है, जल विद्युत उत्पादन करने के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। क्या नाम है उसका? बेहतन, बेहतन नाम से बांध। कौन सी नदी पर है? जिनसा, यांगसी की सहायक। ध्यान रख लेना इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया, जिन लोगों के पुराने टाइम में पढ़ा हो आपने, नहीं लिखा हो तो। बेहतर नाम से डैम दूसरा सबसे बड़ा, लिस्ट कोई नहीं पूछेगा, नाम ध्यान रखना, यांगसी की सहायक जिनसा नदी पर है। फिर उसके बाद सिक्यांग, सिक्यांग कहां से आती है? तिब्बत, तिब्बत के पठार से, कहां पे? साउथ चाइना से, इतना ही ध्यान रखना। मेकोंग, मेकोंग कहां से आती है? तिब्बत, तिब्बत के पठार से। ये मेकोंग भी कहां गिर रही है? साउथ चाइना से। मेकोंग नदी है, उसमें खास बात ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, टोनले सैप आ रही थी इसमें, कंबोडिया में मिल रही थी। और मेकोंग, मेकोंग नाम की जो नदी है उसमें हम देखते हैं कि क्या मिलता है? स्वर्णिम त्रिभुज। यहाँ पे क्या मिलता है? स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलता है। क्या चीज मिलती है? गोल्डन ट्रायंगल। कहाँ कहाँ? एम एल टी, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड वाला पार्ट है, वहां पे स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलता है। और उसके साथ में फिर हमने कहा कि दो राजधानियां हैं, एक तो कंबोडिया के नाम पे ना और लाओस की वियंतियन, वो इतनी बड़ी बात नहीं है फिर भी ध्यान रख लेना, वियंतियन और नाम पे ना। एक वो भी थी चाउ फ्राया, चाउमिन फ्राई करके खाइए। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी रेड, रेड रिवर, उसके पास में कौन सी है? वो लाल हनोई, वियतनाम की हनोई। साल्विन नदी कहां से आती है? तिब्बत वाले पार्ट से आती है। और यहाँ पे साल्विन कौन से पठार से बहती है? सान का पठार। कौन सा पठार? सान का पठार से यहाँ पे बहती है कौन सी नदी? साल्विन, तिब्बत पठार से। और ये मर्तबान की खाड़ी वाला पार्ट है, वहां आकर गिरती है, ठीक है। और उसके बाद में इरावदी नदी, ये हिमालय वाली धाराओं से इधर अंडमान सागर में गिरती है। इरावदी नदी में भी देखा हमने कि ये अराकान योमा, पेगू योमा के बीच से जाती है। यांगून या रंगून नाम का शहर स्थित है, ये बात ध्यान रख लेना आप तो, यांगून या रंगून नाम का शहर इरावदी के किनारे, ठीक है। और उसके साथ में हम देखते हैं कि म्यांमार में बहने वाली, वो छोड़ो। अब एक और नदी थी लास्ट में, सूरमा। सूरमा कहाँ की थी? बांग्लादेश की नदी थी। सूरमा कहाँ की? बांग्लादेश। ये वास्तव में अपने यहां से आती है, वहां क्या नाम है इसका? ब्राक। किस नाम से आती है? ब्राक नाम से। यहां से आती है अपने मणिपुर, मणिपुर में क्या नाम है इसका? ब्राक, ब्राक नाम से आती है। और फिर उसके बाद में बांग्लादेश में बन जाती है सूरमा। आगे चल के हम देखते हैं गंगा, जमुना, उनसे मिलने के बाद बन जाती है मेघना। गंगा जमुना से मिलने के बाद क्या बन जाती है? मेघना। और तिपाईमुख नाम से एक परियोजना इस नदी पर, कौन से? तिपाईमुख नाम से परियोजना किस नदी पर? सूरमा, सूरमा नदी पर ये परियोजना है। तो थोड़ी सी ये बातें भी इनके बारे में ध्यान रखना, जैसे मोटी मोटी बातें ध्यान रखना, हुआंग ही, चीन का शोक,
पीली नदी, ये यांगसी, इसके ऊपर जैसे थ्री गोर्जेस डैम है, सिकियांग दक्षिण चीन सागर में जाती है। तो ऐसे मोटी मोटी थोड़ी मेन मेन बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में नदियां होगी, ठीक है, कहाँ डोरा, आजकल इतना इंपोर्टेंस नहीं रह गया इसको, इसलिए इसको कहा जाता है यूएसए का जंग का कटोरा, रेस्ट बाउल ऑफ यूएसए, क्या बोला जाता है, रेस्ट बाउल ऑफ यूएसए। और एक डुलुथ और एक बफेलो, क्या नाम, न्यूयॉर्क बफेलो, शिकागो, मांस प्रसंस्करण मीट प्रोसेसिंग के लिए जाना, सबसे इंपोर्टेंट डेट्रॉइट, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, एक्रोन सिंथेटिक रबर, कौन सा सिंथेटिक रबर या फिर कृत्रिम रबर, सिंथेटिक रबर या फिर कृत्रिम रबर, कौन सा, एक्रोन। प्रशांत तटीय में सिएटल, सिएटल, सिएटल एयरक्राफ्ट, सिएटल में क्या है, एयरक्राफ्ट है। और उसके बाद बताओ कि पोर्टलैंड, पोर्ट के किनारे सिप, सिप मैन्युफैक्चरिंग, जहाज निर्माण। सैन फ्रांसिस्को आईटी इंडस्ट्री, क्या कहा जाता है इसको, सिलिकॉन वैली, क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को आईटी इंडस्ट्री इसके लिए जाना जाता है। ऐसे सैन डिएगो, ये भी किसके लिए जाना जाता है, आईटी इंडस्ट्री इसके लिए। लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस हॉलीवुड, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, हॉलीवुड या फिल्म उद्योग या फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड यहाँ पे लॉस एंजलिस। प्रुद्धों की खाड़ी अलास्का, वहां क्या मिलता है, प्रुद्धों बे में क्या मिलता है, ऑयल, ऑयल देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो लेट आए हो, एक बार मैं और बता देता हूँ चीजें, दोबारा बताऊंगा। पहले नाम, नाम में सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पे दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन, ये सबसे इंपोर्टेंट, क्या नाम, दक्षिणी। मध्य अटलांटिक, ये तीसरे का नाम है, दक्षिणी अपलेशियन, सदर्न अपलेशियन, ये टेक्सास रीजन, ये प्रशांत तटीय, और ये महान झील, इसका एक नाम और मिडवेस्ट रीजन, क्या नाम है, ये अलास्का, अलास्का प्रदेश है यहाँ पे इसका नाम। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में आपको मेन मेन ध्यान रखना, बोस्टन कॉटन, हार्टफोर्ड, हार्ट फेल हो जाएगा, सब अपना अपना इंश्योरेंस करा के रखो। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर पेटरसन, पीटरिंगलैंड, तो किसके कपड़े, सिल्क या रेशम, और स्पेरोस पॉइंट, आयरन एंड स्टील, मॉरिसविले टाउन, आयरन एंड स्टील। उसके बाद में टेक्सास, टेक्सास में भी क्या है, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज। महान झील प्रदेश, पिट्सबर्ग, डुलुथ, बफेलो, लो इस्पात, और इसको क्या बोला जाता है, पिट्सबर्ग को, यूएसए का जंग का कटोरा। उसके बाद शिकागो मांस प्रसंस्करण, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, एक्रोन सिंथेटिक रबर या कृत्रिम रबर, और इसमें सिएटल एयरक्राफ्ट, पोर्टलैंड सिफ, सैन फ्रांसिस्को आईटी इंडस्ट्री के लिए इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली, सैन डिएगो आईटी, लॉस एंजलिस हॉलीवुड, अलास्का प्रुद्धों की खाड़ी, ऑयल देखने को मिलता है हमें इस जगह। फिर उसके बाद कनाडा, कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन में पहले तो नाम ध्यान रखो, देखो यहाँ पे ओंटेरियो नाम का क्षेत्र है और नदी का नाम सेंट लॉरेंस, इसका नाम है ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस। हमने घास के मैदान पढ़े थे, कौन से, प्रेरीज, घास के मैदान। तो प्रेरीज नाम से औद्योगिक प्रदेश कौन से क्षेत्र में मिलता है, कनाडा, तीसरे का नाम तो वही है। अब यहाँ अंदर बताना देखे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, पहले पहले तो यहाँ पे हैमिल्टन और सोल्ट सेंट मैरी, यहाँ क्या मिलता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैमिल्टन और सोल्ट सेंट मैरी, आयरन एंड स्टील, कहाँ कहाँ, हैमिल्टन, सडबरी, क्यों सड़ रहा है यहाँ पे, चलो बाहर निकल, बाहर निकल, तेरे को बरी कर देते हैं यहाँ पे, निकल निकल बाहर निकल, निकल और प्लेटिनम, क्यों सड़ रहा है, बरी कर देते हैं, निकल और प्लेटिनम यहाँ मिलता है यहाँ पे। विंडसर, विंडसर के ऊपर से गुजर रही है, विंडसर के ऊपर से, आप कार में बैठते हो सनरूफ, तो ऑटोमोबाइल, इसको कनाडा का डेट्रॉइट बोला जाता है, ऑटोमोबाइल विंडसर के ऊपर से। होलिंगर, होल कर लो यहाँ पे, होल कर लो, क्या मिलता है, सोना, तो गोल्ड माइन, होलिंगर माइन किसकी है, गोल्ड माइन, सोना। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कहाँ पढ़ा आपने मॉन्ट्रियल के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे न्यूज़पेपर का कागज, कौन सा, न्यूज़पेपर, हाइबर्निया, हाइबर्निया, अरे क्या याद, यहाँ ऑयल लगा दी यार किसी ने, माचिस लगा दी, हाइबर्निया, हाइबर्निया, तो यहाँ क्या मिलता है, ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कॉर्नर ब्रुक्स, कॉर्नर ब्रुक्स, कोने में बुक्स पड़ी है, कोने में बुक्स किसकी बनी हुई है, कागज, कागज की, कॉर्नर ब्रुक्स, पॉप पेपर। नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया,
एप्पल, नोवा स्कोशिया एप्पल, सेब, सेब वहां देखने को मिलते हैं कहां पे, नोवा स्कोशिया। टर्नर वैली, ऑयल भरा लिया गाड़ी में, टर्न करे जा रहे हो, टर्न करे जा रहे हो, टर्न करे जा रहे हो, तो तेल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, कोई सी भी गाड़ी हो, तो यहाँ पे भी ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके बाद में सुलिवान माइन, सलमान, और सलमान अपनी फिल्मों में करता है लीड रोल प्ले, हीरो वही रहता है, तो लेड, जिंक, सीसा, जस्ता, ये सब कहां मिलते हैं, सुलिवान माइन। वैंकूवर, वर, वर के साथ में क्या आएगी, लुगाई, लुगाई नहीं, लुगदी उद्योग, कौन सा इंडस्ट्री, लुगदी उद्योग, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प या कागज उद्योग, ठीक है, वैंकूवर लुगदी उद्योग, ये कहां की इंडस्ट्रीज थी, कनाडा। अब उसके बाद चलते हैं हम साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में दो इंपोर्टेंट, एक तो यूएसए और कनाडा, साउथ अमेरिका में ज्यादा इंपोर्टेंट बातें हैं नहीं, दो चार बातें कॉफी वगैरह से रिलेटेड देख लेते हैं। पहले ब्राजील, ब्राजील में एक जगह है वोल्टा रेडेंडो, क्या नाम, वोल्टा रेडेंडो, तो वोल्टा रेडेंडो किसके लिए है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, किसके लिए, आयरन एंड स्टील के लिए, वोल्टा रेडेंडो। कॉफी कहां मिलती है, साओ पाओलो, कौन सी जगह, पडलो तो सुख पाओलो नहीं तो दुख पाओलो, अरे पडलो तो सुख पाओलो नहीं तो दुख पाओलो, तो साओ पाओलो। कॉफी, कॉफी पोर्ट कौन सा है, सेंटोस, कॉफी पोर्ट कौन सा है, सेंटोस, कौन सा, कॉफी फार्म फजेंडा, कॉफी फार्म फजेंडा, कॉफी फार्म फजेंडा। मिट्टी कौन सी है, टेरारोसा मिट्टी, वो कोलंबिया वाले इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, वो फिनका फजेंडा, आप इतना सा ध्यान रखो, ब्राजील की तरफ वालों को क्या बोलते हैं, फजेंडा। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, आयर्स, एयर में चले आप, एयर में पता लगा ऊपर नहीं जाना, जहाज, शिप मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा, शिप मैन्युफैक्चरिंग। चिली, चिक्विका माता ता 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 तांबा, चिक्विका माता ता 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 तांबा। कॉपर, कॉपर कहां मिलता है हमें, चिक्विका माता, चिक्विका माता, चिक्विका माता, तो यहां पे क्या मिलता हमें, तांबा या कॉपर, कहां पे, साउथ अमेरिका। खत्म, फिर अब चलो अफ्रीका, अफ्रीका में कुछ खास है नहीं नाम, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता हमें। फिर चलते हैं हम यूरोप, अफ्रीका में कुछ भी नहीं है, कुछ खास है तो वो बातें छोड़ दो, काम की नहीं है, हम यूरोप चलते हैं। यूरोप, यूरोप में सबसे पहले कहां पे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम, उसमें दो तीन नाम अपने काम के हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स में, लंका, तो अपने अंग्रेज दुश्मन, तो लंका शायर, यॉर्क शायर, डर्बी शायर, लंका शायर, यॉर्क शायर, लंका शायर, यॉर्क शायर, लंका शायर, यॉर्क शायर। महान झील प्रदेश का एक नाम था मिडवेस्ट रीजन, यहां पे एक नाम है मिडलैंड रीजन, क्या नाम है, मिडलैंड रीजन है, ये नाम ध्यान रखना, वेस्ट ईस्ट उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, वेल्स, वेल्स तो जानते होंगे आप यहाँ है, तो इसको भी याद नहीं करना, साउथ वेल्स, आयरलैंड को भी जानते होंगे, तो यहाँ पे ये नाम हो गया आयरलैंड। और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्कॉटलैंड को भी आप जानते हो, ये नाम नहीं सुना होगा, क्लाइड घाटी, क्लाइड वैली, तो दो तीन नाम आपको दिखे तो बस आपको चूज करना है कि वो चीन में, जापान में, यूके, ना तो चीन में ना जापान में, ये ऐसे नाम कहां देखने को मिलेंगे हमें, यूके, क्या क्या नाम, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर, वेस्ट मिडलैंड, ये वेल्स, और वहां आयरलैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी, और उत्तर पूर्वी रेज। अब चलते हैं यूके में मेन मेन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले देखते हैं हम जहाज निर्माण, तो शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तो है बेलफास्ट, हमारा बेलफास्ट नहीं चलता तो जहाज बनवा लेते हैं, तो बेलफास्ट ग्लासगो, बेलफास्ट ग्लासगो, बेलफास्ट ग्लासगो। फिर आता है एक बर्मिंघम, सिंघम, उनका जेक स्पैरो स्टील का बना हुआ था, तो अपना सिंघम, बर्मिंघम, ये भी किसका बनेगा, स्टील, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र, बर्मिंघम। मैनचेस्टर को दुनिया जानती है, दुनिया, किसके लिए जाना जाता है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर जाना जाता है। एक और स्थान है यहाँ पे लिवरपूल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर। विश्व की पहली जूट मिल, डंडी नामक स्थान, कहाँ पे, डंडी नामक स्थान है, वहां पे देखने को मिलती है विश्व की पहली जूट मिल, वर्ल्ड्स फर्स्ट जूट मिल।
ठीक है, दो चार राम वहां पे थे यूके में। अब है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी में पहले तो ऐसा नाम देखने को मिलता हमें, क्या? पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश। तो दो तो बड़े देश है यहाँ पे, कौन कौन से? एक फ्रांस, एक जर्मनी, छोटा सा बीच में एक बेल्जियम। फ्रांस जर्मनी, वहां पे एक औद्योगिक प्रदेश मिलता है, उसका क्या नाम है? पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश, वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन। अब बताओ, राइन नदी थी, राइन की सहायक नदी का क्या नाम था? रूर। तो हम ये नाम देखेंगे, रूर, राइन, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी की तरफ ही जाएंगे। कहां पे? जर्मनी। और मेनली क्या चीज मिलेगी यहाँ पे? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। कौन सी? आयरन और स्टील। फ्लिंडर्स, फ्लिंडर्स प्रदेश, फ्लिंडर्स प्रदेश में क्या मिलता है? टेक्सटाइल। फ्लिंडर्स प्रदेश में क्या मिलता है हमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां पे? फ्लिंडर्स। फिर अब यहां पे आओ, देखो वो जो बेनेलिक्स कंट्रीज थे वहां तो एक निम्न भूमि प्रदेश, लोलैंड रीजन, ठीक है, तो निम्न भूमि प्रदेश, तो वो भी यहाँ पे यूरोप की तरफ ही मिलता है। एक स्थान है यहाँ पे एंटवर्प, हीरा कटिंग, डायमंड कटिंग का विश्व में सबसे बड़ा सेंटर कौन सी जगह मिलता है हमें? एंटवर्प नामक स्थान पे। तो कुल मिला के आपको बस ये नाम आइडिया रहना चाहिए, ऐसे कुछ भी मिला, एक तो पश्चिमी त्रिभुजाकार ये हमें याद नहीं करना है, क्योंकि राइन नदी को भी जानते हैं हम, रूर नदी को भी जानते हैं, ये जर्मनी की तरफ है, फ्लिंडर्स टेक्सटाइल बेल्जियम की तरफ है, और एक निम्न भूमि या लोलैंड रीजन ये भी इस तरफ ही है, वहां पे एक प्लेस है उसका क्या नाम है? एंटवर्प। फिर फ्रांस और जर्मनी की तरफ चलते हैं हमें, तो वहां पे एक नाम मिलता है हमें बड़ा सा इंपोर्टेंट है, अल्सास लोरेन सार प्रदेश। क्या नाम है? अल्सास लोरेन सार प्रदेश, अल्सास लोरेन। तो ये तो फ्रांस की तरफ है, और ये किस तरफ है? जर्मनी। फ्रांस का एक वो नाम है यहाँ पे नेंसी। क्या नाम? आप तो ध्यान रखो, फ्रांस जर्मनी में अल्सास लोरेन। फिर वापस से आ गया राइन, तो राइन नाम आ गया मतलब किस तरफ जाएगा ये? जर्मनी। स्टुटगार्ट और म्यूनिक, स्टुटगार्ट और म्यूनिक वो किसके लिए जाने जाते हैं? ऑटोमोबाइल। स्टुटगार्ट और म्यूनिक ऑटोमोबाइल। फ्रैंकफर्ट, एफ से फ्रैंकफर्ट, एफ से फाइनेंशियल हब, एफ से फ्रैंकफर्ट, एफ से फाइनेंशियल हब। और हैम्बर्ग, शिप मैन्युफैक्चरिंग या जहाज निर्माण। हैम्बर्ग, शिप मैन्युफैक्चरिंग या जहाज निर्माण। बाकी इसमें और भी छोटी मोटी चीजें थी, मैंने हटा दी, केवल काम की चीजें देखे। तो एक था स्कैंडिनेवियन पठार था, फिनो स्कैंडिनेवियन, तो वो भी वहीं था, नॉर्वे स्वीडन, तो यहाँ पे थे दक्षिणी स्कैंडिनेविया। डी से डेनमार्क, डी से डेयरी उद्योग। कौन सी इंडस्ट्री है? डेयरी उद्योग। फिर फ्रांस, फ्रांस में वाइन मिलती है दो जगह, कहाँ कहाँ? एक तो ये सैंपेन, चंपागने, और चंपागने के साथ साथ एक कौन सा है? बोर्डो। ये चंपागने नहीं, सैंपेन, एक तो सैंपेन और एक कौन सी जगह है? बोर्डो। सैंपेन और बोर्डो नाम की दो जगह है, वहां पे क्या मिलती है फ्रांस में? वाइन। तो सिंपल सा सैंपेन बोर्डो नाम ध्यान रखना। डी से डेनमार्क, डी से डेयरी उद्योग, और यहाँ पे स्टुटगार्ट म्यूनिक ऑटोमोबाइल, एफ से फ्रैंकफर्ट फाइनेंशियल हब, हैम्बर्ग जहाज निर्माण, अल्सास लोरेन, ये इंपोर्टेंट नाम है, ये नाम ध्यान रखना, अल्सास लोरेन सार, अल्सास लोरेन, ये कहाँ? फ्रांस और जर्मनी की तरफ मिलता है, और इधर एक निम्न भूमि फ्लिंडर्स और पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश। फिर उसके बाद में रूस की इंडस्ट्रीज आती है। रूस की इंडस्ट्रीज में पहले आयरन और स्टील, इसके लिए चार नाम थे हमारे, याद है क्या वो? कौन कौन सा है पहले बताओ? पहले तो कौन सा है? मैग्नेटोगोर्स्क, 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 मैग्नेटो गोरनाया सोरिया, गोरनाया सोरिया, गोरनाया सोरिया, गोरनाया मास्को तुला, मास्को तुला, मास्को तुला, मास्को, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो कुजनेट्स्क, ये जो चार जगह है यहाँ पे किस चीज के लिए जाना जाते हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। कहाँ? ये रूस की तरफ है। फिर कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, रशिया में तीन नाम थे, मास्को गोरकी इवानोवा, मास्को गोरकी इवानोवा, मास्को गोरकी, मास्को गोरकी इवानोवा इज द मैनचेस्टर ऑफ रशिया। इसको क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। तो ये यहाँ पे, फिर उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, तो लेनिन ग्राद, लेनिन ग्राद, लेनिन ग्राद, लेनिन, यहाँ पे एक स्थान था व्लादी वोत्सोक, व्लादी वोत्सोक, व्लादी वोत्सोक, व्लादी, यहाँ पे जलियान शिप, और प्लस शिप के साथ साथ ऑटोमोबाइल।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है। वोल्गा नाम की नदी थी यूरोप में सबसे लंबी नदी, जो कहां से बह रही थी, रूस। तो मिडिल वोल्गा नाम से औद्योगिक प्रदेश सीधा सीधा कहां जाएगा, रूस में जाएगा। ठीक है, तो दो तीन नाम रूस में ध्यान रखना। फिर उसके बाद में कौन आता है, यूक्रेन। यूक्रेन में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए तीन नाम देखने को मिलते हैं हमें, कौन कौन से, डोनेट्स क्रिवोई रोग क्रीमिया। और यूसको कहा जाता है यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। क्यों, क्योंकि जो प्रेरीज वो स्टेपी नामक जो घास के मैदान थे वहां पे होता है गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं का उत्पादन होता है और यूरोप को सप्लाई करता है कौन, यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ये यहाँ पे यूरोप की इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद में दो इंडस्ट्रीज और इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ की, चीन और जापान। चीन की इंडस्ट्रीज में एक ट्रायंगल मिलता है हमें, मुकदेन त्रिभुज, कौन सा, मुकदेन त्रिभुज या मुकदेन ट्रायंगल। और वहां पे कौन से मैदान है, मंचूरिया के मैदान। तीन नाम है वहां पे, कौन कौन से, सियांग फुसबन अनसान। किस चीज के लिए जाना जाते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। किस चीज के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। चीन में बताओ मेरे को कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, सांची सांझी। यहाँ क्या मिलता है, कोयला। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए चीन में तीन नाम, सियांग फुसबन अनसान। इनकी राजधानी एक तो बीजिंग और एक क्षेत्र है संघाई। संघाई तो किसके लिए जाना जाता है, संघाई तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कौन सा, संघाई। कैंटन भी क्षेत्र है, आप तो संघाई ध्यान रखो। और बीजिंग किसके लिए जाना जाता है, बीजिंग जाना जाता है ओनली टेक्सटाइल के लिए। बीजिंग किसके लिए, टेक्सटाइल, तो बीजिंग टेक्सटाइल के लिए। और संघाई ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। टिन वगैरह मिलता है यूनान में, वो छोड़ो। तो तीन नाम बस चाइना में, तो ध्यान रखना कौन कौन से, सियांग फुसबन अनसान, सबसे इंपोर्टेंट बस ये तीन ही नाम है। किस चीज के लिए जाना जाता है, लोह इस्पात उद्योग के लिए। उसके बाद में आगे चले तो आता है कौन, जापान। जापान में चार इंडस्ट्रियल रीजन है, पहला कौन सा, टोक्यो योकोहामा केहिन प्रदेश। क्या नाम है उसका, केहिन प्रदेश। क्या नाम है, केहिन प्रदेश। क्या नाम, कांटो क्वांटो। तो देखो यहाँ पे आ रहा है यामा कावासाकी, तो ये किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के साथ साथ शिप मैन्युफैक्चरिंग, जहाज निर्माण के लिए भी जाना जाता है इस क्षेत्र। फिर एक दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन, उसका नाम है नगोया। क्या नाम है, नगोया। तो नगोया भी एक तो ऑटोमोबाइल और नगोया कहाँ जा रहा है, हवा में, तो एयरक्राफ्ट। एक तो एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ पे किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल। फिर उसको जानते होगे आप, किसको, साका। कौन, दिल जले वाला साका। तो क्या कहा तुमने, ओ साका कोबे किनकी प्रदेश। तो साका को पूछा किसके कपड़े पहनता है भाई, किसके कपड़े पहनता है वो, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग पहनता है वो, कौन से, कॉटन के सूती वस्त्र पहनता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने देखा इसको क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर। ओसाका को क्या बोलते हैं, चौथा है यवाटा नागासाकी। कीटो क्यूसु। तो नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, बॉम बड़ा, तो डोम बना लिए इन्होंने। एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ में शिप मैन्युफैक्चरिंग, जलपोत वगैरह ये भी जापान की तरफ मिलते हैं। तो जापान के इंडस्ट्रियल रीजन कितने, चार। चारों के नाम आपको पूरे पूरे रटने नहीं है, मेंस में नहीं है, ओनली प्री में दिमाग लगाना, बस ऐसे नाम दिख जाए तो आंख बंद करके किस तरफ ले जाना है इनको, जापान की तरफ ले जाना। ठीक है, और इस तरीके से आपको 2013 में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैप दिया हुआ, इन्होंने पूछा पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पूछा कि बताओ पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। पहला वही है जो हमने अभी देखा, टोक्यो योकोहामा। दूसरा कौन सा है, नगोया। तीसरा कौन सा है, ओसाका कोबे किनकी। चौथा कौन सा है,
यवाटा नागासाकी। इस बार का क्वेश्चन ये पहले तो 2000 प्री में देखो, इस हर बार एक क्वेश्चन आता है इसका। 16 में सिंपल सही लंकाशायर, कहां देखा ये नाम? ये यूरोप की तरफ था, यूके। यहां पे रूर प्रदेश, ये तो जर्मनी में जाएगा। केहिन, टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, केहिन प्रदेश, तो ये कहां जाएगा? जापान। अप्लेसियन माउंटेन, ये सीधे सी बात है, यहां पे आपको नाम मैच करवाना है, चारों नहीं आए दो आए तो भी चलेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन। फिर उसके बाद 18 में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो पेपर करते करते टाइम वही एक काम करना, पेन लेकर चलना, सबसे पहले नहीं है, असत्य है, सत्य है, कौन सी मेन चीज पूछिए उसको करना अंडरलाइन, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को करना है ना। कई बार लगता है ये उड़ा दूं अभी उड़ा दूं, तुम उड़ जाओगे, ठीक है, इतना थोड़ा सा नहीं करना कि अभी कर दें अभी कर दें, थोड़ा आराम से शांति से, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? रूर प्रदेश, जर्मनी, पता ही हमें। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, कौन फिरकी ले रहा है, क्योंकि ये न्यू इंग्लैंड को सोचकर ये इसने यूके, लेकिन ये यूके में नहीं है, कहाँ है ये? यूएसए में। इस नाम का पो नाम की नदी, इटली में। कांटो क्वांटो, कांटो क्वांटो, कांटो जापान, तो कुल मिला के कौन सा गलत हो गया इसमें? दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, ये यूके की तरफ है वो। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा अंदर से था, मतलब केवल नाम से नहीं पूछा, इस बार में भी पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डेट्रोइट ऑटोमोबाइल, ये तो हम जानते हैं, सही बात है। गोरनाया सोरिया, गोरनाया, ये कॉटन टेक्सटाइल नहीं था, यहाँ पे क्या था? अरे एक तो था मैग्नेटो गोर्स, एक गोरनाया सोरिया, एक था मास्को तुला, और एक था नोवो कुजनेट्स, तो यहाँ पे गोरनाया सोरिया ये गलत हो गया। सयांग फुसबन अनसान, चीन में था क्या अभी? सयांग फुसबन अनसान, वहां आयरन एंड स्टील के लिए, सही बात है ये, इसमें गलती नहीं है। टोक्यो योकोहामा कावासाकी, ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन सा था? ऑटोमोबाइल और शिप, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर जाकर था, बाकी क्वेश्चन तो आपके ऊपरी ऊपरी सतह से याद आ रहे थे। इंडस्ट्रियल रीजन के भी इस बार थोड़ा सा अंदर गया है, अगर आए तो प्रिपेयर रहना इसके लिए भी बाय चांस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक बार इंडस्ट्रियल रीजन हो गए अपने पूरे, अब एक बार ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं मोटा मोटा क्या क्या चीजें हैं। हमने सारे कॉन्टिनेंट्स कर लिए मेन मेन हमारे एशिया तक, ठीक है, 7 चीजें थी। अब एक बार जल्दी से ऑस्ट्रेलिया बताओ, देखें ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो हमें इस पूर्वी भाग में एक माउंटेन मिलता है, क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या नाम इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये किस टाइप का माउंटेन है पूर्वी भाग में? एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, या इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो मेरे को, तो कोस्कुइस्को, क्या नाम? कोस्कुइस्को नाम से सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे नदियां आती है कौन सी? मर्रे, डार्लिंग, मरुम्बिजी नाम की नदियां, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें इस तरफ वाले पार्ट में मिलता है मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र मिलता है, इसका क्या नाम है? पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेटो रीजन है इसका नाम, क्या नाम है? पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेटो रीजन, पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेटो रीजन, क्या नाम? वेस्टर्न प्लेटो रीजन, ठीक है। और इसमें भी हमने देखा कि यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? सिल्ड का एग्जाम्पल है, अरे किसका एग्जाम्पल था? सिल्ड का एग्जाम्पल था। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के दो तिहाई भाग में फैला हुआ है, वो कोई बड़ी बातें नहीं, कुछ सिल्ड का एग्जाम्पल, इसलिए खनिज भी कुछ खास नहीं थे, पिलबरा में लो एस्क मिलता है, कालगुरली, कोलगाड़ी, सोना वगैरह छोड़ो, यहाँ पे डेजर्ट मिलते हैं कुछ हमने, और उनके नाम पहले देख लिए थे, कौन कौन से नाम थे? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी सिम्पसन, तनामी, तनामी सिम्पसन, एक झील थी जिससे हुई थी हमें निराशा, कौन सी थी? डिसअपॉइंटमेंट झील, कौन सी? डिसअपॉइंटमेंट नाम की एक झील थी जिससे हुई हमें निराशा, तो डिसअपॉइंटमेंट नाम की झील है जिससे क्या गुजरती है? मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वाली लाइन भी इससे पास होती है। फिर हमें लगभग इस पार्ट में यहाँ पे एक सिंगल चट्टान मिलती है, उसका क्या नाम है? आयर्स रॉक, आयर्स रॉक, जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? उलुरु, क्या बोलते हैं? उलुरु, उलुरु नहीं, उलुरु,
उलुरु उसका स्थानीय भाषा में नाम है, किसका, उस एकल चट्टान का, आयर्स रॉक का, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें मिलते हैं क्या, मैदान, मैदानों में तीन भाग है। जैसे पहले पहले तो हमें इस तरफ वाले पार्ट में यहाँ पे मिलता है, क्या नाम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन, क्या नाम है उसका, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ग्रेट आर्टिसन बेसिन। क्या होता है आर्टिसन बेसिन, ये जो अपारगम में चट्टाने होती है, इम्परमिएबल रॉक्स, उनमें किसी वजह से पानी अंदर आ गया, तो जब जल दो अपारगम में चट्टानों के मध्य उच्च दाब परिस्थितियों में, हाई प्रेशर कंडीशंस में उपस्थित होता है, तो कमजोर स्थल पाते ही अपने आप ही वो स्वतः ही सतह से बाहर निकलता है। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, आर्टिसन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं विश्व के सबसे बड़े बड़े आर्टिसन बेसिन, कहाँ मिलते हैं हमें, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में। तो एक क्षेत्र आपको बस ये नाम पूछेगा वो ग्रेट आर्टिसन बेसिन, सामने लिखेगा बताओ ये ऑस्ट्रेलिया में एक अफ्रीका में, इतना सा बताना कि ये ऐसी चीज कहाँ है अफ्रीका में, अफ्रीका में क्या रे, हमें तो चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है, ये नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में और अंदर की बात आपसे कोई नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पे ये कौन सी नदी है, यहाँ पे मर्रे डार्लिंग बेसिन, तो यहाँ पे मर्रे और उसकी सहायक नदियां, उनके द्वारा ये मैदानी क्षेत्र मिलता है साउथ ईस्ट वाले पार्ट में, क्या नाम उनका, मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, अरे इतना क्या फील ले रहे हो, फील नहीं लेना है ना, मर्रे डार्लिंग नहीं, मर्रे डार्लिंग बेसिन, क्या बोलते हैं इसको, मर्रे डार्लिंग, मर्रे और उसके सहायक डार्लिंग, इनके द्वारा बना हुआ पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया में खेती वेती यही होती है, कृषि, तो इसलिए बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का खाद्यान्न का कटोरा है ना, फूड बाउल ऑफ एग्रीकल्चर। मैदान मिलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्या नाम है उनका, डाउन्स नामक मैदान, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है यहाँ पे, जो यहाँ इस क्षेत्र में मिलते हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में लगभग ये जो पार्ट है वहां हमें मिलते हैं और मैदान मिलते हैं यहाँ पे, क्या नाम है उनका, नल, नल मतलब बिल्कुल नहीं, आर्बोर मतलब वृक्ष, अर्धशुष्क परिस्थितियां इसलिए पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया नल्लारबोर के मैदान, क्या नाम, नल्लारबोर के मैदान। केवल आपको इतना सा पूछेगा नल्लारबोर लिखेगा, पूछेगा बताओ ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका में, तो आप बस इतना सा बता देना कि कहाँ ये, ऑस्ट्रेलिया, तो नल्लारबोर प्लेन्स, ये हमें साउथ वाले पार्ट में मिलते हैं, और अर्धशुष्क परिस्थितियां, पेड़ वेड़ यहाँ पे नहीं है ज्यादा, और ये चूना पत्थर से बना हुआ लाइम स्टोन से, इतनी बातें काम की नहीं, आप तो बस नाम ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, नल्लारबोर प्लेन्स। वो कौन है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये कौन है, मर्रे डार्लिंग, वो माउंटेन था ही। अब ये ध्यान रखना कैसा माउंटेन है, पुराना हाइएस्ट पीक कोस्क्विस्को, और ये इस तरफ वाले पार्ट में एक झील और थी बस यहाँ पे बीच में, क्या नाम है उसका, आयरे नाम की झील है, क्या नाम, आयरे, एक आयरे नाम की यहाँ पे झील मिलती है, आयरे झील, कैसी है ये, लवणीय है, सलाइन टाइप की है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु मिलता है, लोवेस्ट पॉइंट मिलता है, ठीक है, काटी ठंडा एक नया नाम है उसका, इतना इंपोर्टेंट नहीं है वो भी, क्या नाम है, काटी ठंडा, आप तो बस इतना ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, आयरे झील, आयरे नाम की झील है, या आयर्स रॉक है, ये आयर्स नाम की तो चट्टान है, वैसी एक झील का नाम है आयरे, और सबसे निम्नतम बिंदु मिलता है इस तरफ, ये इतना सा छोटा सा क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो मोटी मोटी बात, एक पर्वत, तीन बीच में मैदान, ग्रेट आर्टिसन, मर्रे डार्लिंग, नल्लारबोर, उधर फिर पठारी क्षेत्र, वहां एक झील है, डिसअपॉइंटमेंट, और ये वाली चीज। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में गिनती की चीजें हैं चार, एक तो पर्वत है यहाँ पे, उस पर्वत का नाम क्या है, दक्षिणी आल्प्स, क्या नाम है उसका, दक्षिणी आल्प्स नाम का पर्वत है, दक्षिणी आल्प्स या सदर्न आल्प्स नाम का माउंटेन, दक्षिणी आल्प्स या साउथ आल्प्स नाम का माउंटेन, कैसा है ये, एक नवीन वलित पर्वत है, ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है, हाईएस्ट पीक का नाम बता दो आप तो मेरे को, माउंट कुक, क्या नाम, बस ये सबसे काम की चीज न्यूजीलैंड में, क्या नाम है, माउंट कुक। फिर इधर हमें मैदान मिलते हैं, उनका क्या नाम है न्यूजीलैंड वालों का, कैंटरबरी नामक घास के मैदान, कैसे हैं ये, शीतोष्ण कटिबंधीय, कैंटरबरी नामक घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट है, और इन्हीं के कारण न्यूजीलैंड किसके लिए जाना जाता है, डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। इधर एक झील मिलती है उत्तरी द्वीप पर, उसका नाम क्या है, तापू, क्या नाम है, तापू झील है, मीठे पानी की झील है, कालडेरा है, सबसे बड़ी झील है, आप बस नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, तापू, क्या नाम, तापू नाम की झील। यहाँ पे एक सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है
वेकाटो, क्या नाम? वेकाटो। वेकाटो नाम की न्यूजीलैंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, उसका क्या नाम है? वेकाटो। चार चीजें बस। क्या नाम पर्वत का? दक्षिणी आल्प्स, सदर्न आल्प्स, कैसा है? नया है। और हाईएस्ट पीक माउंट कुक। और कौन सी मैदान? कैंटरबरी। झील का नाम तापू, नदी का नाम वेकाटो। अंटार्कटिका में बस एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। क्या नाम है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ट्रांस अंटार्कटिक नाम से माउंटेन है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रोकी। तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इसी को बोलते हैं थर्ड लॉन्गेस्ट। थर्ड लॉन्गेस्ट है, तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और उसके साथ साथ ये यहाँ पे कौन सा सागर? विडेल सागर। विडेल सागर से रोस सागर यहाँ तक फैली हुई है, दो पार्ट में बांटती है अंटार्कटिका को। तो हम क्या करें? सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ तो बांटते हैं, तो ये तो क्या है, तो विपरी में क्या काम की चीज है? कोई भी काम की नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा एक अंटार्कटिका में एक चीज और है, डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? अंटार्कटिका में ही, यहाँ पे अंटार्कटिका ये सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ पे। कैसे टाइप है? पोलर आइस और टुंड्रा। दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट पूछे तो आर्कटिक रीजन। तीसरा फिर आता है कौन सा? सहारा। अगर ऐसे इन दोनों को छोड़ दे तो फिर विश्व में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सहारा। तो ऐसी चीजें, अंटार्कटिका भी इसलिए भी इंपोर्टेंट, हमने नया एक मिशन स्टार्ट किया है। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री तो पहले था, फिर उसके बाद कौन कौन सा था? मैत्री, भारती, इस टाइप से। और अभी कौन सा स्टार्ट किया? मैत्री टू। तो करंट के हिसाब से आप एक चीज और ध्यान रखना, बाकी इसमें तो केवल एक पर्वत, इस पर्वत की हाईएस्ट पीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माउंट विंसन मैसिफ। बस इतना सही है। अभी आपका कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन तो हो गया खत्म, अब एक देख लेते हैं। आपके एक चैप्टर दे रखा है कॉन्टिनेंट वाले पोर्शन के बाद में, क्या नाम है उसका? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर ये भी छोटा सा ही है, पिछली बार यहां से क्वेश्चन नहीं आया। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो दे रखा है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। और इंडियन ज्योग्राफी में दे रखा है प्रमुख फसलें जो आपकी क्रॉप्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे कृषि के प्रकार, अलग अलग कौन सी खेती होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दो प्रकार की खेती होती है, निर्वाह कृषि सब्सिस्टेंस, और एक होती है कमर्शियल, केवल पर्पज होता है उसका बिजनेस। ये थोड़ा बहुत विकासशील देशों में ऐसी होती है, दो टाइप है इसका, गहन जीवन इंटेंसिव लाइफ सब्सिस्टेंस, और एक होती है उसको बोलते हैं आदिम, जनजातियों द्वारा की जाती है, स्थान बदल बदल कर और यहाँ पे पशुओं को चराकर। देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, एक एक को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्वाह कृषि सब्सिस्टेंस, उसका सबसे पहला अपना टाइप कौन सा है? गहन जीवन निर्वाह कृषि। पहली बात तो ऐसी खेती की कहा जाती है? ऐसी खेती की जाती है मानसून एशिया, वह एशिया जहां मानसून जलवायु प्रभावी होती है। और वह एशिया कौन सा है? अपने वाला पार्ट, हमारा एशिया, मतलब हम जा रहते हैं दक्षिण एशिया, साउथ एशिया और चाइना वाला पार्ट, ये थोड़ा सा पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वगैरह, वो पार्ट वहां पे ऐसी खेती की जाती है मानसून एशिया वाले पार्ट में। आबादी बहुत ज्यादा, घनी आबादी रहती है, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ज्यादा, इसलिए खेतों का आकार छोटा होता है कि बहुत बड़ा? लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटी हो जाती है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसको ध्यान रखना, गहन, गहन या फिर इसको हम कहें इंटेंसिव। जिस प्रकार से आप गहन अध्ययन कर रहे हैं वहां पे, इस तरीके से यहाँ पे इंटेंसिव का मतलब क्या है? खेती करना बहुत गहन तरीके से, खेत को खाली छोड़ना ही नहीं, वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें प्राप्त करना। दो या दो से अधिक फसलें प्राप्त करते हो आप तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? गहन जीवन निर्वाह। रबी की, खरीफ की, जायद की भी बोली आपने, तो वो गहन जीवन निर्वाह। मेनली मानव श्रम पे बल देते हैं लोग, इनके पास ज्यादा अलग से मशीनीकरण वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। एक सबसे इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे, आबादी खूब सारी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन इनका होता है कम, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन, क्योंकि आबादी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? कम। प्लस साथ में देखा जाए तो हेक्टेयर, केवल साल में दो या दो से अधिक बार खेती कर लेते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन इनका हो जाता है ज्यादा, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर उत्पादन वो तो हो जाता है ज्यादा।
लेकिन साथ ही साथ देखें हम प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो जाता है इनका, कम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, और उसमें पढ़ेंगे हम तो वहां पे लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। जब यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर देखेंगे तब, फिर उसमें दो प्रकार की खेती, या तो क्या उगाते हैं, चावल, या उगाते हैं गेहूं। चावल उगाते हैं उसको चावल प्रधान, और चावल कहाँ उगाते हैं, जब बारिश कब रहेगी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, और गेहूं उगाते हैं जहां पे बारिश रहेगी 100 सेंटीमीटर से कम। तो 100 सेंटीमीटर से कम बारिश में गेहूं उगाया जाएगा, और 100 से ज्यादा में क्या उगाया जाएगा, चावल। तो दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसी खेती की जाती है उसका नाम है गहन इंटेंसिव। गहन का मतलब साल में दो या दो से अधिक फसलें, और प्रति व्यक्ति उत्पादन यहाँ पे कम, प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्थानांतरण कृषि। ये कहाँ की जाती है, इक्वेटोरियल रीजन, जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, यहाँ पे इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में, जहां पे कौन सी रहती है, जनजातियां। जैसे यहाँ पे साउथ अमेरिका में आ गया था, कौन सी नदी थी, अमेजन बेसिन, इधर थी कॉन्गो बेसिन, इधर था साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट। तो वहां पे उस क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है स्थानांतरण कृषि, और किसके द्वारा, जनजातियों के द्वारा। यहाँ पे काटो और जिलाओं पे पूरा फोकस रहता है। कर्तन एंड दहन कृषि, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर। विश्व में अलग अलग जगह इसके नाम है, अलग अलग क्वेश्चन आता है वहीं से, ठीक है। क्या क्या नाम अलग अलग है, स्थानांतरण शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आपके राजस्थान जियो में क्या पढ़ा आपने, वालरा, दजिया और चिमाता, और यहां देख लेते हैं हम अलग अलग जगह। तो पहला है मेक्सिको, रोडेशिया मतलब जिम्बाब्वे, और पुराना नाम है जिम्बाब्वे का, और मिडिल अमेरिका। तो मेक्सिको, रोडेशिया, मिडिल अमेरिका, मिल्पा। मेक्सिको, रोडेशिया, मिडिल अमेरिका, मिल्पा। मेक्सिको, रोडेशिया, ब्राजील, रोका, ब्राजील, इमली। इंडोनेशिया, मलेशिया, लदांग। इंडोनेशिया मलेशिया। भारत के साउथ में श्रीलंका, और साउथ ही साउथ में पास में चेन्नई, तो श्रीलंका चेन्ना। थाईलैंड तमरई। थाईलैंड, म्यांमार। तुग्या या टांग्या। वियतनाम रे। वेनेजुएला कोनुको। देखो अफ्रीका, फ्री में क्या मिलेंगे, मसाले, तो मैसोल मासोल। अब फ्री में मसाले मिल गए, तो एक मध्य वालों को, तो भूमध्य रेखा वाले ही करेंगे फंग। तो यहाँ पे क्या है, फंग। लेकिन जो वेस्ट वाले, अफ्रीका वाले हैं, पश्चिम वाले, ये तो भाई साहब लेंगे लगान लेंगे। ये तो क्या लेंगे, तो लोगन नाम, ये वो का वही नाम आ गया जो कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक थी। तो यहाँ पे क्या है, लोगन या लोगान, ध्यान रखना है ना, कहाँ पे, वेस्ट, वो तो लगते हैं लगान। मेडागास्कर तवी। जावा सुमात्रा हुमा। फिलीपींस कैंगिन। और हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पे झूम बराबर झूम सराबी। चलो बताओ देखिए एक बार वापस से नाम, मेक्सिको रोडेशिया मिडिल अमेरिका मिल्पा। ब्राजील रोका। इंडोनेशिया मलेशिया लदांग। श्रीलंका चेन्ना। थाईलैंड तमराई। म्यांमार तुग्या टांग्या। वियतनाम रे। वेनेजुएला कोनुको। मध्य वाले अफ्रीका वाले तो मसाले, मसोल मासोल, क्या नाम, मसोल।
पश्चिम, पश्चिम अफ्रीका वाले लोगन, क्या लोगन, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल वाले यहाँ पे वो इक्विटो, ये तो लोगन और ये क्या करेंगे फन, मेडागास्कर तावी, मेडागास्कर तावी, मेडागास्कर, जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा उमा, जावा सुमात्रा, फिलीपींस केंगिन, फिलीपींस, फिलीपींस, और हमारे उत्तर पूर्वी राज्य चुम बराबर चुम सराबी चुम बराबर। चलो इधर आ जाओ, अब है वाणिज्यिक या कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में देखें तो सबसे पहला पहला टाइप आता है ये क्या बोलते हैं इसको, वाणिज्य पशुधन पालन, पशुपालन करते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पढ़े। कहाँ की जाती है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन में, हमने पढ़ा हुआ सारी बातें इसमें पहले से, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन में की जाती है। और वही ऑस्ट्रेलिया में दूध पालन किया जाता है, यहाँ पे यूएसए में दूध के साथ मीट प्रोसेसिंग, वो सब चीजें हम जानते हैं। आप तो ध्यान रखो नॉर्थ अमेरिका में वो प्रेरीज घास के मैदानों में बड़े बड़े मवेशी फार्म में क्या बोलते थे उनको, रेंच, देख रेख करने वाले काउज। साउथ अमेरिका में पंपास घास के मैदानों में एस्टेंसिया, क्या कहते हैं उनको, और देख रेख करने वाले ग्वाचो। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर जेकारू, क्या बोलते हैं, नॉट कंगारू, इट्स जेकारू, क्या बोलते हैं इनको, जेकारू, भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब एक देखो, वहां था गहन, यहां है विस्तृत, वहां था गहन, यहां पे क्या है, वहां पे नाम था इंटेंसिव और यहाँ पे क्या है एक्सटेंसिव, वहां था इंटेंसिव यहाँ पे एक्सटेंसिव, मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर करनी है, कहाँ पे कर रहे थे, वही सेम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, अरे प्रेरीज पंपास वगैरह में यही होता है, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि में मेनली किसकी खेती करते हैं, ये इसकी खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं मेनली टेम्परेट ग्रासलैंड्स रीजंस में, वहां पे ऐसी खेती होती है। यहाँ पे वो एक चीज बता दूं मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या, यहाँ पे जनसंख्या की आबादी क्या है कम, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन पर प्रोडक्शन, ये पर पर्सन प्रोडक्शन इनका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्लस प्रति व्यक्ति उत्पादन तो ज्यादा हो गया और प्रति हेक्टेयर उत्पादन, मेनली ये साल में एक ही फसल उगाते हैं इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन इनका क्या हो जाएगा कम, ये क्या हो जाएगा कम, गेहूं वगैरह इस टाइप की यहाँ पे गेहूं चावल इस टाइप की खेती इस वाले पार्ट में की जाती है। तो एक लैंड बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मिश्रित, मिश्रित में क्या होता है, कृषि प्लस पशुपालन, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है, कृषि प्लस पशुपालन, यहाँ पे वो सस्यावर्तन इंटरक्रॉपिंग या फिर जो मिक्स्ड फार्मिंग वगैरह इस टाइप की चीजें हैं तो वो इतनी कोई काम की चीजें नहीं है। ठीक है, अंतर फसली कृषि, इंटरक्रॉपिंग और सस्यावर्तन वगैरह वो चीजें, तो मिश्रित कृषि में तो बस सिंगल क्रॉप फार्मिंग होती है, एक ही फसल की जाती है और यहाँ पे पूंजी निवेश ज्यादा होता है। रोपण कृषि, बागाती कृषि, ये कौन से क्षेत्र में की जाती है, उष्ण कटिबंधीय, ये इक्वेटर, इक्वेटर के पास में ये यहाँ पे कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला रीजन है, यहाँ पे स्टार्ट की गई थी ये खेती किसके द्वारा, यूरोप के लोगों के द्वारा, यूरोपियंस द्वारा की गई थी, कब, कॉलोनाइजेशन एरा में, यहाँ पे उपनिवेशन काल में जब उनकी कॉलोनीज इधर उधर थी तब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे उस क्षेत्र में उन्होंने ऐसी खेती स्टार्ट की। और इसमें हमने देखा हिस्ट्री बता रखी है, जैसे भारत अंग्रेजों के द्वारा भारत में किसकी स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया गया, तो भारत में स्टार्ट किया गया चाय, चाय की खेती स्टार्ट की गई, बाकी अलग अलग जगह जैसे श्रीलंका में भी क्या स्टार्ट की थी अंग्रेजों ने, चाय, बाकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी बात आप थोड़ी सी आइडिया रखना, रोपण कृषि बागाती कृषि ये इंपोर्टेंट है, दो ही शब्द बस काम के। पहले बात तो भूमध्य सागर कृषि का संबंध किससे है, सिट्रस फ्रूट्स, कौन से, खट्टे फलों की कृषि, सिट्रस फ्रूट्स, कौन से फल, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों की खेती है, उसको क्या बोलते हैं भूमध्य सागर कृषि। एरिया बता दो देखिए इसका कहाँ कहाँ है, एरिया यही है, ये तो है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर के दोनों ओर यहाँ पे, ठीक है, और ये ट्यूनिशिया से अटलांटिक तट तक, ये क्या है यहाँ पे चिली, तो चिली का मिड वाला पार्ट, यहाँ पे मिड चिली वाला पार्ट, चिली का मिड वाला पार्ट, साउथ अफ्रीका का साउथ, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट, बस खत्म।
भूमध्य सागरी कृषि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किसके लिए जाने जाते हैं? खट्टे फलों के लिए, भूमध्य सागर के आसपास, चिली का मिड, साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेस्ट, इतना सा थोड़ा सा आइडिया रखना है। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? अपने होता ही है, सब्जी वगैरह ट्रक में लोड किया रात को और सुबह तक मंडी में पहुंचा दी, मार्केट तक पहुंचा दिया उसको। ट्रक द्वारा साग सब्जियों की खेती उसमें की जाती है, मेनली किसकी? साग सब्जियां। एक ट्रक कितनी दूरी तय करता है उस पर डिपेंड होती है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई है? यूएसए में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फलोद्यान मतलब किस किस की खेती? फल प्लस फूलों की खेती, फल प्लस फूल, फूलों की खेती इसमें होती है, यहाँ पे फ्रूट्स की और फ्लावर्स की खेती इसमें होती है, हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है इसको। अलग अलग जगह अलग अलग फल उगाए जाते हैं, जैसे हमने देखा कि अभी भूमध्य सागरी मेडिटेरियन रीजन में तो खट्टे फल, और आसपास वाले रीजन में जैसे हमारे आम वगैरह ये, वो नोवा स्कोशिया में हमने उगा दिया एप्पल। इसमें मेनली जाना जाता है फूलों की खेती के लिए। एक चीज अपने यहाँ पे मुझे उगाए जाते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, गुलाब, गेंदा। इम्पोर्टेंट ये है फूलों की खेती के लिए कौन सा देश फेमस है? नीदरलैंड। कौन सा देश? यूरोप में नीदरलैंड, और वो भी मेनली कौन से फूलों के लिए? ट्यूलिप टाइप के फूलों के लिए। कौन से फूल? ट्यूलिप। तो बस इतना ही, फल प्लस फूलों की खेती, और उसमें भी फूलों में सबसे फेमस कहाँ है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड में भी कौन से फूल? ट्यूलिप टाइप के फूल है सबसे इंपॉर्टेंट। बस इतना सा पूछ सकता, कारखाना कृषि या फैक्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है? पशुपालन। ये नाम आएगा तो पहचान जाओगे आप, लेकिन ओनली कारखाना या फैक्ट्री फार्मिंग आ गया तब नहीं पहचानोगे। इसका मतलब भी क्या है? पशुपालन ही करना, एनिमल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री, थोड़ा एडवांस लेवल पे करना। पशुओं के लिए खाने की व्यवस्था भी वहीं पे आपके, जैसे देखो ये लाइटिंग की व्यवस्था भी हो सकता है उनके लिए, एसी कूलर भी लगाया हुआ हो सकता है उनके लिए, डॉक्टर भी हो वहाँ पे, जुकाम हो जाएगा आए भैंस को, तो उस तरीके से एडवांस लेवल पे खेती करना, पोल्ट्री फार्म वगैरह, ये सब इसको क्या बोलेंगे? कारखाना कृषि। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल रीजन है वहां पे इस टाइप की खेती हमें देखने को मिलती है। पता भी ये उधर ही होगी ज्यादा, अपने यहाँ तो देखा ही नहीं हमने कभी ऐसी व्यवस्था। हमें यहाँ पे ढंग से टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलता है, व्यवस्था नहीं मिलती, तो गाय भैंसों को तो कहाँ से नसीब। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में कारखाना और ये डेयरी कृषि होती। संगठन के आधार पर दो प्रकार की खेती है, बस खत्म ही लास्ट। एक सहकारी कृषि और एक सामूहिक। सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये किसके माध्यम से की जाएगी? ये सहकारी समिति के माध्यम से की जाएगी। किसके माध्यम से? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से की जाएगी पहली बात। और वो सोसाइटी आपको हेल्प करेगी, फसल की खरीद करनी है, आपको कुछ प्रसंस्करण के सामान चाहिए, लास्ट में फसल को बेचना है, सब टाइम पे आपको क्या करेगी? हेल्प। कौन? ये सहकारी समिति, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट मेनली हम देखते हैं कि एक शताब्दी पहले प्रारंभ हुआ, मेनली कब? आज के लगभग 101 साल पहले, एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ। सबसे अधिक सफल कहां रहा है? डेनमार्क। हमने पढ़ा भी था डी से डेनमार्क, डी से डेयरी उद्योग, तो डेनमार्क में सबसे अधिक सफल रहा। सामूहिक कृषि में ऐसा नहीं होता, आपको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें तो जो आपके खेत है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करेगी, बस सोसाइटी आपको बताएगी। आपकी सबकी पढ़ाई खुद की पढ़ाई है, आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बस आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हमें प्री में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऐसे रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ कुछ उल्टा होता है, किसी ने कम पढ़ा किसी ने ज्यादा पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके नंबर आएंगे बराबर, ठीक है। तो ये वाला ये कम्युनिस्ट व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, समाज का नियंत्रण आ जाता है आपके पूरे खेत वगैरह पे, पूरी आपके जो भी संसाधन, आपको मिलके काम करना पड़ता है। किसी के कम नंबर आ रहे हैं, थोड़ी आपको करनी है हेल्प ताकि वो भी आपके बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये वाली होती है सामूहिक कृषि। मेनली ऐसा कंसेप्ट कहाँ थोड़ा फेमस हुआ? यूएसएसआर में, और वहां इसको कहा जाता है कोलक होस या फिर कोल खोज, कोलक होस या फिर कोल खोज। तो ये आपको नाम थोड़ा सा रखना है ध्यान, ठीक है, संगठन के आधार पे। इसी के साथ आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है खत्म।